very good morning my dear gw soldiers once again very good morning welcome in pw family each and everyone are you getting my voice kindly let me know beta. are you getting my voice tell me fast kindly acknowledge vacha are you getting my voice so Kare start everyone एंडली एक्नॉलेज एक्ना फास्ट 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 सुप्रभा वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांतर ई फैक्ट सर वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वन अगेन वेरी गुड मॉर्निंग पुतिन ईच एंड एवरी वन वन अगेन वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम इन डी डब्ल्यू फैमिली मई डी डब्ल्यू शोल्जर्स यस 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 यो टूडे We are going to start about the memory hierarchy and cache memory, each and everything. Okay. So first of all, what are the topics that will cover by today in today class? Memory hierarchy and cache memory. That we will discuss. Before we start this topic, I want to discuss. Yesterday we have done what? So yesterday we are discussing in the last micro operations. Yeah, you can say micro programs also. Micro operations, my dear. Micro operations my dear micro operations yes or no yesterday class what we done how's the josh hi sir very good very good everyone so yesterday class we discuss about the micro operations micro program and how we write micro operations and micro program each and everything we discuss either for a fast cycle yeah for a execute cycle yeah, for a interrupt cycle yes or no each and everyone, are you getting my point? Yesterday class, first we discuss addressing mode. After that, we discuss yes, 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 yes. Listen, listen. Very good morning once again. In the yesterday class, we discuss first of all addressing mode, type of addressing mode. What is the immediate, what is the direct, what is the indirect?

डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वी यूज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसका कल कल अपन ने काफी questions भी 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 किए थे. एक बच्चों आपने करवा दिया था. B नहीं उसका C आएगा. आप 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 देखिएगा उसमें सही है उसमें ए बी सी के कोरोस्पोंडिंग मैपिंग थी ए बी सी के कोरोस्पोंडिंग मैपिंग थी और आपके ये एड्रेसिंग मोड का यूज था ठीक है अब देखें. इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं सुनिएगा बच्चों इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपन ने पढ़ा माइक्रो ऑपरेशन यस आई एम फाइन बेटा ईच एंड एवरी वन हवर यू तो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं देखो अभी अपन ने क्या सीखा समझना अपन ने अभी सीखा कि प्रोग्राम होता है प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होते हैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल में भी दो सब साइकिल होती है पेस्ट साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल ओके okay. इसमें भी सब साइकिल्स होती है सब ऑपरेशन होते हैं डेट इज कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन डेट इज कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन आवाज आ रहा है डेट इज कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन यस या नो डेट इज कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन और इनका कलेक्शन अपन ने क्या बोला माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है यस 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 वो पहले सही था उसके बाद में अपन ने किया था उसको क्लियर है उसके बाद में अपन ने किया था टीडीएम गेमिंग बट आपको पता है ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ टेबल बनवा चुका हूँ तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपको टेबल ऑलरेडी मैं बनवा चुका हूँ कि एरे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड पॉइंटर इनडायरेक्ट वेरिएबल डायरेक्ट डिक्रीमेंट और टिल नाउच एंडस्टल क्लियर रोहित शिवा सत्यम नवीन एवरी वन नाउ टूडे देखो बच्चों पर यहाँ तक पढ़ लिया था समझना मेरी बात अपन ने देखा पहले प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में प्रोग्राम के बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल आई इंस्ट्रक्शन साइकिल में भी फैच एंड एग्जीक्यूट आई और इनके अंदर भी जो जो स्मॉल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन ओके नाउ दिस माइक्रो ऑपरेशन इज इंप्लीमेंट विद हेल्प ऑफ कंट्रोल कंट्रोल यूनिट विद हेल्प ऑफ यूनिट माई डियर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट आपको पता होना चाहिए कि हम किस गली जा रहे हैं तो देखो बच्चों आप बोल रहे थे मेरा कंप्यूटर यह कर देगा वो कर देगा आग लगा देगा ये कर देगा इसके अंदर क्या क्या काम होता है वो मैंने आपको बताया जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल आई उन इंस्ट्रक्शन साइकिल में कोई सब साइकिल्स होगी फैच एंड एग्जीक्यूट उनके अंदर भी स्मॉल स्मॉल ऑपरेशन जो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाते हैं वो क्या होंगे माइक्रो ऑपरेशन होंगे एंड दीज माइक्रो ऑपरेशन दीज माइक्रो ऑपरेशन आर एग्जीक्यूट विद हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट विद दी हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट माई डियर विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट आर यू गेटिंग मा पॉइंट

ये आप पा गलो सुबह आठ बजे आके पढ़ाने लग गए हैं क्यों पढ़ाते हो आप ये कंट्रोल यूनिट उससे होगा क्या तो बेटा उससे क्या होगा आपने देखा प्रोग्राम प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन की साइकिल फेस्ट साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल इनके अंदर भी स्मॉल स्मॉल ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग सो टू एक्ट डेट स्मोल ऑपरेशन कंट्रोल वी रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स एंड दैट कंट्रोल सिग्नल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट वी कैन से यू कैन सी हीयर क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से आपका जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है जो भी फ्लैग्स हैं क्लॉक्स हैं उन सब की मदद से अपन कंट्रोल यूनिट के हेल्प से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं जो आपकी कंट्रोल बस के थ्रू आयदर कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बस की तरफ जा रहे हैं या कंट्रोल बस से आ रहे हैं इन्स आयदर यू आर परफॉर्मिंग रीड ऑपरेशन और राइट टाइप ऑफ ऑपरेशन रिगार्डिंग मा पॉइंट सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट वॉट वी कैन से

और ये माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं फिर भी बता देता हूं मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन इन दी हार्डवेयर स्मोलेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑपरेशन कुछ भी करना है उसका सबसे छोटा ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन इन कंप्यूटर यूनिट क्या करती है डायरेक्टली हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होंगे बच्चा तो आपका डिजायर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा कि कंप्यूटर सिस्टम का मेन काम क्या है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अब देखो जो स्टैंडर्ड बुक है उसने ऐसे इसको डिफाइन कर रखा है कंट्रोल यूनिट क्या होती है देखो आप समझ रहे स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है ना आप आराम से समझ पाओगे क्या बोल रहा है बाई रिड्यूसिंग ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर प्रोसेसर के ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए इट्स द मोस्ट फंडामेंटल लेवल कि वी आर एबल टू डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट इज दैट एंड कंट्रोल यूनिट मस्ट कॉस्ट टू हैपन कि एक्चुअल में क्या हो रहा है एक्चुअल में क्या हो पर रहा है और कंट्रोल यूनिट को क्या करना है वो सारी चीजें तो इसके लिए तीन स्टेप्स की जरूरत है पहले तो आप क्या क्या एलिमेंट है प्रोसेसर के वो डिसाइड कर दो उसके बाद क्या क्या माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और उसके बाद कौन से फंक्शन रिक्वायर्ड है जो उन माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए चाहिए और कंट्रोल पहले सिक्वेंसिंग करेगी फिर एग्जीक्यूशन कर देगी तो ये मेरा कंट्रोल यूनिट का खेला है दोबारा सुनिएगा कि वॉट आई एम डिस्कसिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट यूनिट कंट्रोल इज द सुपरवाइजर इन दिस सिस्टम दैट कंट्रोल ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट टेक वेरियस इनपुट लाइक फ्लैग क्लॉक है ना आई आर का डेटा ईच एंड एवरी इनपुट बट प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट दैट इज कॉल्ड कंट्रोल 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 सिग्नल्स सिग्नल कंट्रोल सिग्नल्स तो देखो आप ये डायग्राम आपको पूरा स्पेसिफाई कर देगा इससे पहले यहां तक क्लियर है एक बार लिखिए यहां तक क्लियर है जल्दी से लिखिए फास्ट एवरी वन एवरी वन एवरी वन यस 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 लिखिए जल्दी अब देखिए अब देखिए पूरा कंसेप्ट जो अपन ने माइक्रो प्रोसेसर अपन जो अपन यूए पढ़ रहे हैं जो माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट भी पढ़ा अपन पूरा कंसेप्ट यहां देख सकते हैं ये डायग्राम आपको अपने आप में सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है ये डायग्राम मोहम्मद आसिफ थैंक यू बेटा ये डायग्राम अपने आप में सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है क्या अपने पास एक कंप्यूटर सिस्टम रहा होगा हाँ सर रहा था कंप्यूटर सिस्टम में क्या रहा था क्या काम होता है मेनली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं सर प्रोग्राम में क्या होता है सर प्रोग्राम में क्या होता है तो प्रोग्राम में होते हैं बेटा या तो इंस्ट्रक्शन या डेटा ठीक है अब इनको एग्जीक्यूट कराने के लिए अपन को क्या चाहिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या चाहिए बच्चा इंस्ट्रक्शन साइकिल और आपको पता है इंस्ट्रक्शन साइकिल में दो सब साइकिल्स होती है कितनी बेटा दो एक तो फैच और एक एग्जीक्यूट एक तो फैच और एक एग्जीक्यूट बेटा एक तो फैच और एक एग्जीक्यूट यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है एक तो फैच और एक एग्जीक्यूट और हर साइकिल के अंदर एक एक माइक्रो ऑपरेशन एक एक क्या स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इसे उनका कलेक्शन क्या कहलाता है माइक्रो प्रोग्राम और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं डेट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड थैंक यू केशव थैंक यू दैट इज कॉल्ड डियर माइक्रो ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन डियर माइक्रो ऑपरेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेट माइक्रो ऑपरेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम और ये माइक्रो प्रोग्राम जैसे कल अपन ने नहीं किया था पीसी से एमए आर तो दिस इज कॉल्डरेशन वॉट इज द मीनिंग पीसीआउट एम ए आर इन जैसे ही अपन ने टी वन क्लॉक साइकिल पर किया था ये टी टू टी थ्री इन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा माइक्रो प्रोग्राम कहलाएगा एंड दीज माइक्रो ऑपरेशन आर एग्जीक्यूट आर एग्जीक्यूट ऑन ए कंट्रोल सिग्नल्स विद दी हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स और डेट कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस बाई कंट्रोल एंड वॉट वी गेट देन विल गेट दी आउटपुट ऑन ए बेस हार्डवेयर बेस हार्डवेयर बोले तो जो प्रोसेसर नहीं होता जो चिपचिप -चिप लगी हुई होती है जो भी काम हो रहा होता है कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है सब प्रोसेसर वो सारी चीजें हार्डवेयर के बारे में बात करें देन यू विल गेट दी प्रोग्राम आउटपुट ये फंडामेंटल क्लियर है तो बना दीजिए दिल या लिख दीजिए चैटबॉक्स में लगा दीजिए आग तो भी करना कर दीजिए जल्दी कीजिए फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए फिर बहुत प्यारी चीज़ सिखाऊंगा बेटा आपका डर खत्म हो जाएगा लिटरली बता रहा हूँ डर ही खत्म हो जाएगा कि सर अब डर नहीं लगता कि कैसे कौन सा सिग्नल जा रहा है कैसे कौन सा सिग्नल जा रहा है जैसे ये डायग्राम देख के डर लगता था हमें बचपन में ये डायग्राम देख के डर लगता था आज नहीं लगेगा बेटा एक एक चीज़ समझा दूंगा इसमें तो टेंशन मत लेना पहले आप रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में अपन ये सारा खेला समझ गए कि हमारे पास कंप्यूटर होगा कंप्यूटर में प्रोग्राम होंगे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन और डेटा होंगे डेटा तो डेटा है बेटा अब इंस्ट्रक्शन के लिए वी वांट इंस्ट्रक्शन साइकिल उसके अंदर फैच एंड एग्जीक्यूट फैच एंड एग्जीक्यूट माय डियर फैच एंड एग्जीक्यूट और फैच और एग्जीक्यूट ऐसा ही नहीं है कि बोला फैच हो जा हो तो गया फैच नो no, बेटा नो no, बेटा थैंक यू शहनवाज साहिद साहब गॉड ब्लेस है ना कि फैच बोला कि हो जा फैच, हो जा गया नहीं बेटा नहीं उसके अंदर भी अभी भी डर लग रहा है अभी अभी पढ़ाई नहीं है ना बेटा इसलिए लग रहा है लर्निंग विद्यम डोंट वरी रो बेटा अभी आपको मजा आएगा कि सर अब तो लिया तो हम खुद बना देंगे प्रोसेसर ऐसा एटीट्यूड आएगा अब तुम्हारा अभी मैं ये जो बोल रहा हूँ

विद दी हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल डियर और ये कंट्रोल सिग्नल कौन प्रोड्यूस करेगा कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कंट्रोल यूनिट प्रोड्यूस करेगा कैसे करेगा आई विल शो यू आई विल शो यू डोंट वरी उसी लिए मैं ये स्टैंडर्ड बुक का डायग्राम लेके आया हूं डर ही खत्म हो जाए और एक एक चीज बैकग्राउंड में दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में आपके चलती रहे अच्छा ऐसे हो रहा है ठीक है टेंशन मत लीजिएगा अब बिल्कुल टेंशन मतले बिलीव रखे इतना तो कंट्रोल यूनिट क्या प्रोड्यूस करेगी कंट्रोल सिग्नल्स और ये कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से आपको बेस हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट होके आपको आउटपुट मिले दैट इज द कंप्यूटर फंक्शनैलिटी दैट इज द कंप्यूटर फंक्शनैलिटी यहां तक सबको समझ में आ गया है जल्दी बता दीजिए किसी को कोई डाउट है तो कोई डाउट है तो बता दीजिए अब सुनिएगा अब सुनिएगा मेरे छोटे भाई और बहन जैसे ये माइक्रो ऑपरेशन थे क्या था माइक्रो ऑपरेशन देखो इसमें थोड़े से कम ज़्यादा ऐसे लिखे हुए हैं को इसको सीखना नहीं है इसको पूरा याद नहीं करना है फिर कह रहा हूँ ये डायग्राम याद नहीं करना है मैं ये डायग्राम क्यों समझा रहा हूँ ताकि आपका डर खत्म हो जाए यार डर ख़त्म हो जाए आपको सभी रेफरेंस बुक चाहे वो विलियम स्टोलिंग हो चाहे वो कॉल हरमेचर हो चाहे वो मोरिस मैनो में शायद नहीं है चाहे वो पोल चौधरी हो चाहे हिज हो इन सभी में इन सभी में इस टाइप का डायग्राम मिलेगा आपको डायग्राम का टेंशन लेना ही नहीं है यार खत्म कर देंगे टेंशन मत लीजिएगा तो देखो आपको पता है माइक्रो ऑपरेशन कल ही अपन ने सीखे थे सर, साइकिल में हम ही पता है सर एक तो क्या होता था पीसी से एम था, अरे हाँ या ना फिर अपन जाते थे एम ऑफ एम से याद है प्यारे बच्चों एम ऑफ एम से एम और फिर अपन जाते थे एम से आई आर हाँ या ना यस yes या नो no, यस yes या नो no, यस yes या नो no. याद है कल ही अपन गए थे बच्चों कली गए थे अपन है ना अब इधर देखो पीसी से एम ये कैसे लिखा हुआ है एम ये सिंबल है जो बेटा पीपीटी नहीं उठा पाई ये माइक्रो ये ये चीज है इसका मतलब है पीसी से एम या तो आप ये लिख दो इसका ये सिंबल है इधर ये ध्यान रखना क्या हो रहा है पहले मैंने और करके लिख दिया है खुद ही अपनी लैंग्वेज में पीसी से एम क्या बेटा पीसी से एम पीसी से एम उसके बाद एम से विद द हेल्प ऑफ एम बी आर यानी मेमरी से एम बी आर उसके बाद पी सी का इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद उसके बाद एम बी आर से आई आर एम बी आर से आई आर यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है ये आपकी फेस्ट साइकिल थी जो आप कल भी पढ़ चुके थे पी सी से एम ए आर एम ए आर से एम बी आर और एम बी आर से आई आर यहाँ तक मेरे भाइयों और बहनों सबको क्लियर होगा अब सुनो इसके लिए क्या कर रखा है कंट्रोल सिग्नल देखो ये तो आपने रामायण यहाँ तक कल पढ़ ली थी ये तो आपने यहाँ तक कल पढ़ ली थी ठीक है हाथ छोटा वैसे जाएगा नहीं ऊपर घबराओ मत है ना ये तो कल आपने यहाँ तक पढ़ ली थी ठीक है बच्चों यहाँ तक हाँ तो बोल दो यहाँ तक ठीक है अब सुनो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कंट्रोल सिग्नल्स कैसे होते होंगे तो बेटा इसके लिए कंट्रोल सिग्नल सी टू डिजाइन किया गया है सी टू लगाया गया है क्या लगाया गया है सी टू सी फोर कैट है C2. और इसके लिए कंट्रोल सिग्नल है सी फाइव एन सी आर सर ये सी आर क्या है ये क्या कॉलेज वाला सीआर है क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव अरे नामा ना सी सीआर का मतलब है कंट्रोल सिग्नल फॉर रीड ऑपरेशन आर फॉर रीड कंट्रोल सिग्नल फॉर रीड बेटा रीड कंट्रोल सिग्नल फॉर रीड माई डियर रीड और अगर डब्लू होता अगर डब्ल्यू होता तो सी डब्ल्यू होता कंट्रोल सिग्नल फॉर राइट क्लियर और इसके लिए कंट्रोल सिग्नल है सी आपने तो इसको पेन और पेपर से पेन और पेपर पे लिख दिया समझना मेरी बात गुड मॉर्निंग अर्चित बहुत प्यारा कंसेप्ट है बच्चों सही टाइम पे आए सभी बच्चे सुनिएगा सब भूल जाइए के के मोदी वे के, -के मोदी अब के के मोदी समझ में आ गई कोई मूवी का था एक डायलॉग बाद में में आएगा आपको समझ में। कोई बात नहीं है ना बट इधर एक बच्चे का बहुत बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है प्रशांत शायद जिसने मेरे को पहले भी एक चीज ऐसे ही रिप्लाई का आंसर दिया था पहले दूसरी क्लास में डीबीएमएस के कोई बात नहीं आप अभी इधर समझते हैं क्या पहला पीसी से एमएआर पीसी से एम ए आर अगर टेंशन में मत पढ़ा करो मस्त होके पढ़ा करो एकदम बिंदास होकर पढ़ा करो रही बात कंसेप्ट की पूरा सीखेंगे डेप्थ में सीखेंगे जो तो पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे तो मस्त रहा करो ठीक है निशु इधर देखे बेटा पहला पी से एम ए आर फिर एम बी आर से एम ए आर से एम बी आर फिर एम बी आर से आई आर इसका कंट्रोल सिग्नल क्या है सी टू और इसका कंट्रोल सिग्नल है सी फाइव और अपन क्या कर रहे हैं मेमोरी से रीड कर रहे हैं ना तो कंट्रोल सिग्नल फॉर रीड कंट्रोल सिग्नल फॉर रीड उसके बाद इसका कंट्रोल सिग्नल है सी फोर सी फोर क्या बता रहा है सी फोर क्या बता रहा है माई डियर अच्छा रियली यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप कर रहे हो थैंक यू अर्पित अर्चित सॉरी थैंक यू अर्चित तो आप माइक्रोसॉफ्ट में काम भी कर रहे हो एज ए इंटर्न सॉरी यू विल बी परमानेंट एम्प्लॉय वन डे तो और आप इधर लेक्चर देख रहे हो और कल आपने लिखा भी था कि सर रियली आई एंजॉय एज वेल एज सी ओ एल्सो सभी बच्चे बिलीव कीजिए बस आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए आपको जो भी डाउट हो आप लाइव क्लास में पूछें और आप नहीं भी पूछोगे एज ए स्टूडेंट मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा ठीक है एंड सभी को गॉड ब्लेस सभी का मैं विश करता हूँ आई विश कि सभी का अच्छा रैंक आए सभी का अच्छा अच्छा प्लेसमेंट हो और सभी का अच्छा, अच्छा अच्छी जगह से एम टैक हो रेपूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आप एम टैक करें और और और, और आप खूब प्रोग्रेस करें ठीक है तो देखिए बच्चों क्या कहना चाहता है कवि इधर एक तो सी टू

एम ए आर मेरे छोटे भाई और बहनों सी टू में हो रहा है पीसी से एमए आर तो देखो मेरा सी टू कहाँ है मेरा सी टू कहाँ है, मेरा C2 है? ये रहा C2. PC से Mar. कंट्रोल सिग्नल बन रहे हैं ऐसे कंट्रोल सिग्नल बन रहे हैं अच्छा इसके बाद सी फाइव और सी आर यानी मेमरी से एम बी आर में डालना है तो देखो येरा सी फाइव सी फाइव यहाँ क्या हो रहा है मेमोरी से रीड हो रहा है और कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है एम बी आर में जा रहा है बेटा कहां जा रहा है एम बी आर में जा रहा है आप इधर देख सकते हो सी फाइव एम बी आर में जा रहा है, समझ में आ रही है मेरे छोटे भाई और बहनों उसके बाद सी फोर एम बी आर से आई आर तो ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए ये ये मेरा सी ऐसे इनका अरेंजमेंट होता है तो कभी भी कभी भी घबराने का नहीं सर ये डायग्राम क्या कहता है हमें तो देसी आता है सर देसी आप ही तो देसी सिखाए थे पीसी से एम हमें तो वही आता है सर हमें तो क्या पीसी से एम ए से एम बी आर एम बी आर से आई आर, आर, आर यही स्टेप हमें आती है और कुछ ही नहीं आती तो इसको भी वही आती है बेटा इधर देखो ना आप इधर देखो इसने भी वही बोली है कि घबरा मत येरा सी टू या पी से एमआर और उसके बाद आपका C5 है कंट्रोल रीड क्लियर तो ये देखो आपका C5 क्या हो रहा है मेमोरी से रीड हो रहा है ये देखो ये डायरेक्शन बन रहा है मेमोरी से रीड हो रहा है इसके बाद आपका क्या है एमबीआर से आईआर एमबीआर से आईआर तो मेरे छोटे भाई और बहनों ये देखो आपका C4 एमबीआर से आईआर जा रहा है बच्चों फील आ गया फील आ गया फील आ गया है टेल मी टेल मी टेल मी फास्ट अब तो नहीं लगेगा डर कि सर ये डायग्राम ऐसे आते हैं तो हम घबरा जाते हैं हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है सर आ गया हो तो लिख दीजिए कुछ अच्छा सा तो बच्चों ये अपने माइक्रो ऑपरेशंस और कंट्रोल सिग्नल का खेला है माइक्रो ऑपरेशन और कंट्रोल सिग्नल कैसे काम करेंगे C1, C2, C3 ये कैसे काम कर रहे होंगे अरे वही कर रहे हैं जो आपने लिखा है PC से एम ए से एम बी आर एम से आई और ये सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है इधर ये हार्डवेयर डिजाइन सिखा रहा हुआ बच्चे और क्या जान लोगे मेरी है तो देखिए इधर ये एम ए आर पी सी आई आर कंट्रोल यूनिट ए सी ए एल यू एम बी आर ये सारे लगे हुए ये इनकी कनेक्शन कर रखे हैं कनेक्शन कर रखे हैं जैसे जैसे अपन ने किया है जैसे पीसी से एम ए आर सी वन में जा रहा है मेमोरी से एम और फिर एम बी आर से आई आर चल लीजिए क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज है अब तो डर नहीं लगेगा कंट्रोल नीट सर फील नहीं आता अरे बच्चा पता क्या बोलता क्लास में सर कंट्रोल नीट पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल कर लेते हैं लेकिन आप हाँ समझ में आता है कि माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसका डायग्राम का फील कभी नहीं आया सर कि कैसे हो रहा होगा कैसे काम हो रहा होगा कैसे कनेक्शन हो रहा होगा कैसे गेट लगे हुए होंगे कैसे सर्किट लगे हुए होंगे ऐसे लगे हुए होंगे बेटा

सर क्यों रखेंगे आई में मैंने आपको बोला था और पढ़ाया भी था और समझाया भी था आई में क्यों रखेंगे क्योंकि ये अपना जो है डिकोडर से कनेक्ट रहेगा इससे डिकोडर से कनेक्ट रहेगा इसके बाद ये पूरा कंट्रोल यूनिट के अंदर जाएगा और आपका हार्डवेयर से आउटपुट प्रोड्यूस होगा कंट्रोल सिग्नल्स आएंगे अपने कैसे होगा काम वो सीखो हालांकि ये डायग्राम याद नहीं करना है बट आपको फील आ जाए डर ही खत्म हो जाए कि हाँ भाई ऐसे चलता है बैकग्राउंड में आपकी इमेज चालू रहे पूरी तो देखिएगा बच्चों क्या होते होते हैं मेरे लॉजिक सर्किट्स लगे ए एल यू हो गया फ्लैग हो गया क्लॉक हो right like हाँ, नालायक हो।, ना हो आपको देखो एक तो नालायक बोलो तो डाटा बुरा मत कीजिए बड़े भाई के जैसे बोलता हूँ यार एशन को लाइक कर दिया करो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लिया करो ना ऑब्वियस सी ये सब चीजें करने बोलने की नहीं होती करनी होती बेटा ये है ना तो देखो बच्चों और जितना फ्रेंड्स के साथ आपके कॉलेज ग्रुप में शेयर कर पाओ करो जो भी होगा अच्छा ही होगा आप अच्छा करोगे अच्छा होगा ये मत सोचो कि वो ज्यादा पढ़ लेगा उसके आ जाएंगे ज्यादा मार्क्स मेरे नहीं आएंगे ऐसा मत सोचा करो है ना इधर देखो ये एली तो समझ में आया फ्लैग भी आपने बताया था माइक्रो ऑपरेशन में होते हैं कैरी फ्लैग साइन फ्लैग हमने भी डिजिटल लॉजिक में पढ़ लिए थे फ्लैग व्लैग सर है ना लेकिन ये क्लॉक क्या होती है सर क्लॉक क्या ये वाली क्लॉक होती है जो घड़ी होती है अपने पास ये वाली क्लॉक होती है सर क्लॉक ये क्लॉक साइकिल साइकिल टाइम ये क्या होता है सर हमें कुछ ही नहीं पता और एक एम आई पी एस रेट भी सुनते आ रहे हैं हम सर ये एम आई पी एस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड सर ये क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा पाइप प्लानिंग से पहले और मेमोरी के बाद ठीक है टेंशन नहीं लेने का तो ये सब जाएंगे इधर गए कंट्रोल मेमोरी में कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होते हैं कंट्रोल मेमोरी के लिए अपने पास एक रजिस्टर होता है डेट इज कॉल्ड कार कार आप वाली कार नहीं है जो मेरे पास है आपके पास है सबके पास है ये वो कार नहीं है ये कार का मतलब है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर ठीक है इससे अपन जाएंगे बफर में ऑफर के बाद फिर अपन को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल जाएगा उधर भेज देंगे अपन और इधर डी से फिर अपन कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर देंगे ये पूरा आपका कंट्रोल यूनिट का हाँ कराऊंगा बेटा मैं इशू ये पूरा आपका कंट्रोल यूनिट का फंक्शनिंग होता है जिसको मैंने आपको हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है इसका आर्किटेक्चरल डायग्राम से भी आपको पूरा समझा दिया लेकिन अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है अब सुनना जब भी कंट्रोल यूनिट डिजाइन करोगे कभी भी कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन करोगे तो उसकी क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट होनी क्या 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 प्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि कंट्रोल यूनिट डिजाइन करते टाइम जैसे आपकी ये जो कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन कर रहे हो ये कंट्रोल सिग्नल C1, C2, C3, C4 आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए कि कंट्रोल लाइंस कितनी है हार्डवेयर में कंट्रोल लाइंस कितनी है हार्डवेयर में कंट्रोल लाइन कितनी सपोर्ट कर रही है वो चीज़ दूसरी बात कितने इंस्ट्रक्शंस है कितने इंस्ट्रक्शन है i1 है i2 है i3 है और i4 है अब एक इंस्ट्रक्शन में कितने माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं जैसे फेच के अंदर t1 में pc से mar pc से है mar देन MAR, mar से mbr mbr से ir तो तीन माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे सर किसके लिए i1 की फेच साइकिल के लिए 1 2 एंड ये 3 ये तीन माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे सर आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो कितने माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं फोर्थ पॉइंट कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड है कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशन के लिए हर इंस्ट्रक्शन व्हाट आर दी कंट्रोल सिग्नल आर रिक्वायर्ड फॉर ईच माइक्रो ऑपरेशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको बताया क्या इधर देखो सी टू किसके लिए अवेलेबल है पीसी से MAR के लिए फैस साइकिल आई वन की फैस साइकिल के लिए देखो सी फोर यहां भी काम में आ रहा है सी फोर यहाँ भी काम में आ रहा है और यहाँ भी काम में आ रहा है देखिए बच्चों देखिए तो सी फोर इनेबल फॉर दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो कैसे इनेबल होगा वो भी आज मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा क्या कंट्रोल सिग्नल कॉमन भी हो सकते हैं कि जैसे मेरे को आई आर एम बी आर से आई आर में कुछ डालना है तो मैं सी फोर कंट्रोल सिग्नल यूज कर रहा हूँ हमेशा सी फोर कंट्रोल सिग्नल यूज कर रहा हूँ तो देखो ये रहा तो यही कह रहा है कभी पहली चीज़ तो कितनी कंट्रोल लाइन्स है यानी कंट्रोल सिग्नल कितने हैं एस जीरो एच वन एस टू एस थ्री जहाँ अपन उसको सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर बोल रहे थे ऐसे बोल रहे थे कितने इंस्ट्रक्शन है अपने कंप्यूटर में कितने इंस्ट्रक्शन है और हर इंस्ट्रक्शन में कितने माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं हर इंस्ट्रक्शन में कितने माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और कौन सा माइक्रो कौन सा कंट्रोल सिग्नल कौन सा माइक्रो ऑपरेशन किस इंस्ट्रक्शन में क्या कंट्रोल सिग्नल यूज कर रहा है वो सारी थी। बोला मैंने कि जैसे इधर देखो इस माइक्रो ऑपरेशन में भी कंट्रोल सिग्नल सी फोर यूज हो रहा है और इस माइक्रो ऑपरेशन में भी कंट्रोल सिग्नल सी फोर यूज हो रहा है इस टाइप से कभी पूछ तो ये प्री रिक्वायरमेंट है ताकि अपन कंट्रोल यूनिट को डिजाइन कर पाए यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ू मैं आगे बढ़ू आप एक्नोलेज करती दीजिए और मेरे हिसाब से यहां तक एक एक चीज एक स्टाइल क्लियर हो गई होगी अच्छा एक चीज और बताइए आपकी भी शाम की क्लास चल रही है क्या सर की क्लास खत्म हो गई या अभी चल रही है टेल मी फास्ट या कोई शाम का स्लॉट खाली है बच्चा बाकी तो मैं पूछ लूंगा हमारी टेक्निकल टीम से आपका स्लॉट खाली है शाम का कि क्या हुआ था परसों जो क्लास नहीं हो पाया था चल रही है अभी तो चलो मैं बात कर लूँगा टेक्निकल जो परसों क्लास नहीं हो पाई थी जो परसों क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू टेक्निकल रीजन डू टू टेक्निकल रीजन तो वो या तो मैं कल फाइव टू एट या सिक्स टू नाइन इन दोनों टाइमिंग में से एक में लेने वाला हूँ तो चलेगा चलेगा कई बोल रहे है? चल रही है कई बोल रहे स्टीएल क्या है बेटा ये स्क्रिप्ट चलो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कल सुबह कोई दिक्कत नहीं है अच्छा सर हाँ उन्होंने पहले स्टार्ट भी किया था उनका काफ़ी लेक्चर हो तो कोई दिक्कत नहीं है है ना पाँच से आठ या छः से नौ अपन कल का ओनली एक दिन ओनली एक दिन प्लान करेंगे एक दिन मैथ का क्या टाइमिंग रहता है जो मैथ का क्या टाइमिंग रहता है बेटा मैथ के क्लास के टॉपिक आप वाले हो रहे हैं क्या अभी क्योंकि तो देखो मैथ है ना कॉमन मैथ भी होती है और मैथ में सी एस ब्रांच के कम टॉपिक है सी एस ब्रांच के कम टॉपिक है कम टॉपिक है लाइक like मैट्रिक्स है कैलकुलस है और प्रोबेबिलिटी है और एक आधा टॉपिक और होगा तो सी एस के कम है बाकी उनके लैप्लास ये वो और खूब चीज़ आती है है ना के लैपलास वेप्लास तक भी आती है हर ब्रांच में तो डेप्थ में भी ज़्यादा आता है बाकी ब्रांच में जैसे मैकेनिकल सिविल में खूब डेप्थ आता है सी एस में इतना नहीं आता है चार से सात रहती है तो देख लेंगे और मैं पूछ लूँगा चलो आपको अपडेट कल कर दूँगा या तो कल रखेंगे कोशिश रहेगी कल ही रखें अच्छा अपने आप मैथ वाले टॉपिक खत्म हो चुके हैं सी ब्रांच के ओके ठीक छा मैथ वाले टॉपिक सी ब्रांच के ख़त्म हो चुके हैं है ना तो आप टेंशन ना लीजिए तो कल अपन रख लेंगे क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ पूरा कराऊँ और लेकिन एक चीज़ का कमिटमेंट चाहता हूँ कि हर बच्चा आए हर बच्चा आए आज पॉसिबल नहीं है बेटा मेरे हाथ में नहीं है स्टूडियोज़ की भी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है और सारी चीज़ें भी बैकग्राउंड में देखनी पड़ती है मेरे हाथ में नहीं मैं आगे उठ के मैं पढ़ाऊँगा लो नहीं बेटा पूरा स्लॉट भी देखना पड़ता यानी ऐसा नहीं है पूरा प्रोसीजर होता है एक ठीक है तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया रहा हूँ कि कल अपन इवनिंग में क्लास रहेंगे है ना और शाम को तो पाँच से आठ या छः से नौ देख लेंगे जो भी रहेगा टाइमिंग जो अवेलेबिलिटी पर रहेगा वो देख लिया जाए डोंट वरी रे ठीक है अब इधर देखो अपन ने अभी तक देखा यहाँ तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है एक बार लगा दीजिए हाजरी। बेटा आपके तीन चार चैप्टर ही तो हैं बाकी आपको सर ने बताया होगा मैथ वाले सर ने आपको है ना विशाल सोनी सर ने कि मैथ का कितना पोर्शन सीएस ब्रांच के लिए है मैट्रिक्स हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया कैलकुलस हो गया और क्या है ऐसा डिफेंस इक्वेशन बाकी लेप्लास वेप्लास अपने नहीं है आइगन वैल्यू आइगन मैट्रिक वैक्टर ये सब चीज़ें हैं जिसमें कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी मेजरली आपके तीन ही चैप्टर हैं बच्चों ठीक है अब यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है तो बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ पानी पी लेता हूँ एक बार देखे बच्चों ठीक है पुतिन ओके नतीज शाम की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है अब देखिए और अभी फिक्स नहीं है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूट्यूब पे उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा थमने लग जाएगा डोंट वरी रहिए ठीक है इतना टेंशन मत लीजिए तो मैंने अभी तक अभी तक आपने देखा कि सर ये जो माइक्रो ऑपरेशन लिखते हैं ना और आपने जो समझाया है ना कि माइक्रो ऑपरेशन कंट्रोल सिग्नल की मदद से आउटपुट देंगे तो ये ऐसे देते हैं सर हम सीख गए हमें ज्ञान मिल गया सर हमें ज्ञान मिल गया सर ऐसे देते हैं ये और ये इसका ब्लॉक डायग्राम चलता रहता होगा और क्या क्या, क्या प्री रिक्वायरमेंट है कितनी कितनी कंट्रोल लाइंस प्रेजेंट है कितने इंस्ट्रक्शंस है हर इंस्ट्रक्शन में कितने माइक्रो ऑपरेशंस हो रहे हैं और उन माइक्रो ऑपरेशंस के लिए कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड है ये जो सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है कि कितने इंस्ट्रक्शन है ये एक आई वन के लिए हो गया इसमें कितने माइक्रो ऑपरेशन है उसके अंदर कौन से माइक्रो ऑपरेशन के लिए कौन सा कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड है ये सारी चीजें अब इसको जो इंप्लीमेंट करते हैं अपन दो तरीके से करते हैं सीखेगा इसको जो इंप्लीमेंट करते हैं अपन दो तरीके से करते हैं एक तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और सेकंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या बेटा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट सेकंड सीखेगा बच्चों प्लीज सीखेगा पेन कॉपी रख के सीखेगा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इसमें क्या होता है कंट्रोल सिग्नल सीखेगा बच्चों ओके 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 देखो सात से दस इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा आपको नहीं मेरे को ठीक है क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और अभी मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ बहुत दूर है नहीं हालांकि जाता कार से ही हूँ कोई इशू नहीं है लेकिन लेट हो जाएगा थोड़ा सा क्योंकि मैं पाँच से आठ रख रहा हूँ उसका मतलब वो आगे भी बढ़ जाती है मेरी क्लास तो दस का मतलब ग्यारह साढ़े भी बच जाए तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए अब देखिए हार्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसमें जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं ना वो एसओपी फॉर्म में लिखे जाते हैं किस फॉर्म में एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट प्लीज पेन कॉपी रख दीजिएगा सीखिएगा सीखिएगा क्या सिखा रहा हूं क्या पढ़ रहे हैं साधु महात्माओं का उद्देश्य मोक्ष है? जो भी है पुराने वाले कौन से भी है, है ना अब सीखिएगा प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सीखिएगा बच्चों में क्या कहना चाहता हूं अपन ने अभी तक देखा प्रोग्राम प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन में साइकिल, एंड एग्जीक्यूट, इनके अंदर भी माइक्रो ऑपरेशंस अब इन माइक्रो ऑपरेशंस को डील करने के लिए अपन को चाहिए कंट्रोल सिग्नल ये सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं है कंप्यूटर साइंस नहीं है सीएस का मतलब इधर कंट्रोल सिग्नल से जो कंट्रोल यूनिट से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और ये जो है वो दो टाइप से इंप्लीमेंट किए जाते हैं एक तो वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन सेकंड माइक्रो प्रोग्राम नाम से पता पड़ रहा माइक्रो प्रोग्राम जो भी अपन बना के आए थे पीछे थोड़े से दिन पहले कल ही बनाया था माइक्रो प्रोग्राम ठीक है हार्ड वायर कंट्रोल डिजाइन क्या होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होती है चंदन सर ने आपको पढ़ाया है ठीक है इसमें जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं ना वो एसओपी फॉर्म में लिखे जाते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं क्यों लिखते हैं सब समझाऊंगा पेशेंस रखे बात नहीं करें इधर और सीखे दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है कवि एक तो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं

it is not flexible it is not flexible my dear and iska example hai aapka risk processor risc risk processor reduce instruction set computer ab isme sir kaise question aate hain isme kaise question aate hain wo dekhe isme question aise aata hai kya Consider द इसमें gate में दो दो marks के questions आए हुए हैं मेरे छोटे भाइयों और बहनों पढ़ लो आपस में बात मत करो प्लीज समझिए आपको क्वेश्चन दूंगा फिर आप बोलोगे सर हमसे तो ना हो रहा पहले सीख लीजिए ठीक ठीक है है हार्ड अरे कैलकुलस बच्चा रुक 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 जाओ थम जा जा ब्रेक लगा लो प्लीज जा बेटा जा। अब इधर देखे मैं आपको दिखा समझा रहा हूं कंट्रोल यूनिट दो तरीके से इंप्लीमेंट करते एक तो हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम पहले मैं आपको सिखा रहा हूं हार्ड वायर्ड हार्ड वायर्ड में क्या होता है ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट होने हार्डवेयर रियलाइज होने हार्डवेयर ये क्या होता है इसमें जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो वो एसओपी एक्सप्रेशन में लिखे जाते हैं एसओपी एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट में और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं ये बहुत फास्टेस्ट होते हैं लेकिन फ्लैक्सीबल नहीं होते सर फ्लेक्सीबल क्यों नहीं होते ऑलरेडी आई टोल्ड ना ऑलरेडी आई टोल्ड इसको आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दोबारा रीवायरिंग करनी पड़ेगी दोबारा रीडिजाइन एंड रीवायरिंग करनी पड़ेगी बेटा पूरी चीजें चेंज होगी समझ रहे हो बच्चा तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं रिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वायर्ड अब इस पर सर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझाओ पहले तो आप इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो बच्चों यहाँ बातें मत करना यहाँ सीखना एक एक चीज़ का फील लेना देखो मैंने आपको डायग्राम पता है लोगों को झूठ नहीं बोल रहा यानी ना मैं आपको ये कहना चाहता कि देखो मैं आपके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है बताऊँ लोगों को डर रहता है कि सर ये समझ में नहीं आता तक तो समझ में आ जाता है ये क्या लिखते हैं और ये कैसे काम होता है इनका मीनिंग क्या होता है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये भी समझ में आ जाता बहुत लेकिन सर वो भी समझ में नहीं आता। लेकिन आपको दोनों सीखना है सीपीयू क्या जिसमें तीन डेटा रजिस्टर्स है ए बी एंड सी जैसे वहां पर ने यूज किया था पीसी से एमए आर वहाँ रजिस्टर यूज किए थे स्पेशल यूज किए बी एंड सी ओके एंड सपोर्ट थ्री इंस्ट्रक्शन आई वन आई टू आई थ्री मैंने आपको पहले बोला था यार, आपको बता के देगा कितने इंस्ट्रक्शन है कितने रजिस्टर्स है कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं ठीक है ऑप्टेन दॉजिक फंक्शन आपको लॉजिक फंक्शन बताना है डेट जनरेट हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट फॉर दिग्नल ए इन एंड बी आउट ए इन एंड बी आउट पहली चीज तो ए इन और बी आउट का मतलब क्या है अगर मैं बी से ए लिख रहा हूँ T1 साइकिल में कोई में पहले बात समझना बेटा ये का मतलब क्या है इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे ऐसे लिखने लिखने की की इसकी हिम्मत कैसे हुई सीखिएगा माय डियर और देखो कंट्रोल क्वेश्चन आने के इस बार चांसेस है मैं एक चीज बता दू क्योंकि लास्ट एक दो साल में नहीं आए तो इस बार चांसेज है बेटा सीखिएगा बच्चों प्लीज लास्ट ईयर नहीं आया था तो इसकी हिम्मत कैसे हुई जो आई रहा होगा ना इसमें t1 क्लॉक साइकिल पे अपना रहा होगा b से a डेटा रजिस्टर b से a तो इसको अपन कैसे लिखे होंगे b आउट a इन ऐसे लिखे होंगे अरे हाँ या ना b आउट a इन क्लियर है बच्चों क्लियर है ऐसे ये टेबल बनी होगी अरे जो कल्पना नहीं किया था नहीं किया था pc से mar t1 में कौन से इंस्ट्रक्शन के i1 के t1 में ये हो रहा है t2 में हो रहा है mar से एम बी आर तो आपने क्या लिखा था आई वन के टी वन में पी सी आउट एम ए आर इन इधर एम ए आर आउट एम बी आर इन इसे लिखा था नहीं लिखा था कब लिखा था कब लिखा था अरे सीखो इसको प्यारे बच्चों सीखो कब लिखा था ये T1 में लिखा था और ये T2 में लिखा था किसके I1 के एक साइकिल में तो I1 में देखो T1 में क्या हो रहा है A इन B आउट टी टू में हो रहा होगा ये काम है ना और टी थ्री में हो रहा होगा ये काम टी फोर में हो रहा होगा ये काम और टी फाइव में वो टाटा बाय बाय समझ में आ गई बात ये चीज है तो कभी आपसे क्या पूछना चाहता पहले तो टेबल का मतलब समझ में आया टेबल का मतलब समझ में आया क्या अरे मुझे पता है आंसर आप आधे लोग पढ़ चुके होंगे आपको आंसर भी पता होगा ऑप्शन देखते आंसर भी लगा दोगे बातें फील करने की बस बातें फील करने की ठीक है निशु बातें ओनली फील करने की आप बताइए आपको ये टेबल का मतलब समझ में आया क्या पढ़ तो सब चुके हैं मुझे पता सब ज्ञानी है इधर बताइए जल्दी से पढ़ तो अपन ये भी चुके थे कि ऐसे माइक्रो ऑपरेशन होता है ये होता है लेकिन यहां इसका मतलब और इस टेबल का मतलब समझ में आए कि टेबल बनी कैसे बस वो ध्यान में रखना है क्या ये जैसे आउट एम ए आर इन लिखा है ना ऐसे देखो बी आउट ए इन बी से ए में डेटा जा रहा होगा ऐसे आपकी टेबल बनी है अब कभी आपसे क्या पूछ रहा है कवि आपसे पूछ रहा है कवि आपसे पूछ रहा है कवि आपसे पूछ रहा है ए इन और बी आउट के लिए ए इन और बी आउट के लिए मेरे छोटे भाई और बहनों अभी आंसर दीजिए आप ए इन और बी आउट के लिए तो पहली बात तो यह है क्या स्टेप्स होती है इसकी तीन स्टेप्स इस होती है स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री देखो अभी गेट के क्वेश्चन हवा में करोगे छह मार्क्स के क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है छह मार्क्स के दो दो मार्क्स के सारे करेंगे ध्यान से सीखिए यस गुड मॉर्निंग दिनेश पहली चीज सर्च करना कहाँ आपके रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल प्रेजेंट है मैंने बोला मेरे को ए इन कंट्रोल सिग्नल ए इन के लिए चाहिए और बी आउट के लिए चाहिए ए इन और बी आउट के लिए चाहिए दूसरा मैंने क्या बोला ऑप्शन को चेक करना आई डॉट टी की फॉर्म में या टी डॉट आई की फॉर्म में सर आई डॉट टी और टी डॉट आई की आई टी इंडस्ट्री वाले हैं क्या हमारे नहीं बेटा अगर मैं बोल दू आई वन टी टू और टी टू आई वन ये चीज है आई डॉट टी ये हो गया आई डॉट टी और ये हो गया टी डॉट आई ठीक है तीसरा ऑप्शन बोलता है तीसरा लाइन बोलता है क्या फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्रोल सिग्नल इज प्रेजेंट फॉर ऑल किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वो कंट्रोल सिग्नल मान लीजिए कोई टी वन के लिए अगर तीन इंस्ट्रक्शन है इन तीनों के लिए प्रेजेंट है, है ना अरे सबके लिए इनेबल है तो लाइन चालू रहेगी अपनी समझ रहे हो बच्चों अब इधर देखो किस किस के लिए पूछ रहा है किस किस के लिए पूछ रहा है ए इन और बी आउट के लिए ए इन और बी आउट में अंडरलाइन कर देता हूं ए इन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है ए इन इधर मिला इधर मेला इधर मिला इधर मिला, मिला आप मुझे आंसर दीजिएगा और कहाँ ए इन ए इन ये रहा बी आउट कहां पाया जा रहा है सर बी आउट रहा ये रहा, एक ये रहा सर और ये रहा इधर है और एक इधर है बी आउट तो देखो मेरे छोटे भाई और बहनों आप मत लिखो मैं लिखाना सिखा रहा हूँ ठीक है ए इन और बी आउट तो बी आउट के लिए मैं इधर लिखता हूँ कहाँ लिखता हूँ इधर लिखता हूँ थोड़ा सा रुके बी आउट के लिए मैं थोड़ा सा किसको बी आउट अरे यार ये तो बिगड़ जाएगा फिर चलो कोई बात नहीं मैंने पी आउट के लिए मैं लिखता हूँ ध्यान से देखिएगा मेरे छोटे भाई और बहनों पी आउट कहाँ कहाँ पाया जा रहा है टी वन के आई वन में आई टू में टी वन के आई थ्री में यानी टी वन साइकिल में सभी में पाया जा रहा है प्लस टी थ्री के आई वन में टी थ्री के आई टू में टी थ्री के आई थ्री में सभी में पाया जा रहा है सर अभी मैं पाया जा रहा है सर अरे बच्चों फील आ रहा है तो देखो टी वन कॉमन ले लो यानी इस के लिए सभी लाइन में प्रेजेंट है दैट विल बिकम वन और टी थ्री कंट्रोल सिग्नल टी टी साइकिल में ये सभी के लिए इनेबल है दैट इज हैल्सो बिकम वन वन का मतलब समझ में आता है सभी के लिए इनेबल है जैसे वायरिंग नहीं होती घर में सभी के लिए जा रहा तो उसके लिए अपन ब्रेक नहीं लगाते हैं बच्चा तो बी आउट का तो कंट्रोल सिग्नल क्या हो गया बी आउट का तो कंट्रोल सिग्नल क्या हो गया कहा लिखू इधर ही लिख देता हूं बी आउट का तो कंट्रोल सिग्नल हो जाएगा टी वन प्लस टी थ्री टी वन प्लस टी थ्री माइ डियर टी वन प्लस टी थ्री अब ए इन का देखें ए इन के बारे में बात कर रहा हूं ए इन कहा पाया जा रहा है टी वन के आई वन में टी वन के आई टू में टी वन के आई वन टी वन के आई टू में और टी टू के आई टू टी टू के आई थ्री में हाँ बोले हाँ बोले और टी फोर के आई थ्री में टी फोर के आई थ्री में यस या नो यस या नो यस या नो तो आप इसमें कुछ कॉमन कॉमन ले लो टी वन के तो आई वन प्लस आई टू में प्लस टी टू के आई टू प्लस आई थ्री में प्लस टी फोर के आई थ्री में अरे हाँ या ना क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर एवरी वन क्रिस्टल क्लियर माई डियर स्टूडेंट क्रिस्टल क्लियर है समझ में आ गया कैसे लिखे ये माइक्रो ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सिग्नल्स तो मेरे छोटे भाई और बहनों ये देखो आप ये आ गया T1 के देखो T3 के लिए तो आ गया I1 वन प्लस आई थ्री आई वन प्लस आई थ्री और टी थ्री के लिए अब इधर देखो आपने क्या किया इसमें या तो ऐसे लिख सकते हो या तो आप ऐसे ले लो या आप ध्यान से देखिएगा या आप प्लीज 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 लुकेट बोर्ड माइ डियर या आप देखिए आप पहले टी वन आई वन प्लस आई टू कॉमन ले लो क्या कॉमन ले लो आई टू तो क्या आ जाएगा टी वन प्लस टी टू आई टू दोनों फॉर्मेट में लिखना आपको आना चाहिए आंसर चेक कर लेना किस फॉर्मेट में है और टी टू प्लस टी फोर आई थ्री घबराने का नहीं चिंता बिल्कुल नहीं करनी है समझ में आ गया या तो आप इस फॉर्मेट में लिख लो टी डॉट आई या आई डॉट टी फॉर्मेट में लिख लीजिए क्रिस्टल क्लियर है टी वन प्लस टी थ्री कैसे आया हेमंत सोनी आप घर में वायरिंग करते हो एक मास्टर लाइन जाती रहती है अगर अपन को कहाँ से सप्लाई देनी है नहीं देनी है वो उसके लिए अपन स्विच लगाते हैं इधर देखो बेटा क्या टी वन माइक साइकिल पे टी वन साइकिल पे बी आउट आई वन में भी काम आ रहा है आई टू में भी काम आ रहा है आई थ्री में भी काम आ रहा है तो अपन ने क्या बोला ये सबके लिए इनेबल है जैसे इधर देखो ये इसकी बात करूं मैं इसकी बात करूं ये जो C4 है ये जो C4 है ये जो C4 है आपके किस किस में काम आ रहा है बेटा ये जो C4 है आपके किस किस में काम आ रहा है मान लीजिए ये ये T3 में काम आ रहा है एक तो एक तो इसके T3 साइकिल में काम आ रहा है और एक इसके T3 साइकिल में काम में आ रहा है ये मान लीजिए आई वन है या आई टू है दोनों में काम आ रहा है ना क्लियर है तो मैंने आपको ये लिखवाया है ना बेटा रूल देखिए बच्चों ये लिखवाया ना रूल क्या रूल लिखाया है पहला तो चीज कौन से रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल सर्च करने हैं वो देख लो ऑप्शन दूसरा आई डॉट फॉर्मेट टी डॉट फॉर्मेट में टी डॉट आई फॉर्मेट में फिर मैंने बोला अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे क्या वो सभी के लिए काम कर रहा है अगर हाँ तो वन कर देंगे समझ में आ गया समझ में आ गया थैंक यू आकाश पाल थैंक यू थैंक यू हेमन सोनी क्रिस्टल क्लियर ईच एंड एवरी वन क्रिस्टल क्लियर तो देखो बच्चों आपका आंसर एक तो ये भी करेक्ट है और एक ये भी करेक्ट है इसमें मैंने टी को कॉमन ले लिया इसमें मैंने आई को कॉमन ले लिया है आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन किस फॉर्मेट में है यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को अरे रिप्लाई करो यार बच्चों बच्चो करो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से क्योंकि देखो बी आउट वन क्यों हुआ इसके लिए क्योंकि बी आउट इज प्रेजेंट फॉर ऑल दी इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग टी वन एंड टी थ्री अगर समझ में आ गया तो बना दीजिए दिलिया दी लिख दीजिए ये गेट दो हजार कौन से में आया था दो मार्क्स का आया था ये गेट दो मार्क्स का क्वेश्चन था गेट दो मार्क्स का क्वेश्चन था और इसी टाइप का क्वेश्चन पीएसयू में भी आया हुआ है और कवि क्या पूछना चाहता है कवि आपसे पूछना चाहता है कवि आपसे पूछना चाहता है क्या एस फाइव और एस टेन का कंट्रोल सिग्नल क्या बेटा एस फाइव और एस टेन कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल सिग्नल नंबर एस फाइव एंड कंट्रोल सिग्नल नंबर एस टेन और किस फॉर्म में आई डॉट टी देख सकते हो आप आई डोट टी यानी टी वन टी टू टी थ्री को कॉमन लेके फिर आई वन आई टू एस टाइप से करना है तो देखो एस पाइप कहाँ पाया जा रहा है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आप मुझे ऑप्शन आंसर लिखिएगा बिना ऑप्शन के आंसर लिखिएगा बिना ऑप्शन के और बच्चों को लाइक भी कर दीजिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो एस पाइप हो गया this 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 एस no. yes s5 s5 इसके अलावा s5 कहां कहाँ है नहीं है सर नहीं है तो देखो s5 का मैं लिख देता हूँ s5 का मैं लिख देता हूँ आप टेंशन मत लीजिएगा आप s10 का लिखिएगा और मैं बता देता हूँ s10 कहां कहाँ कहाँ मिल रहा है s10 मिल रहा है मेरे को इधर 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 है क्या नहीं है इधर है येरा ये रहा सर और और येरा सर और ये रहा सर दिस वन वन चालू रखें आप अपना काम मैं एस फाइव का लिख देता हूं देखो एस फाइव क्या हो रहा है टी वन साइकिल में इसमें देखो इधर टी वन नहीं है इधर टी वन है टी वन में सब में आ रहा है टी वन साइकिल में तो सब में आ रहा है और टी थ्री में आई टू प्लस आई फोर तो मैं क्या डिक्लेयर कर सकता हूँ एस फाइव का सिग्नल हो जाएगा एक तो टी वन प्लस आई टू प्लस आई फोर मल्टीप्लाइड बाई टी थ्री ये मेरा एस फाइव का आ जाएगा ध्यान से देखिए सर ये लीजिए परमाणु बम थैंक यू कैशवर थैंक यू तो देखो ये ऑप्शन देखो टी वन तो आ रहा है आई टू प्लस आई फोर टी थ्री एक तो ये आंसर आ सकता है एक ये आंसर आ सकता है एक ये भी आ सकता है सर ये भी आ सकता है ये तो आएगा ही नहीं अब अपनी लड़ाई अभी तीन के बीच में अब आप एस का निकालिए एस टेन एस का निकालिए बच्चों एस टेन का एस टेन का निकालिए एस फाइव का मैंने लिख दिया है यश निशु आपने भी लिख दिया अच्छी बात है आप एस टेन का भी निकालिए बच्चों ये क्वेश्चन गेट में दो मार्क्स का आया था और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आप निकालिए सब बच्चा एसटेन का देख रहा है विनोद क्रैश कोर्स में बिना ऑप्शन कंट्रोल यूनिट के किस आप कर रहे हो तो बड़ी खुशी थैंक यू गॉड ब्लेस देखिए एस टेन एस कहां कहां पाया जा रहा है आई टू और आई थ्री किसके ई टू के और थ्री के तो आई फोर में पाया जा रहा है एंड एंड आई वन प्लस आई थ्री टी फोर एंड आई टू प्लस आई फोर टी फाइव समझ में आ गया यही देखो बच्चों मिल रहा है आपको क्या क्या आई टू प्लस आई थ्री टी टू के हाँ सर आ रहा है ना आई टू प्लस आई थ्री टी टू दिया सर आई फोर टी थ्री के आई फोर आई फोर टी थ्री के इसके बाद आई वन प्लस आई थ्री टी फोर के यस सर और आई टू प्लस आई फोर टी फाइव के यस सर ये आ रहा है मेरे छोटे भाई और बहनों आपको ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई है जल्दी बताइए देखो मेरे को आज मेमोरी पढ़ानी है मेरी कैश है मेरी कैश मेमोरी पढ़ानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है आप प्लीज़ इनको आंसर दीजिए जल्दी क्या यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है अगर है क्लास में सोते थे हम सर डोंट वरी रहे बेटा तपन सोने नहीं दूंगा इधर में you, है ना एंड थैंक यू तपन यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है ईच एंड एवरी वन क्रिस्टल क्लियर इफ यस देन राइट डाउन इन चैट बॉक्स एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बच्चे को इसमें डाउट है किसी बच्चे को इसमें डाउट है टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट 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 किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है आपके पास तीन ही इंस्ट्रक्शन है आई वन आई टू आई थ्री जो फॉलोइंग सिग्नल्स एंड टाइम स्टेप में यूज कर रहे हैं है ना ये आई वन आई टू आई थ्री है और क्या पूछना चाहता है कवि कवि आपसे पूछना चाहता है कि ए इन के लिए कंट्रोल फंक्शन बता दो किसके लिए ए इन के लिए ए इन के लिए कंट्रोल फंक्शन बता दो तो पहली बात ए इन कहाँ पाया जा रहा है जल्दी से मैं टिक कर रहा हूं आप मुझे आंसर दीजिएगा आप मुझे आंसर दो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आजाद तो अपन हो चुके हैं ना तो मैं तो ये बोल नहीं सकता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ए इन क्लियर ए एन और कहाँ पाया जा रहा है ये बताइए जल्दी से जल्दी कीजिए फोकट के दो दो मार्क्स होते हैं ऑप्शन देख के तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा जल्दी बताइए बिना ऑप्शन के करेंगे ए एन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है आई वन के टी वन में आई वन के टी थ्री में आई वन के टी वन में आई वन के टी थ्री में आई टू आई टू कहा आई टू आई टू के टी थ्री में और आई थ्री के टी टू में आई थ्री के टी थ्री में आई थ्री में, I3 के टी फोर में तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों इधर देखे सब बच्चे इधर टी थ्री इधर टी थ्री इधर टी थ्री तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ आई वन टी वन प्लस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री टी थ्री कौन कौन से एक तो ये वाला ले लिया एक ये वाला ले लिया एक ये वाला ले लिया ठीक है अब क्या बचा टी टू और टी फोर कोई दिक्कत नहीं है आई थ्री टी टू आई थ्री टी फोर या ना यहाँ तक समझ में आ गया ये क्या हो जाएगा वन आंसर आपका क्या आ जाएगा आई वन टी वन आई थ्री टी टू आई थ्री टी फोर प्लस टी थ्री ओनली प्लस टी थ्री ओनली तो देखो कौन सा आ रहा है आई वन टी वन आ रहा है टी टू आई थ्री आ रहा है टी टू आई थ्री और टी फोर आई थ्री आ रहा है यस सर टी फोर आई थ्री आ रहा है प्लस टी थ्री आ रहा है यस सर ए आ रहा है, yes, sir, रहा है. इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं क्या हैं मोहम्मद आसिफ अगर यही क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन में सुबह आठ बजे आके देता तो आप पता क्या करते है? करना क्या है इसका ये होते क्या है सर ये होते क्या है सर और करना क्या है इन चीज़ों का ये तो क्या कि जब अपन ये डायग्राम सीख चुके हैं ये डायग्राम सीख चुके हैं समझना बात ये डायग्राम सीख चुके तब अपन को डर नहीं लग रहा फील आ रहा है कि हाँ ऐसे काम होता है और ये माइक्रो ऑपरेशन सीख चुके दूसरी बात ये इन और आउट का कंसेप्ट सीख चुके कि उसी को टेबल में लिख दिया गया होगा ऑर्गेनाइज वे में अभी तो अपन एक इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे सभी इंस्ट्रक्शन के उसी को टेबल में लिख दिया होगा तीन इंस्ट्रक्शन थे तीनों की सभी को टेबल में लिख दिया होगा सर बेटा ये गेट का टू मार्क्स का फोकट का क्वेश्चन ये भी गेट का टू मार्क्स का क्वेश्चन था और इनमें से एक क्वेश्चन इसरो में भी आया था इसरो 2015 में भी आया था और बाकी कॉम्पिटिशन में आते जाते रहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यहां तक अगर सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है तो लिख दीजिए चैट बॉक्स में ओनली क्रिस्टल क्लियर मत लिखिएगा जो आपको फील आया वो लिखिएगा इस माइक कंट्रोल यूनिट के बारे में डेट इज़ हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट तो तो, माइक्रो प्रोग्राम नहीं पढ़ी अभी नहीं हार्ड वायर पढ़ी है लिखिएगा मैं चैट पढ़ता हूँ और पानी पी लेता हूँ जब तक जल्दी बताइए सभी बच्चे यस टेल मी फास्ट बताइए बच्चों कोई डाउट है अभी तक का का सोचा नहीं था अब सोच लिया बेटा आपको बोला था कि फील करोगे फील फील करोगे क्योंकि नहीं एक तो होता पढ़ना सीखना क्वेश्चन करना एक होता तो उसके नेक्स्ट लेवल पे फील करना आपको बोला था फील करोगे बेटा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपन ऊपर ऊपर से सीख रहे हैं आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक खोल के देख लीजिए विलियम स्टोलिंग तो लाया हूँ मैं आपके लिए गोल हार्मेचर मोरिस मैनो है ना फेज या पोल चौधरी कोई सी भी बुक खोल के देख लीजिए आपको सारी लाइनें समझ में आएगी सब चीज़ें यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है ना सभी को किसी को कोई डाउट है यहाँ तक मैं आगे बढ़ूँ अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इफ़ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ टिल नाउ एनी डाउट क्योंकि अगला मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा माइक्रो प्रोग्राम सेकेंड ईयर में ऊपर से गया था सर ये हमारे कोई बात नहीं दिन अब समझ में आ गया जब जागो जब सवेरा यहाँ तक क्लियर है आगे बढ़े आगे बढ़े मेरे छोटे भाई और बहनों आगे बढ़े यहाँ तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है तो आगे बढ़े नो no डाउट

माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है सर और क्यों जरूरत करते हैं देखो हार्ड वायर्ड इज यस नो डाउट इट इज़ द फास्टेस्ट हार्ड वायर्ड मेरा बहुत फास्ट होता है नो no डाउट सर नो डाउट हार्ड वायर्ड मेरा बहुत फास्ट होता है लेकिन उसको हार्डवेयर पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना बड़ा टफ रहता है फ्लेक्सिबल भी नहीं रहता है इसके लिए अपन क्या करते हैं दूसरा भी अप्रोच यूज करते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट

करवाते हैं उनसे अपना एग्जीक्यूशन करवाते हैं, तो देखो बच्चों, आपने ये सारी चीज़ देखी, क्या किया था अपन ने पीसी से MAR गए थे, अरे पूरी चीज़ मैन मेमरी से रैम मैन मेमोरी में गए से आई आर में गए, से में गए. तक खत्म साइकिल यहां तक खत्म उसके बाद अपन ओपकोड पता पड़ गया क्या करना है फिर अपन डिकोडर को दे, दे देंगे कि भाई संभालो इसको डिकोडर क्या करेगा माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बनाएगा क्या करेगा माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बनाएगा उनका कलेक्शन उनका कलेक्शन माइक्रो प्रोग्राम माइक्रो सीक्वेंस यूनिट या माइक्रो प्रोग्राम वो फिर कार 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 वाला कार नहीं है बेटा ये कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर ये क्या रखता है देखो दो चीजें होती है एक तो कार एक सीडीआर एक तो कार और एक सी डी आर कार मतलब कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जो कंट्रोल मेमोरी के एड्रेसेस के लिए डील करेगा है ना और एक होता है कंट्रोल डेटा रजिस्टर जो कंटेंट रखता है कंट्रोल डेटा रजिस्टर माय डियर कंट्रोल डेटा रजिस्टर ठीक है कार कार से अपन गए कंट्रोल मेमोरी में और कंट्रोल मेमोरी से फिर अपन माइक्रो इंस्ट्रक्शन डिजाइन कर लेंगे और वो अपन बेस हार्डवेयर पे आउटपुट प्रोड्यूट ये यहाँ तक समझ में आया ये यहाँ तक समझ में आया यशु कुमार बेटा प्लीज़ पढ़ाई कीजिए ये आपस में बात मत कीजिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके आते हैं सारे फैकल्टीज़ कि आपको जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें विद फील के साथ रहे हो बात तो प्लीज़ ठीक है अब इधर देखो ये मेरा पूरा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का आर्किटेक्चर रहता है यहाँ तक तो अपन ने फेस्ट साइकिल में पढ़ाई था इसके बाद डिकोडर से माइक्रो इंस्ट्रक्शन बने माइक्रो प्रोग्राम वो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स की मदद से रोम में यानी कंट्रोल मेमोरी में स्टोर हो गए उससे अपन माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरेट करके हार्डवेयर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं अब माइक्रो जो प्रोग्राम यूनिट है ना जो माइक्रो प्रोग्राम यूनिट है मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया ये आपकी दो टाइप से इम्प्लीमेंट की जाती है एक तो हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम क्या बच्चों ओरिजोनटल माइक्रो प्रोग्राम म्यू लिख रहा हूं मैं ना ओरिजोनटल माइक्रो प्रोग्राम एक होता है वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम एक होता है वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम क्या बच्चों वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम माइडियर वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम अब सुनिएगा मेरे छोटे भाई और बहनों ओरिजेंटल माइक्रो प्रोग्राम में क्या होता है वन बिट फॉर वन कंट्रोल सिग्नल अगर एक कंट्रोल सिग्नल है तो एक बिट या एक बिट है तो एक कंट्रोल सिग्नल या एन कंट्रोल सिग्नल है तो एन बिट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आठ बिट है तो कितने कंट्रोल सिग्नल आठ और अगर आठ कंट्रोल सिग्नल है तो कितनी बिट लगेगा बच्चा आठ बिट कितनी बिट लगेगा आठ बिट आठ बिट क्लियर ये कंट्रोल मेमोरी में होता है रवि गुप्ता कंट्रोल मेमोरी रवि रोम दैट इज ना अब इधर सुनिएगा वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग इसमें क्या होता है अगर वन बिट है या एन बिट है कितनी एन बिट है तो टू की पावर एन कंट्रोल सिग्नल कितने टू की पावर एन कंट्रोल सिग्नल माई डियर टू की पावर एन कंट्रोल सिग्नल और अगर एन कंट्रोल सिग्नल है तो कितनी बिट लगेगा लोग बेस टू एन बिट्स लगेगा लोग बेस टू बिट्स लगेगा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आठ बिट है कितनी बिट आठ बिट तो कितने कंट्रोल सिग्नल टू की पावर एट यानी दो सौ छप्पन कंट्रोल कितने दो सौ छप्पन कंट्रोल सिग्नल और सर अगर आठ कंट्रोल सिग्नल है तो कैसे ले लोगे आप तीन बिट क्या बेटा तीन बिट यहाँ तक बात समझ में आई सर कैसे लिया तीन अरे नलायक हो लोग बेस टू आठ कर लो लोग टू, टू की पावर टू लोग की प्रॉपर्टी यूज करोगे तीन आ जाएगा और मैं कहता हूँ ऐसे करो ही मत चल लो भैया लोड ले रहे हो आप ऐसे मत करो मैं तो कहता हूँ लोग वाला बस दिखाने के लिए कॉपी में दिमाग में टू की पावर n कैलकुलेट करनी है बस यहाँ तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को तो बच्चों देखो ये जो माइक्रो प्रोग्राम है ना ये कैसे स्टोर होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में क्या माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में सर ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है सर आपने इंस्ट्रक्शन बताया क्या वही होता है जो भी आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताया था क्या वही होता है आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में तो हमको ये बता दिया था क्या बता दिया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मैंने आपको क्या बता दिया था ये तो बड़ी बात हो गई बेटा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया था कि भैया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया था क्या बता दिया था मेरे छोटे भाई और बहनों इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बता दिया था ओपकोड होता है मोड होता है और एड्रेस फील्ड होती है तो क्या सर माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी सेम रहता है नहीं डियर नहीं 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 यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है अब देखिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है क्या क्या होता है उसमें ब्रांच कंडीशन ब्रांच कंडीशन क्यों देखो अब अपन वहां अपन ब्रॉडली बात कर रहे थे ओपकोड क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा अब अपन उसके और सब लेवल पे आ गए और थोड़ा डेप्थ में आ रहे हैं है ना और थोड़ा स्पेशलाइजेशन में आ रहे हैं अभी अपन जनरलाइजेशन जैसी बातें कर रहे थे तो सीखेगा अब अपन माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में आ गए उसका क्या फॉर्मेट रहता है पहला तो रहता है ब्रांच कंडीशन है या नहीं है देखो ये तो आपका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हो गया ये तो आपका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हो गया माइक्रो ऑपरेशन का या माइक्रो इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट रहता है वो आप सीखिए हर बच्चा पेन कॉपी रख दीजिएगा क्या क्या रहता है इसमें रहता है आपका ब्रांच कंडीशन ये क्या होता है समझाऊंगा डोंट वरी रहे फ्लैग्स कंट्रोल बिट्स या कंट्रोल सिग्नल्स के लिए कंट्रोल फील्ड और एड्रेस फील्ड क्या बेटा एड्रेस फील्ड ध्यान से देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है गेट में आराम से इजी फोकट के दो मार्क्स मिलते हैं फोकट के मार्क्स आपको इजी इतना कार भी बोल दीजिए ठीक है एन आई ए का मतलब वो नहीं है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एन आई ए का मतलब है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस और कार तो आपको पता ही है जो आप चलाते हुए हैं वो वाली नो बेटा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर ये मेरा मेरा एक एक ये माय डियर ये मेरा एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है ये मेरा एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है ये मेरा एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है माइक्रो इंस्ट्रक्शन जिसे मैं कंट्रोल वर्ड भी बोलता हूँ जिसको मैं सी डी आर भी बोलता हूं कंट्रोल डेटा रजिस्टर यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक समझ में आ गया एक्नोलेज करते जाओ बच्चा गला सूख जाता है तो चिल्ला चिल्ला के रोज पानी खत्म लेकिन आप एक्नोलेज नहीं करते कई बार प्लीज आप सुनिएगा ये ब्रांच कंडीशन क्या बताती है ये ब्रांच कंडीशन आपको बताती है कि कितनी ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शन है कितने हैं उनके लिए कितने हैं जैसे कैरी नोट कैरी जंप नोट जंप ये सारी चीज़ें फ्लैग आपको मान लीजिए आठ फ्लैग दे रखे हैं कितने आठ कितने फ्लैग दे रखे आठ फ्लैग दे रखे हैं तो कितना हो जाएगा फ्लैग तीन बिट का फ्लैग बिट कंट्रोल फील्ड कंट्रोल फील्ड आपकी डिपेंड करेगी किस टाइप का कंट्रोल सिग्नल है आपका होरिजोनटल कंट्रोल सिग्नल है या वर्टिकल कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है एड्रेस फील्ड आपका इधर एड्रेस फील्ड वही चीज है कंट्रोल मेमोरी वहां मेमोरी बताती थी मेन मेमोरी इधर कंट्रोल मेमोरी के बारे में बात करेंगे किसके बारे में कंट्रोल मेमोरी के बारे में अगर मैं बोलता हूं मेरी कंट्रोल मेमोरी एक एम की है कितनी वन एम की तो कितना एड्रेस फील्ड लगेगा अगर बाइट एड्रेस से बोले तो बीस बीट हाँ या ना टू की पावर ट्वेंटी बीस बीट तो वो आपका एड्रेस फील्ड बताती है वो आपका एड्रेस फील्ड बताती है जिसको अपन और निक नेम से भी जानते हैं कंट्रोल मेमोरी को एन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस या कार कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर तो ये सारा मेरा क्या कहलाता है एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहलाता है और जो ऊपर वाला है कौन सा ये वाला है कौन सा ये वाला सर कौन सा वाला ये वाला ये वाला कर रहे हो आप हैं ये वाला बेटा ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है ये वाला मेरा एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है और ये वाला मेरा एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को इधर देखो मेरे छोटे भाई और बहनों तो मैंने आपको क्या सिखाया वही मैं आपको इधर बता रहा हूँ क्या इसमें क्या क्या होता है ये मेरे एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन म्यू है ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल वर्ड या सी डी आर का फॉर्मेट है कंट्रोल वर्ड या सी डी आर का फॉर्मेट है बहुत ईजी है क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे चुटकियाँ बजा के होंगे सीखिएगा पहली चीज ब्रांच कंडीशन देखो जरूरी है हो ब्रांच कंडीशन गिवन है तो लेंगे ठीक है ब्रांच कंडीशन क्या बताती है कि कितनी सिस्टम सपोर्टेड ब्रांच कंडीशन है यानी मान लीजिए मैं बोलता हूँ चार कंडीशन सपोर्ट कर रही है तो ये कितने बिट का हो जाएगा दो बिट का हो जाएगा मान लीजिए चार ब्रांच कंडीशन है नोट जीरो जीरो कैरी नोट कैरी तो चार के लिए क्या हो जाएगा लोग बेस टू और फोर दो बिट आ जाएगी फ्लैग कितने फ्लैग सपोर्ट कर रहा है अरे मैं कहता हूँ आठ फ्लैग सपोर्ट कर रहा है कितने आठ फ्लैग सपोर्ट कर रहा है कितने फ्लैग आठ फ्लैग तो फ्लैग कितने बिट का आ जाएगा तीन बिट का आ जाएगा कितने बिट का आ जाएगा तीन बिट का ये कंट्रोल फील्ड डिपेंड करती है कंट्रोल सिग्नल्स इस पे कंट्रोल सिग्नल्स पे और कंट्रोल मेमोरी एड्रेस है ना या फिर एड्रेस फील्ड बोल दीजिए या फिर कार जिसके बिना जीवन बेकार है ऐसा सोचते हो मत सोचा करो ये मेटर चीज है या फिर एन आई ए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस माय डियर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस ये कैसे आ जाएगा लोग बेस टू ऑफ कंट्रोल मेमोरी अगर मैं कहता हूं कंट्रोल मेमोरी मेरी एक एम बी की है कितनी वन मेगाबाइट की तो कार बोल दो एन आई ए बोल दो एड्रेस फील्ड बोल दो या कंट्रोल मेमोरी एड्रेस बोल दो ये कितने बिट का हो जाएगा मेरे छोटे भाई और बहनों बीस बिट का हो जाए कितने बिट का बीस बिट का हो जाए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को लिख दीजिए चैट बॉक्स में अब सुनो सर ये जो कंट्रोल सिग्नल है उसका क्या करना है अचार डालना है नहीं कंट्रोल सिग्नल्स जो है उसमें जो दो टाइप से परफॉर्म किए जाते हैं एक तो होता है आपका डिकोडेड फॉर्मेट कौन सा डिकोडेड सुनिएगा बच्चों मेरी बात समझिएगा प्लीज एक तो डिकोडेड फॉर्मेट होता है एक एनकोडेड फॉर्मेट होता है जिसको मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया एक तो हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है और दूसरी वर्टिकल माइक्रोप्रोग्रामिंग होती दूसरी वर्टिकल प्रोग्रामिंग होती है हॉरिजॉन्टल में मैंने क्या बोला एक बिट फॉर एक कंट्रोल सिग्नल अगर एन कंट्रोल सिग्नल है तो एन बिट जैसे तीन बिट है तो तीन कंट्रोल सिग्नल आठ कंट्रोल सिग्नल है तो आठ बिट पर्टिकल में अगर एन बिट है टू की पावर एन कंट्रोल सिग्नल और अगर एन कंट्रोल सिग्नल है लोग बेस टू एन बिट्स। जैसे तीन बिट है तो आठ कंट्रोल सिग्नल और अगर आठ कंट्रोल सिग्नल है तो ओनली तीन यहां तक क्रिस्टल क्लियर है यहां तक क्रिस्टल क्लियर है अब सुनिएगा अब सुनिएगा पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं डी एंड एनकोडेड प्लीज पेन कॉपी रख दीजिएगा पेन कॉपी रख दीजिएगा ओरिजोनटल प्रोग्राम एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग यहां तक क्रिस्टल क्लियर है तो पहले लिखो फिर आगे बढ़ाते हैं तो बताइए जल्दी फास्ट एनी डाउट टिल लो एनी डाउट टिल अब सुनिएगा हॉरिज़ॉन्टल में मैंने आपको क्या बोला पहला पॉइंट वन बिट फोर वन कंट्रोल सिग्नल या एन कंट्रोल सिग्नल है तो एन बिट और इधर n बिट है तो टू की पावर n कंट्रोल सिग्नल या n कंट्रोल सिग्नल है तो लॉग बेस टू n बिट यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को ईच एंड एवरीवन टेल मी फास्ट नाउ इससे अपन क्या सीखा दूसरा पॉइंट कि मान लीजिए अगर सौ या पचास कंट्रोल या दो सौ कंट्रोल सिग्नल है इसको तो कितना लगेगा दो सो बिट लग जाएगा यानी इट सपोर्ट लॉन्गर वर्ड क्या बेटा लॉन्गर वर्ड और इसमें कितना लगेगा 200 के लिए अरे 200 कंट्रोल सिग्नल है तो कितना लगेगा आठ बिट आठ ही तो लगेगा तो दूसरा पॉइंट इसका हो गया क्वटर कंट्रोल वर्ड क्या बच्चों कोटर कंट्रोल वर्ड यहां तक बात समझ में आ गई यहां तक बात समझ में आ गई देखो एक एक पॉइंट समझिए पॉइंट समझिए क्या अगर 200 कंट्रोल सिग्नल है तो कितनी बिट लगेगा भैया 200 बिट

डिकोडर की जरूरत पड़ेगी रिक्वायर डिकोडर डिकोडर बेटा डिकोडर तो so, अगर इसमें डिकोडर की जरूरत नहीं है ऑलरेडी डिकोडेड फॉर्मेट में है फास्ट कंपेयर टू वर्टिकल फास्ट कंपेयर टू वर्टिकल वर्टिकल के कंपैरिजन में फास्ट होते हैं वर्टिकल के कंपैरिजन में फास्ट होते हैं माय डियर और इट इज स्लोअर Compare टू horizontal लाइट चली गई है थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी इशू हो चुका भी आ जाएगी मैं डरावना दिख रहा हूँ वैसे भी चेहरा खराब है और डरावना दिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आप पढ़िएगा बस तो ये फास्ट होती है लेकिन लेस फ्लेक्सिबल होती है. और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्लेक्सिबल इसमें यह कर दो वो कर दो जो करना है कर लो अपने पास डिकोडर अपन उससे काम करवा लेंगे समझ तो में आया और जो ये है ये प्रैक्टिकली यूज में की जाती है बाई डिफॉल्ट ये वाली यूज में होती है क्यों डायरेक्टली आप डिकोडेड सिग्नल से काम नहीं कर सकते और कहाँ यूज होती है सिस्क में सिस्क में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और इसमें आपका सुनिएगा बच्चों प्लीज सुनिएगा बच्चों इसमें आपका ये लेस फ्लेक्सिबल है वो आपका मोर फ्लेक्सिबल है ये आपकी नन या वन को चलो ये लाइन नहीं लिखाते भी आप इतना तक समझिए बस आगे मैं समझा दूंगा यहाँ तक समझ में आ गया है कंसेप्ट दिख रहा है ना आपको बस मैं तो वैसे चेहरा ही खराब है बेटा मेरा दो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ईच एंड एवरी वन दो मस्ट गो ऑन यहाँ तक क्लियर है अब इधर देखो तो कहने का मतलब है अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं मेरे छोटे भाई और बहनों अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो सबसे फास्ट कौन सी होती है हार्ड वायर्ड उसके हॉरिजॉन्टल उसके बाद वर्टिकल सबसे स्लो होती है। उसके बाद वर्टिकल सबसे स्लो होती है अगर मैं टाइम कंज्यूम के बारे में बात करूं तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा तो जिसकी स्पीड कम उसको टाइम ज्यादा लगेगा यानी वर्टिकल ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है ओरिजोनटल कम टाइम कंज्यूम करती है और, करती है। और वायर की तो पूछो ही मत सबसे कम टाइम कंज्यूम करती है स्पीड सबसे फास्ट किसकी फास्टेस्ट फिर कम फिर सबसे कम टाइम कंज्यूम सबसे ज्यादा कौन करती है टाइम कंज्यूम सबसे ज्यादा कौन करती है वर्टिकल देन हो आफ्टर डेट हार्डवायर सबसे कम करती है ठीक है? अब फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है वर्टिकल की अरे हार्डवायर की तो हो ही नहीं सकती दोबारा रीडिजाइन रिकनेक्शन करना पड़ता है फिर हॉरीजोंटल की फिर हार्डवायर की मेरे छोटे भाई और बहनों आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ गए हैं आप आराम से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे और दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक समझ में आ गया है यहां तक समझ में आ गया बच्चों देखो दोबारा समझिएगा मैं आपको सिखा रहा था माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ब्रांच कंडीशन जो होगी फ्लैग होगा कंट्रोल फील्ड कंट्रोल फील्ड डिपेंड होगी कंट्रोल सिग्नल पे जो दो टाइप से होंगे एक तो एक तो तो डिकोडेड डिकोडेड और और एनकोडेड एनकोडेड का का मतलब है, है तो bit, है? का मतलब है 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 बिट बिट फॉर कंट्रोल कंट्रोल सिग्नल सिग्नल या ठीक अगर एन बिट है तो टू की पावर एन कंट्रोल सिग्नल या एन कंट्रोल सिग्नल है तो लोक बेस टू एन बिट्स ठीक है अब इसके मैंने कुछ एक पॉइंट लिखा दिए है यहाँ क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे इसके बाद मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने के बाद स्पीड बता दी किसकी फास्ट किसकी स्लो होगी अब क्वेश्चन शुरू होता है आपके सामने ये आया था गेट में वो भी दो मार्क्स का आया था और झूठ नहीं बोल रहे गेट का ही क्वेश्चन है ये एक मार्क या दो मार्क का था बट था ये गेट का जल्दी से आंसर दीजिए सारे क्वेश्चन कराऊंगा मतलब कराऊंगा जल्दी कीजिए और थोड़ा फास्ट मोड ऑन कर लीजिए अब लाइट आ चुकी है दोबारा डोंट वरी रहे आप बताइए मुझे आंसर ध्यान से देखिए आंसर बताइए बच्चों प्लीज 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 यस yes. देखिए क्या कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे फास्ट कौन सी हार्ड वायर्ड उसके बाद माइक्रो माइक्रोप्रोग्रामिंग उसके बाद वर्टिकल ऐसा भी क्वेश्चन गेट में आया था और झूठ नहीं बोल रहा ये भी गेट में आया था ये भी गेट में आया था ये याद नहीं है बट आया था आप जाके चेक कर सकते हैं होरिजोनटल माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या आएगा आंसर क्या पूछ रहा है कभी बताइए जल्दी एवरीवन 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 अनुज गलत बेटा देखो बच्चों यस मैंने आपको बोला पहले डिकोडेड फॉर्मेट में होता तो नॉट यूज डिकोडर यस ये सही है लार्जर कंट्रोल सर क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 200 कंट्रोल सिग्नल है तो कितना बिट लगेगा टू हंड्रेड बिट लेकिन किसमें हॉरिजॉन्टल में किसमें किस बच्चा हॉरिजॉन्टल में अगर यही बात में वर्टिकल में कर देता अगर यही बात में वर्टिकल में कर देता तो 200 कंट्रोल सिग्नल के लिए कितना बिट लगता आठ बिट लगता बच्चा 1 बिट वन बिट फॉर वन यानी डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ क्लियर है ये भी गेट में दो मार्क्स का आया था और सुनियो सुनियो सुनो 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 गेट में दो मार्क्स का आया था सेम क्वेश्चन रिपीट इन इसरो एंड सिमिलर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन एनआईसी एनआईसी आपको पता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है ना पूजा गुप्ता यस yes. सुनिएगा एनआईसी क्या होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है ना आप मानोगे नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी में इस पे क्वेश्चन आया था इस क्वेश्चन आया था ये गेट का है प्लस इसरो में इस टाइप का क्वेश्चन आया प्लस एनआईसी का जो साइंटिस्ट का पेपर था ट्वेंटी ट्वेंटी इसमें वैल्यू चेंज थी बट सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आया था आप कहिए बच्चा प्लीज बताइए बच्चों क्या कह रहा है टोटल 125 है और म्यूचुअल एक्सक्लूजिव है म्यूचुअल एक्सक्लूजिव का मतलब है कि हर ग्रुप के लिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिट चलेगी में आ रही है बात जल्दी बताइए आंसर जल्दी बताइए बेटा फिर आगे बढ़ना है मेरे को हाउ मैनी बिट्स ऑफ कंट्रोल वर्ड कैन बी सेव्ड यूजिंग वर्टिकल ओवर होरिजोनटल प्रोग्रामिंग गलत 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 नाउ गेटिंग ऑल आंसर रॉन्ग बेटा बताइए बच्चों फास्ट वेरी गुड वेरी गुड सोविक वेरी गुड सोविक निशु वेरी गुड आपका आंसर सही है बाकी बच्चे बेटा क्यों गलत आंसर दे रहे हो सीखिएगा कितने ग्रुप है पांच ग्रुप है ग्रुप वन ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप फोर ग्रुप फाइव ओके ग्रुप वन में बीस कंट्रोल सिग्नल है अच्छी बात है ग्रुप टू में सत्तर कंट्रोल सिग्नल है अच्छी बात है ग्रुप थ्री में दो कंट्रोल सिग्नल है बहुत अच्छी बात है इसमें दस कंट्रोल सिग्नल है और अच्छी बात है इसमें तेईस कंट्रोल सिग्नल है और अच्छी बात है अगर मैं हॉरिजॉन्टल यूज करता हूं इधर तो इसके लिए कितनी बिट लगेगा बेटा बीस इसके लिए सत्तर इसके लिए दो बिट इसके लिए दस बिट इसके लिए तेईस बिट ये करने की जरूरत भी नहीं है पहले बात तो दे रखा है अगले ने ठीक है तो देखो कितने आ गई एक सौ पच्चीस बिट और आपने सीधे बोल रखा है हॉरिजॉन्टल को तो जरूरत ही नहीं है एक सौ पच्चीस सिग्नल्स है कितने एक सौ पच्चीस सिग्नल्स है वन ट्वेंटी फाइव सिग्नल्स है अब अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूँ किसकी बच्चा वर्टिकल की तो मेरे छोटे भाई और बहनों बीस के लिए कितना बिट लगेगा टू की पावर कीजिए बेटा कितना आएगा पांच बिकॉज़ फोर तक तो आप सिक्सटीन को रिप्रेजेंट कर पाओगे सेवेंटी के लिए सात क्यों सर बिकॉज़ टू की पावर सिक्स तो कितना होता है सिक्सटी फोर अपन को तो सत्तर से रिप्रेजेंट करने हैं दो के लिए एक बिट दस के लिए चार बिट तेईस के लिए पांच बिट हाँ या ना कितना हो गया सात पांच बारह तेरह सेवेंटीन एंड ट्वेंटी टू यहाँ तक समझ में आ गया कुछ बच्चों ने जीरो भी बोला सर जीरो दिया मेरे भारत ने है? तो देखो बच्चों कितनी बिट सेव हो जाएगी 125 अगर यूज करते हैं अपन होरिजोनटल तो आ रही है और वर्टिकल यूज करने में बाईस ही आ रही है तो कितनी बिट सेव हो गई मेरे छोटे भाई और बहनों और पता ही आपको दो मार्क्स का आया था और मैं श्योर हूँ गेट में इसरो में और एनआईसी में तीन मार्क्स का आया था ये तीन मार्क्स का एन वाले पेपर में तो देखो बच्चों 103 सौ तीन इज द राइट आंसर यहाँ तक क्लियर है ईच एंड एवरी वन क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा सभी बच्चों को कोई डाउट है कोई डाउट है अगर आ रहा है तो बना दीजिए दिल लिख दीजिए चैट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर आगे बढ़ें कोई डाउट है तो पूछे अगला क्वेश्चन करें अगला क्वेश्चन करें मेरे छोटे भाई और बहनों अगला क्वेश्चन आप करेंगे क्या कह रहा है एक हजार चोईस कंट्रोल वर्ड मेमरी है एक हजार चोईस बेटा हाँ सत्यम मार्या वेरी गुड क्वेश्चन सत्यम मार् कह रहा है कि सर एक काम करो अच्छा आप कह रहे हो सर एक तो तपन कह रहे हैं सर एक तो ये तो पांच बिट और सात बिट वाला एक और बार बता दो बेटा सुनिएगा टू की पावर चलाना सीख जाए तपन आप बीस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेगा टू की पावर याद रखें मैंने कई बार बता चुका हूं टू की पावर फोर तक सोलह की पावर फाइव थर्टी टू अगर अपन को गणित मेरी सोलह तक खत्म करनी है तो चार बिट में खत्म हो जाएगा सोलह से सत्रह से बत्तीस तक पांच बिट लगेगा टू की पावर सिक्स होता है और अगर आपको यह समझ में में आ गया ना आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर क्या कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सब्जेक्टों में, पावरों में आंसर लोगे चुपचाप बिट में सोच लोगे कैलकुलेट कर लोगे ये एटीट्यूड रहेगा आपका समझ रहे हो बात तो प्लीज आप देखें इस चीज को टू की पावर सिक्स आपका कितना सिक्सटी फोर अगर सत्तर लिखना है तो चौसठ तक तो छह बिट लगेगा चौसठ से पैंसठ से वन ट्वेंटी एट तक सात बिट लगेगा समझ में आ गया दो के लिए एक दस लिखना है तो चार बिट लगेगा की पावर चला चला के देख लीजिए अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं सत्य मारिया का सत्य मारिया कह रहा है सर देखो एक क्यों गणित लगाते हो यार आप क्यों परेशान करते हो सर हमें सुबह पहले आके आप है क्यों परेशान करते हो एक दे रखा है एक दे रखा है हॉरिजॉन्टल के लिए अच्छी बात है अब 125 के लिए कितनी बिट लगेगा सात बिट आपने तो बोला बिट तो 125 कर दो 118 आ 118 आ जाएगा ऑप्शन में नहीं था मेरा ईगो हट हो गया मैंने जीरो को टिक है सर सर मैंने जीरो को टिक है सर, जीरो को को टिक है है ना समझना बेटा सत्य मारे मैं आपके लिए नहीं कह रहा ईगो वाली बात घबराना मत मैं मेरे लिए कह रहा हूँ तो बेटा इसने एक की यूज कर रखा है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिग्नल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है आपने खलील सर ने हमारे रेस्पेक्टेड खलील सर ने आपको समझाया होगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप चुप रहोगे आप बोल रहे हो तो मैं चुप रहूंगा यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है एक बार में एक ही अपन होगा ना बेटा क्लियर है सभी बच्चों के सभी क्वेश्चनों के सभी आंसर मिल गए हैं अगर हाँ तो बना दीजिए दिल या लिख दीजिए चैट बॉक्स में आगे बढ़े अपन फिर और ये क्वेश्चन आप कीजिए सत्यम आर्या क्लियर तपन क्रिस्टल क्लियर एवरी वन और सेशन को लाइक कर देना सभी बच्चे जिन्होंने नहीं किया शेयर कर देना कुमार को बोला था भैया पता है दो चार बच्चों ने ही मेरी तुम मेरी बात ही नहीं मानते यार मैं बोलता हूँ तुम बस यूँ कह सकता हूँ सेल्फिश होना चाहिए मानता हूँ थोड़ा बहुत सोचना चाहिए अपने बारे में इतना भी नहीं कि यार सेल्फिश ही हो जाए कतई ही सेल्फिश हो जाए हैं मैंने आपको बोला था कि भैया वीडियो के या तो फर्स्ट वीडियो पे जाके आप कमेंट लिखिएगा अगर आपको लाइक आप लाइव चैट में तो खूब लिखते हो सर मज़ा आ गया आग लगा दिया आपने ये कर दिया वो कर दिया बम फोड़ दिया परमाणु बम न्यूक्लियर बम फील आ रहा है ये आ रहा है लेकिन मैंने आपको बोला था कि चाहे डी हो चाहे सी ओ इसके चाहे फर्स्ट वीडियो के में फर्स्ट वीडियो में तब में नहीं लिख पाते एटलीस्ट फर्स्ट वीडियो में जाके आप अपने जो भी कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है वो लिखे अच्छा बुरा सब सराखों पे सब अप्रिसबल है आप लोगों के इनपुट है वो आप लिखा कीजिए फर्स्ट वीडियो पे एटलीस्ट सबर बच्चा सब पे लिखो तो ज्यादा बढ़िया है लेकिन फर्स्ट पे तो लिखा ही कीजिए चाहे वो सी ओ की प्लेसलिस्ट हो चाहे डी की और गन पॉइंट पे नहीं लिखा रहा अगर आपको दिल में लगता है कि यार वास्तव में कुछ सीखा है वास्तव में ये जो सर आते हैं उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई है ये इतनी सर्दियों में हमको पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू वाले और वास्तव में यहाँ बच्चों का प्यार ही चलता है तो लिखिएगा बच्चों जबरदस्ती नहीं कि गन पॉइंट पर लिखा रहा हूँ कि लिख के आ जाए बेटा मैंने पढ़ा तो लिख के नहीं आपके मन में हो तब लिखना करिए इसका आंसर और डीबीएमएस और एम दोनों के में ही है ना और मैं दोनों के लिए कह रहा मैं तो जो भी रेस्पेक्टेड फैकल्टी आपको इधर पढ़ाते हैं सभी अरे इधर कमेंट नहीं कह रहा मैं नवीन उधर कह रहा हूं मैं चैट बॉक्स में नहीं कह रहा कमेंट सेक्शन में कह रहा हूं जब ये ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे बाद ये अपलोड हो जाती है जब ये फिर रिकॉर्डेड में हो जाती है वो चीज़ कह रहा हूँ ये लाइव क्लास है हाँ आपने वहां भी लिखा है मुझे पता है मैंने पढ़ा था बेटा थैंक यू हाँ बच्चों इसको सोल्व कीजिए इसको सोल्व कीजिए हर बच्चा प्लीज़ प्लीज प्लीज़ सोलट फास्ट बच्चों बताइए क्या आंसर आएगा सुनिएगा कवि क्या कहना चाहता है कवि तो कवि है कुछ भी कह लेता है कभी भी है। ऐसे बोल रहे होंगे ना मेरे बारे में या कवि के बारे में इधर देखो बच्चों क्या कह रहा आ, है भैया कितने फ्लैग्स हैं एक हज़ार कंट्रोल मेमोरी कितनी है एक हज़ार चौबीस कंट्रोल वर्ड तो मेरे को सीधी सी बात गणित समझ में आती है ज़्यादा कुछ समझ में आता ही नहीं है भैया ये दस बिट की हो गई है बस में इतनी बात करता है अपन एक हजार चोइस यानी टू की पावर टेन कैसे होगा क्या होगा सब अपन को जरूरत ही नहीं है और फ्लैग कितना है अपना फ्लैग कितने हैं अपने सोलह फ्लैग है तो इसके लिए कितनी बिट लगेगी? चार बिट लगेगी सर चार बिट फ्लैग के लिए चार बिट लगेगी यहां तक क्रिस्टल क्लियर अब सर देखो आप हमें सिखाए हो औरजेंटल एंड वर्टिकल लो सर ओरिजेंटल आप खुश रहो पहले हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो देखिए बच्चों ये मैं आपको सिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या बच्चा हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग कौन सा हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग माय डियर हॉरिजॉन्टल ठीक ना क्या बोलता था मैंने आपको फ्लैग और क्या था आपका एड्रेस फील्ड जिसे मैं कार बोलता हूँ कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर बोलता हूँ और कंट्रोल फील्ड थी ठीक है ये तो सर चार बिट की हो गई अच्छी बात है चार बिट की हो गई ये दस बिट की हो गई और अच्छी बात है अब देखो कितने कंट्रोल सिग्नल दे रखे हैं सर फोर्टी एट कितने निश्चित समझना कितने फोर्टी एट सर फोर्टी एट कितने फोर्टी एट कंट्रोल सिग्नल दे रखे हैं अगर हॉरिजॉन्टल है तो 48 कंट्रोल सिग्नल के लिए कितना बिट लगेगा बेटा 48 बिट लगेगा कितना लगेगा 48 बिट लगेगा येलो सर अब आ जाते हैं अपन वर्टिकल पे किस पे बेटा वर्टिकल पे वर्टिकल में क्या एक तो फ्लैग एक कंट्रोल फील्ड एक कार फ्लैग कंट्रोल फील्ड थैंक यू कंट्रोल फील्ड एंड कार ठीक है ये आपका दस बिट का है वही सेम चलेगा फ्लैग आपका चार बिट का है कंट्रोल फील्ड बेटा कितने कंट्रोल सिग्नल है मेरे छोटे भाई और बहनों कितने कंट्रोल सिग्नल्स है फोर्टी एट कंट्रोल सिग्नल्स है तो कितना बिट लगेगा पांच तक तो बत्तीस ही लगेगा छ बिट लग जाएगा बेटा या तो आप प्रोफेशनल वे में सीखो तो लोग बेस टू ऑफ फोर्टी एट तो यह आ गया छे बिट ये मेरा क्या आ गया एक सी या कंट्रोल वर्ड इसमें हॉरिजॉन्टल में वो तो कितना आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में मेरे छोटे भाई और बहनों हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा चार प्लस फोर्टी एट प्लस टेन दैट इज फिफ्टी एट एंड सिक्सटी टू बिट्स हॉरिजॉन्टल में आ गया सिक्सटी टू बिट और वर्टिकल में आ जाएगा मेरे छोटे भाइयों और बहनों चार प्लस छः प्लस दस कितना ट्वेंटी बिट्स यहाँ तक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है ईच एंड एवरी वन काइंडली टेल मी फास्ट 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 अच्छा अगर कंट्रोल मेमोरी भी पूछता अगर कंट्रोल मेमोरी भी पूछता किसमें में ओरिजोनटल में एंड वर्टिकल में क्या कंट्रोल मेमोरी इसमें ओरिजोनटल एंड वर्टिकल में तो बेटा आपको एक कंट्रोल वर्ड का साइज इधर कितना है ओरिजोनटल में 62 बिट और वर्टिकल में कितना है एक कंट्रोल वर्ड 20 बिट तो आप कैसे लिख दोगे एक हजार चौबीस कंट्रोल मेमोरी सी एम एक हजार चौबीस इंटू सिक्सटी टू बिट डिवाइड बाई एट बिट लगभग आठ के बी आठ किलो और इधर कंट्रोल मेमोरी ये कैसे नहीं है कंट्रोल मेमोरी है एक हजार चौबीस कंट्रोल वर्ड थे ट्वेंटी बिट डिवाइड बाई आठ लगभग थ्री के बी किलो ये लगभग थ्री बार और ये बन गया के बिकॉज आपके पास कितने वर्ड है एक कंट्रोल वर्ड है कितने वर्ड है एक हज़ार चौबीस कंट्रोल वर्ड है मेरी बात सबको समझ में आ गई हो तो लिखिएगा देखो बेटा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में ओनली एक ही चेंज है पूजा गुप्ता हॉरिजॉन्टल में क्या होगा जितने कंट्रोल सिग्नल्स है उतनी बिट चलेगी और वर्टिकल में उसका वो टू की पावर ले लो या लोक बेस फोर्टी एट ले लो क्लियर है पूजा यहां तक क्रिस्टल क्लियर एवरी वन यहां तक क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को बच्चों समझ में आ गया है टेल मी फास्ट 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 अगला क्वेश्चन ध्यान से कीजिए ध्यान से कीजिए यहां तक क्लियर है क्या पहले एक्नोलेज कीजिए जल्दी से सभी बच्चे कीजिए सभी बच्चे प्लीज फास्ट आवाज आ रहा मेरा यस गेमिंग टेन जरूर 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 यस पूजा बाकी कंट्रोल फील्ड तो बाकी फ्लैग तो उतते रहेंगे ये सारी चीजें सेम ही रहेगी ओनली कंट्रोल सिग्नल चेंज हो जाएगा बस उसके लिए बिट चेंज हो जाएगी मैंने आपको बताया ना वन बिट फॉर वन कंट्रोल सिग्नल या एन बिट फॉर वन यहां तक समझ में आ गया अच्छा इस चीज का एक और ध्यान रखना हालांकि वो मेंशन करके देता है इसमें कीवर्ड यूज करते हैं नन 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 या वन. नन या या वन 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 और इधर मोर देन वन. इसका मतलब क्या है इट सपोर्ट हाई डिग्री ऑफ इट सपोर्ट लो डिग्री ऑफ ठीक है वर्टिकल में कीवर्ड यूज करते हैं हालांकि देगा आपको है ना इधर घबराने की जरूरत नहीं है कहने का मतलब है इसमें दोनों कंट्रोल सिग्नल सपोर्ट कर रहे हैं ये वर्टिकल है और दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल है मैं इसको नहीं पढ़ा रहा आपको करने के लिए दे रहा हूँ अभी कीजिए अभी कीजिए रिवीजन कैसे करें श्वेता पांडे यार बच्चों ऐसी बातें मत करो पहले पढ़ाई तो कर लें अपन इधर भी मैं आपको सब करा रहा हूँ सर सही बताऊँ तो ये सब तो क्वेश्चन मैं स्केप कर दिया था गेट का कॉन्फिडेंस आ गया थैंक यू सत्यम आया अरे आएगा बेटा अभी रुको डेप्थ में जाएंगे अपन यार बिल्कुल चिंता ना करें जल्दी आंसर दीजिए उसमें तो वर्टिकल भी और ओरिजोनटल भी है दोनों चल रहा है और बच्चों एक चीज़ बोलूं देखो जो चीज़ नहीं कराऊंगा वो मना कर दूंगा लेकिन जो करेंगे ना अपन पूरा करेंगे ताकि अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाए ना यानी मैं एज ए स्टूडेंट सोचता हूँ कि भाई स्टूडेंट मेरे को आके झेल रहा है तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होना मान लीजिए ये क्वेश्चन भी पढ़ाया वो भी आधा पढ़ा है उसमें से भी ना लगा क्वेश्चन अपना और टॉपिक भी पूरे नहीं हो पा रहे मान लो क्रेश कोर्स है ऐसा नहीं होगा आपके यहाँ जो करोगे अच्छे से करोगे जो करोगे अच्छे से मजे हो बच्चों मजा आ रहा है सभी को यस yes, बच्चो टेल मी फास्ट इज द आंसर ऑफ दिस देखिए मैं करा देता हूँ कंट्रोल फील्ड ऑफ ए माइक्रो सपोर्ट टू ग्रुप्स दो ग्रुप को सपोर्ट करता one, 400 है ग्रुप वन चार सौ कंट्रोल सिग्नल छह कंट्रोल सिग्नल है सोलह फ्लैग है थर्टी टू ब्रांच कंडीशन है कार का साइज दे रखा है सी डी आर का पूछ रहा है देखो बच्चों कई बार क्या होता है आपकी जो कंट्रोल यूनिट है ना वो दोनों चीजों को सपोर्ट करती है ओरिजोनटल एज वेल एज माइक्रो ओ वर्टिकल ऑल्सो Sea, तो सीखिएगा बच्चों आपको क्या क्या दे रखा है एक तो फ्लैग का डेटा दे रखा है जो जो दे रखा है वो बोलेंगे एक आपको क्या दे रखा है ब्रांच कंडीशन दे रखी है उसके लिए बिट ले लेंगे एक आपको कंट्रोल फील्ड दे रखी है उसको काउंट करना है एक आपको कार जिसे मैं एड्रेस फील्ड बोलता हूं जिसे मैं एनआईए बोलता हूं ये दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है कभी क्या पूछना चाहता है आपसे कभी ये पूछना चाहता है आपसे कभी यह पूछना चाहता है कि कवि जी मुझे आप सी डी आर का साइज बता दीजिए सी डी आर या कंट्रोल वर्ड या माइक्रो इंस्ट्रक्शन का साइज बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है अब सुनना मेरी बात इसमें दोनों चल रहे हैं इसमें आपके दोनों ग्रुप चल रहे हैं ग्रुप वन भी चल रहा है ग्रुप टू भी चल रहा है मैं आपके दोनों ग्रुप चलेंगे समझ रहे हो मेरी बात में आपके दोनों ग्रुप चल रहे ग्रुप वन और ग्रुप टू ग्रुप वन एंड ग्रुप और ग्रुप वन आपको बोल रखा है नन और वन आपको गेट में से नहीं देगा आपको बताएगा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है ठीक है उसमें कितने सिग्नल है 400 कंट्रोल सिग्नल है तो मेरे छोटे भाई और बहनों ये बताइए और ये हॉरिजॉन्टल अपना बोल रखा है अच्छा ये बताइए कि 400 कंट्रोल सिग्नल के लिए कितना बिट लगेगा इसमें छ कंट्रोल सिग्नल है जल्दी बताइए चार कंट्रोल सिग्नल के लिए कितना बिट लगेगा 400 कंट्रोल सिग्नल के लिए कितना बिट लगेगा 9 बिट इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 400 कंट्रोल सिग्नल बिकॉज़ 2 की पावर 8 256 होता है सर और 2 की पावर 9 तक अपन 512 तक लिख सकते हैं सर तो आपको पता है कंट्रोल फील्ड कितना आ गया विजय सर कंट्रोल फील्ड आ गया कंट्रोल उदय कंट्रोल कंट्रोल फील्ड आ गया 9 प्लस 6 15 बिट कितना आ गया मेरे छोटे भाई और बहनों पंद्रह बिट कितना पंद्रह बिट कंट्रोल फील्ड कार बिना जो आप कहते हो जीवन बेकार ये आपका ट्वेंटी बिट है ठीक है अगला सोला फ्लैग है मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोबारा मत पूछना मेलेडी इतनी चेकलोटी क्यों है कितना बिट लगेगा फ्लैग चार बिट ब्रांच कंडीशन कितनी है मेरे छोटे भाई और बहनों थर्टी टू ब्रांच कंडीशन कितना बिट पांच बिट बिटो के साथ तो खेलना है अपन को मेरी ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई टेल मी फास्ट 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 अरे हर फ्लेवर के क्वेश्चन लेके मत आप तो आर का साइज कितना हो जाएगा कंट्रोल डेटा रजिस्टर का चार प्लस पांच प्लस पंद्रह प्लस बीस कितना हो गया मेरे भाई और बहनों बीस बीस चालीस फोर्टी फोर बिट्स कितना बेटा फोर्टी फोर बिट्स आया ना अच्छा कंट्रोल मेमोरी कितना हो जाएगा ध्यान से देखना बहुत प्यारा लॉजिक है सारे डेप्थ में चलेंगे पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कितना की पावर कंट्रोल वर्ड्स विजय सर आप होश में तो हैं आपको पता है इधर कंट्रोल वर्ड साइज दे कंट्रोल मेमोरी दे नहीं रखी अरे कार तो दे रखा है अगर एड्रेस फील्ड बीस बिट की है तो कैपेसिटी कितनी होगी टू की पावर बीस और एक कंट्रोल सर कितना है टू की पावर ट्वेंटी इन फोर्टी और अगर अगर बाइट में हुआ अगर बाइट में हुआ अगर बाइट में निकालना है अगर बाइट में निकालना है तो आप डिवाइड बाई एट कर दीजिए यहां तक क्रिस्टल क्लियर है पूरा अरे टेल मी फास्ट 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 यहां तक क्रिस्टल क्लियर है कंट्रोल डेटा रजिस्टर नीचू आप क्या चैट बॉक्स में बात करने में लगे रहते हो तो वो नहीं आया ये नहीं आया ये हो गया वो हो गया मैंने लिखा रखा मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ ये देखो सी का फुल फॉर्म पूछ रहे हो ना आप मैंने लिखा है यार कहीं ना कहीं आपको बताऊं कार सीडीआर ये सब लिखाया होगा मैंने कहीं कही ना कहीं ये लिखाया मैंने आपको इसमें आप देखिएगा स्लाइड में अभी तक में लिखा हुआ होगा आपके कार सीडीआर पूरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में लिखा है मैंने आपको ना ये देखिए आपको बोला भी है और कई बार बोला एक बार भी नहीं सी डी आर सी आर सब बताया मैंने आपको तो बेटा प्लीज आप ऐसा ना करें आप क्लास में मेंटली प्रेजेंट रहे फिजिकली तो रहते हैं आप सभी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है और कई बार बोला हमने कार सी डी आर कार बना जीवन बेकार ऐसा डायलॉग भी मारा है यहाँ तक क्लियर है आगे बढ़े, अगर है तो बना दीजिए दिल अब सुने देखो बता ही रहे हैं पटोसी बता रहे हैं इधर देखें अगला क्वेश्चन ये गेट में आया था 2008 में क्या कह रहा है सात क्लॉक साइकिल लग रहे हैं एक सौ चालीस इंस्ट्रक्शन है यानी ब्रॉडली आई वन आई टू आई थ्री आई फोर ऐसे आई वन फोर्टी तक है और सब में कितने लग रहे हैं एक सात साइकिल लग रहे हैं और एक सौ पच्चीस कंट्रोल सिग्नल्स हैं ठीक हैगा बच्चो कंसिडर ए सी पी यू वे आर ऑल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड सेवन किलोक साइकिल फॉर एग्जीक्यूशन देर आर वन फोर्टी इंस्ट्रक्शन इन दी ना इंस्ट्रक्शन सेट 125 कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड इन द कंट्रोल यूनिट वाइल्ड डिजाइनिंग दी हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम फील्ड इज यूज एंड टू ब्रांच कंट्रोल व्हाट इज मिनिमम साइज ऑफ कंट्रोल वर्ड एंड कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर सुनिएगा बच्चो सुनिएगा ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ अगला आप करेंगे ओके अब सुनना बच्चों क्या कहना चाहता है कभी टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कितने

टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन देखो ये इंस्ट्रक्शन था फैच आई वन आई टू आई थ्री आई फोर ये इनमें जो छोटे छोटे काम हो रहे थे तो टोटल तो तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन कितने आ जाएंगे बेटा 140 सौ सेवन कितना होता मेरी गणित थोड़ी कमजोर है बताइए आप 980 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे या नाइन कंट्रोल वर्ड हो जाए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है नाइन एटी आ गया आप सोचो ना ये क्या है टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सर ये वो है आई वन से लेके आई वन फोर्टी तक तो सर ये सात साइकिल क्या लग रहे हैं जैसे आई वन में टी वन में ये हो रहा है टी टू में ये टी थ्री में ये टी फोर में ये टी फाइव में ये टी सिक्स में ये और टी सेवन में ये जो अपन पूरा करके आए थे पीसी से हमें यार हम यार क्लियर एवरी वन तो कंट्रोल मेमरी का साइज कितना आ गया मेरे छोटे भाइयों और बहनों क्योंकि ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहा स्टोर होते हैं ना तो मेरे घर में ना आपके घर में नाइन एटी कंट्रोल वर्ड कितना मेरे छोटे भाई और बहनों नाइन एटी कंट्रोल वर्ड ये मेरा कंट्रोल मेमोरी का साइज आ गया अब अपन को कुछ ही निकलना है पहली बात तो अपन को घबराना नहीं है और जो बोलता जा रहा है वो करना है क्या बोल रहा है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है आपको बोल रहा है एक तो कंट्रोल फील्ड है ले लो भैया कंट्रोल फील्ड और एक एड्रेस फील्ड या जिसे अपन कार बोलते हैं या एनआईए बोलते हैं तो बच्चों कंट्रोल मेमोरी इतना है कार कितना हो जाएगा अरे कार कितना हो जाएगा नाइन एटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ सिखाया तो पावर नाइन फाइव ट्वेल्व पांच सौ तेरह से लेके एक हजार चौबीस तक टेन बिट लगेगा सर ठीक है ना गुस्सा नहीं करते सर अच्छे बच्चे शांति से पढ़ाओ इधर देखो कार आ गया मेरा कितना दस बिट बिकॉज ये होरिजोनटल है तो 125 कंट्रोल सिग्नल के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड 125 बिट्स जस्ट बिकॉज़ इट्स हॉरिजॉन्टल इट्स हॉरिजॉन्टल ओके कितना आ जाएगा 125 बिट्स क्लियर बच्चा तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कंट्रोल वर्ड एंड कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर कंट्रोल वर्ड का साइज कितना हो जाएगा मेरे छोटे भाई और बहनों ये आपका हो गया कंट्रोल वर्ड आ जाएगा 135 कितना आ जाएगा 135 कंट्रोल वर्ड का साइज पूछ रहा बेटा कंट्रोल वर्ड का साइज आ जाएगा आपका इन दोनों को मिलकर कंट्रोल वर्ड ही तो बोलोगे आप तो कंट्रोल वर्ड आ गया आपका कितना 135 अगर आपसे ओनली कंट्रोल फील्ड पूछता तो 125 होता क्लियर एवरी वन 135 आ गया कंट्रोल वर्ड का साइज है ना और एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का 10 का येलो भैया ये दो मार्क्स का आया था बच्चों स्टल क्लियर है तो बना दीजिए दिल लिख दीजिए चैट बॉक्स में लगा दीजिए आग जो भी करना कर दीजिए बट आगे रिप्लाई कीजिए एटलीस्ट यहाँ तक समझ में आ गया है अरे क्वेश्चन उड़ा पा रहे हो हवा में तो डर नहीं लगता आपको बोला था भाई सीओ से डर नहीं लगेगा इतना डेप्थ में सीख जाएंगे किसी छोटी लाइन लाइन को छोटा करना तो बड़ी लाइन खरीद दे वही अपन ने किया है क्या इतना पढ़ लिया लिटरली बता रहा हूँ इतना पढ़ लिया कि अपन को ये नहीं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा ये सारे कंसेप्ट अपन को यहाँ से क्लियर है बच्चों ये सारे कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर है ये सारे कंसेप्ट कि यहाँ भाई सर ऐसे चल रहा है ये लिख रहे थे हमने ये सीखा था ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान की ध्यान रखना बच्चों ऐसे ये ए इन बी आउट क्या होता सर वो भी सीख गए हम और क्वेश्चन भी देखो गेट के जितने भी आते जा रहे हैं ना सारे करा डाले सारे मतलब सारे जो जो टॉपिक्स से अपन को लग रहे हैं कि हर फॉर्मेट का होना चाहिए वो करा दिए यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों पक्का मजा आ रहा है झूठ तो नहीं बोल रहे पाप लगेगा जहाँ झूठ बोला इधर देखो अगला देखे पहले ये वाला क्वेश्चन आप इस वाले क्वेश्चन को कीजिए इस वाले क्वेश्चन को कीजिए आपको बहुत मज़ा आएगा अभी तक का जो वर्ड लेंथ ओपकोड वाला ज्ञान ओपकोड का मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने सपोर्ट करेगा वो सारा ज्ञान इधर काम में आने वाला है कीजिए बड़ा ही कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है आज नहीं कल होगी क्लास शाम को आज नहीं बेटा मोहम्मद आसिफ मैं बता दूंगा कल या परसों जो भी होगी कल या परसों में से होगी एक दिन क्योंकि तो परसों का क्लास अपना नहीं हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन दैट्स वाई टू कवरिंग दैट क्लास एंड टू क्लियर टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एवरी टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट वी आर आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास ओके इट इज ए क्रैश कोर्स बट वी आर ऑलवेज विद स्टूडेंट बिकॉज यहाँ बच्चों का प्यार चलता है बेटा ठीक है आप इसको कीजिए हर बच्चा इसका आंसर दीजिए एवरी प्लीज़ 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 वो कीजिए थोड़ा सा लेंदी है थोड़ा दो चार चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है लेकिन करो आपका पूरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा जल्दी कीजिए बेटा समय का अभाव जल्दी कीजिए यस व्हाट वडे द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द आंसर माय डियर द आंसर देखिए ए हाइपोथेटिकल प्रोसेस कंटेन वर्ड लेंथ ऑफ 12 बिट्स वर्ड लेंथ कितना है 12 बिट्स है अच्छी बात है सर जैसे जैसे बोलता जा रहा सो सर सीखिए ओपकोड कितना है वन वर्ड का ओपकोड कितना है वन वर्ड का है और ईच इंस्ट्रक्शन टेक यानी नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन कितना दे रखा है अरे साइकिल क्या होता है अरे पूरा फील करोगे साइकिल को पूरा फील करोगे घबराओ मत नेक्स्ट क्लास में जब अपन पाइपलाइनिंग से पहले साइकिल सीखेंगे सी टाइम कैलकुलेशन एक एक चीज़ सिखाऊंगा यार फील करेंगे आप तो देखिए कितना है आठ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है ये मेरा डेटा है अच्छी बात है सर दो कंट्रोल सोलह फ्लैग है सर ओके okay सर कोई बात नहीं दो कंट्रोल सिग्नल्स है सर दो सौ छप्पन कंट्रोल सिग्नल है सर सिक्सटी फोर ब्रांच कंडीशन है सर वो भी लिख ली है अच्छा कार सी और हॉरिजॉन्टल यूज कर रहा सर, है सर ठीक है अब इधर देखो मेरे छोटे भाई और बहनों प्लीज़ प्यार से देखिए यस यस हाथ से निकालेंगे सत्य हमारे अक्सर इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे निकालेंगे हाथ से निकालेंगे मुझे पता आपको बुरा लग रहा होगा बट डोंट वरी मैं मजाक में बोल रहा हूँ देखे बच्चों ओपकोड कितना है वन वर्ड का यानी ओपकोड कितना हुआ बारह बिट का ट्वेल्व बिट्स का अगर 12 बिट्स का ओपकोड है तो कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा टू की पावर ट्वेल्व इंस्ट्रक्शन को तो हाँ या ना टू की पावर ट्वेल्व इंस्ट्रक्शन को और ईच इंस्ट्रक्शन टेक्स कितना साइकिल एट साइकिल तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन कितने आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन कितने आ जाएंगे बच्चा टू की पावर ट्वेल्व इंटू एट टू की पावर फिफ्टीन माइक्रो ऑपरेशन या कंट्रोल वर्ड मेरे छोटे भाई और बहनों सत्य मारिया के स्टल क्लियर एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया सर हमारा अच्छी बात है और सोला फ्लैग है तो इसका भी अपन निपटारा यहीं कर देते हैं सर सोला फ्लैग के लिए चार बिट ब्रांच कंडीशन कितने लिए हो आप सिक्सटी फोर ब्रांच कंडीशन के लिए छः बिट क्योंकि वहां अपन सीधे क्वेश्चन करेंगे और दो कंट्रोल सिग्नल के लिए दो बिट सर क्यों सर बिकॉज इट्सों और समझ में आ गया आप समझ में आ गया सभी को वेरी गुड बच्चा वेरी गुड गॉड ब्लेस यू एवरी वन गॉड ब्लेस यू अब इधर देखो इधर देखो इसमें जो जो बोलता जा रहा है वो वो भरते जाएंगे अपन क्या क्या बोलता जा रहा है सर क्या क्या बोलता जा रहा है इसमें बोला एक तो फ्लैग है ले लो चुपचाप एक ब्रांच कंडीशन है वो भी ले लो चुपचाप ठीक है एक बोला है कंट्रोल फील्ड है कंट्रोल करके ले लो और एक बोलता है कार भी है देखो मैन तो कंट्रोल फील्ड और कार ही रहती है एड्रेस रजिस्टर बाकी दो ऑप्शनल है दे दे तो ले लेंगे नहीं तो नहीं ले रहे अपन कई क्वेश्चनों में भी तो देखिए बच्चों फ्लैग कितने इधर चार बिट सर आप तुरंत बोलते हो एटीट्यूड में सर ब्रांच कंडीशन सिक्स सर क्यों देखने का सिक्सटी फोर का सिक्स आपको पता है ना और कंट्रोल फील्ड कितना आ जाएगा सर टू फिफ्टी सिक्स बट टू फिफ्टी सिक्स बिट और कार कितना आ जाएगा सर पंद्रह बिट तो सर सी डी आर बता देंगे ना अब हम कहाँ टेंशन है सी डी आर कितना आ जाएगा सर सी डी आर का साइज चार प्लस छः प्लस दो सौ छप्पन प्लस पंद्रह कितना हो गया ये भैया दो सौ छिया सर टू सेवेंटी वन टू एटी वन बिट टू एटी वन बिट सर वन बिट यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है और कंट्रोल मेमोरी भी अगर आप पूछना चाहते हो ना सर हम वो भी बताने की हिम्मत रखते हैं टू की पावर फिफ्टीन इंटू टू की पावर फिफ्टीन इंटू टू एटी वन बिट मेरे छोटे भाइयों और बहनों क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है टू एटी वन होगा ना बेटा ंसर क्या पूछना चाहता है कभी कार का साइज बताओ अरे कार तो मेरी पंद्रह बिट की आ गई सर पंद्रह कार एंड सी का साइज बताओ सी डी आर आ गया टू एटी बिट का क्या CDR मेरा टू एटी वन बिट का सी डी आर मेरा इधर बात बाद मेरा टू एटी वन बिट का क्लियर सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है बच्चों जोड़ो ना इसको यार आप देखो दस ये हो गया टू फिफ्टी सिक्स प्लस टेन टू सिक्सटी सिक्स टू सेवेंटी वन टू एटी वन होता ना टू नाइनटी वन नहीं होगा बेटा रवि कोई नहीं माफ़ किया <laughs> माफ़ किया माफ़ किया टेंशन ना लगे यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है क्या इस वाइटीज इस फ्लेवर के क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे हो इस टाइप का गेट में नहीं आया है गेट में ओनली इस टाइप का आया हुआ है अभी तक जो अपन ने कर चुके हैं इस टाइप का लेकिन सर अगर गेट वाला और गणित लगा दे कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना दे के ओपकोड बोल दे और वर्ड लेंथ बोल दे तो घबराने का नहीं घबराने का पहली बात तो अपन को घबराना नहीं है समझ रहे हो मेरी बात स्टल क्लियर है स्टल क्लियर है अरे लिखिए चैट बॉक्स में सभी बच्चे यार आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे, प्यारे क्वेश्चन चाहता तो मैं दो गेट के क्वेश्चन लाता खुश हो जाते आप भी मैं भी खुश हो जाता यार पूरा सिखा रहा हूँ डेप्थ में सिखा रहा हूँ गेट से भी आगे लेवल के क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं पॉसिबल हो सकते हैं वो भी करा रहा हूँ और तुम नालायक हो हो बॉक्स में रिप्लाई करने से मना कर करो रिप्लाई ताकि मैं आगे बढूं अगला देखें डियर देखो एक चीज और होती है मैं आपको बताऊं जो वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग है वो डिफॉल्ट यूज होती है इसमें अपन फंक्शन कोड भी यूज करते हैं फंक्शन कोड रिकॉर्डर के साथ साथ फंक्शन कोड्स भी यूज करते हैं जितने भी गिवन होंगे उतने यूज कर लेंगे चीज ध्यान रखना इस इसे एक आधा क्वेश्चन कभी आया हुआ है क्या कह रहा है ए माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल रिक्वायर टू ट्वेंटी माइक्रो इंस्ट्रक्शन एटमोस्ट टू कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल सिग्नल आर एक्टिव व्हाट इज द द मिनिमम नंबर ऑफ बिट टू रिप्रेजेंट कंट्रोल वर्ड तो देखो बच्चों पच्चीस कंट्रोल सिग्नल्स है और डिफॉल्ट आपकी कौन सी होती है वर्टिकल मैंने आपको पहले बोल दिया था जो सिस्क प्रोसेसर में यूज होती हार्ड ओरिजियटल और वर्टिकल में वर्टिकल तो इसके लिए कितना बिट लगेगा लोग बेस टू ऑफ

अगर चार बोलता तो बीस आंसर आ जाता ये भी गेट में दो मार्क्स का क्वेश्चन आया था थोड़ा पुराना है लेकिन आपको ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने कंट्रोल यूनिट आपको पूरा डेप्थ में पढ़ा है विश्वास ना हो तो जाके कोई सी भी रेफरेंस बुक खोलिए कोई सा भी पी वाई क्यू उठाइए आपसे सारे लग जाए एक और क्वेश्चन आया हुआ था जो इसरो में भी कॉपी पेस्ट हुआ था है ना में भी थोड़ा सा चेंज करके और ही आया था इस डायग्राम के हिसाब से था कौन सा वाले डायग्राम के हिसाब से था ये इस वाले डायग्राम को दे रखा था उसमें वो डायग्राम डायग्राम इस वाले ऐसे लिखा हुआ था उसमें एक आठ तो इनपुट आ रहे थे मक्स में तो वो तीन बिट का हो जाएगा मैं आपको नहीं कह रहा बेटा सुवेता सभी क्यों कह रहा हूँ है ना बुरा ना माने कोई पर्सनल ना ले मेरे कमेंट को मैंने पहले बोल दिया है इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है और अगर संबंध है वो भी लाइन नहीं बोली मैंने उसे मात्र एक सहयोग बोला जाएगा है ही नहीं किसी से संबंध आप सीखे ओनली बस अच्छा ठीक है ऐसा डायग्राम दे रखा था और उसका आंसर आपका आया था टेन थ्री और वन जीरो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन मेरे को याद है क्या था आपको बोला गया था माइक्रो इंस्ट्रक्शन फील्ड है ना टोटल छब्बीस बिट की है टोटल कितना है ये छब्बीस बिट का है थर्टीन एक्स एंड वाई और वाई आपकी सेलेक्ट फील्ड है मक्स फील्ड है और आठ इनपुट थे आठ इनपुट थे तो ये कितने बिट का आ जाएगा तीन और एक्स आपकी कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को एड्रेस फील्ड थी आपकी तो बेटा एक्स कितना आ जाएगा छब्बीस माइनस तेरह प्लस तीन तो दस आ जाएगा दस बिट का तो आपसे पूछा गया था आप एक्स बताओ वाई बताओ और कितने कंट्रोल वर्ड होंगे वो बताओ तो आपका आंसर आ जाएगा उसका उसका आंसर आ जाएगा आपका दस तो एक्स तीन और अगर दस बिट की है तो टू की पावर टेन यानी दस कोमा तीन कोमा एक हजार चौबीस और सेम क्वेश्चन इसरो में आया था और वो भी मैंने आपको करा दी क्लियर दिव्यांशु वो इधर नहीं आएगा बेटा वो मैं कराऊंगा फाउंडेशन पर इधर जरूरत नहीं है आजकल नहीं आता है दिव्यांशु डोंट वरी रहे ठीक है क्लियर है एवरी वन यहाँ तक निकाल पढ़ाया ना इसमें आपका क्वेश्चन निकल जाएगा डोंट वरी रहिए ठीक है बच्चों यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए ये एक क्वेश्चन बचा था जो मैं मिस कर चुका था उसको भी मैंने इधर समझाई दिया है ऐसा आया था इस डायग्राम को देखे घबराने तो खा नहीं बिल्कुल भी बेटा क्रैश कोर्स में भी फुल डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको फुल डेप्थ में ठीक है अब इधर देखें हाँ वो मक्स वाले तो बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपको मोहम्मद आसिफ अब इधर देखो ये है रिस्क और सिस्क में डिफरेंस जो रिस्क है मैंने आपको पहले बता दिया रिस्क कंप्यूटर हार्डवायर कंट्रोल यूनिट यूज़ करता है रिस्क आपका सॉफ्टवायर दैट इज कॉल्ड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग ये इनके कुछ पॉइंट्स है कि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं इसमें लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट कम होता है एड्रेसिंग मोड कम होते हैं ये कुछ एक पॉइंट है जो आपको पढ़ लेने हैं ठीक है इनमें से कई बार थियोटिकल क्वेश्चन बन जाता है आर गेटिंग रिगार्डिंग पॉइंट जैसे मोटोरोला प्रोसेसर है पावर प्रोसेसर है ए प्रोसेसर है ये आपके रिस्क कंप्यूटर है जो अपने सुपर कंप्यूटर में यूज़ करते हैं बड़े एक्सपेंसिव है इसमें पाइप लाइनिंग सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होती है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इसमें कितना होता है वन होता है फिक्स लेंथ के इंस्ट्रक्शन होते हैं ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर को सपोर्ट करता है ये मेरे जनरल पर्पज रजिस्टर है जैसे पेन प्रोसेसर पेन प्रोसेसर ये कम एक्सपेंसिव होते हैं इसमें पाइप लाइनिंग सपोर्ट नहीं कर पाती है इसमें सी पी आई वन नहीं होता है है ना ये वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं लेस रजिस्टर्स होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट बड़ा होता है एड्रेसिंग मोड ज्यादा होते हैं बस ये है पॉइंट है बेटा ठीक है ठीक है स्टल क्लियर एवरी वन क्लियर एवरी वन अब सुने अब मैं आता हूं मेरे टॉपिक पे जो मैं आज पढ़ाने आया हूँ और जो मैं पढ़ा के जाऊंगा स्टल क्लियर है रोहित मुझे कह रहा है वो निशु और बाकी अपने छोटे भाई और बहन है सारे इधर उनसे बात कर रहे हैं अब सुनिए मेरी बात आप पढ़ाई कीजिए अभी यहाँ तक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए बना दीजिए दिल या जो भी लिखना है कंट्रोल यूनिट एकदम क्रिस्टल क्लियर है इसलिए मैंने कल कंट्रोल यूनिट छोड़ दी थी कि कल आधे घंटे में वो नहीं हो पाता और फिर आप बोलते हैं सर अब जाना है मुझे घर जाना है हालांकि घर पे ही हो आप जल्दी बताएं जल्दी बताएं बताए। प्लीज़ फ़ास्ट फास्ट फ़ास्ट फ़ास्ट ताकि फास मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँ अभी बच्चे बोले सभी बच्चे लिख दे क्रिस्टल क्लियर यहां तक क्रिस्टल क्लियर है रोहित बेटा क्लियर है कोई डाउट है अब देखे अगला टॉपिक देखो बच्चों अब जो दो मेन टॉपिक बाकी है वो मैं आपको कराने वाला हूं लिखिएगा हर बच्चा बहुत प्यार से शांति से इनको थोड़ा मैं डेप्थ में भी कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप क्वेश्चन कर पाए ईच एंड एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड मार्क्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक कैश मेमरी एंड पाइप लाइनिंग ये दोनों कंसेप्ट अपना खूब पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है अब इधर देखिए मैं कैसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कैसे नहीं आप बोल सकते हो कैश नहीं आप बोल सकते हो मेमरी मैं मेमरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या मेमरी अभी तक आपने मेमरी में देखा टू की पावर एन इंटू एम यस 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 है मोहम्मद आसिफ गॉड ब्लेस यू बेटा गॉड ब्लेस यू ना आप बच्चों मेमोरी अभी तक आपने देखा कि एड्रेस लाइन का कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको डेटा लाइन का कंसेप्ट सिखाया कंट्रोल लाइन का कंसेप्ट सिखाया टू की पावर एन इंटू एम या फिर आप कैपिटल एन इंटू एम ये अपन सीख चुके हैं और रैम चिप अपन ने कंसेप्ट सीखा था देखो बच्चों मैंने रैम चिप का इंप्लीमेंटेशन नहीं कराया कितनी रैम कितनी रोम आप देखो जो मैं नहीं करा रहा मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए मैंने रैम और रोम का इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट नहीं कराया कितनी रैम चिप लगेगी कैसे होरिजोनटल कैसे रिफ्रेश करेंगे ये करेंगे क्योंकि समय का वास्तव में अभाव है आप खुद देखो तीन घंटे की क्लास को मैं चार चार घंटे ले रहा हूँ लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ वो डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको इसलिए कराना चाहता हूँ पहले समझ रहे हो बात अगर टाइम मिलेगा फिर भी मैं करा दूंगा और फ्लोटिंग पॉइंट भी करा दूंगा ठीक है अब आप सीखें मेमरी तो देखो बच्चों कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं अपन मेमोरी को चार लेवल में डिवाइड कर देते हैं कितने में चार में कितने में बच्चा चार में एक तो रजिस्टर एक कैश मेमोरी एक मैन मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी सुनते रहना ज्ञान की बातें निकलेगी सुनते रहना प्लीज और बातें मत करना और चैट बॉक्स में ली रिप्लाई करना आस पड़ोसी से बातें मत करना तुम कई बार तो ऐसा लगता है मुझे रिप्लाई नहीं करते तुम खुद ही एक दूसरे को रिप्लाई करते हो अब इधर देखो पहली बात क्या जो कैपेसिटी के बारे में बात करूं रजिस्टर का कैपेसिटी बड़ा कम होता है कैशे का ज़्यादा होता है मेन मेमोरी का और ज़्यादा सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा एक्सिस टाइम कैश रजिस्टर में बहुत कम लगता है तुरंत काम हो जाता है कैशे में थोड़ा सा ज़्यादा मेन मेमोरी में उससे ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी में तो बात ही खत्म कर दो परफॉर्मेंस सबसे फास्ट सबसे स्लो परफॉर्मेंस सेकेंडरी मेमोरी की सबसे स्लो परफॉर्मेंस सेकेंडरी मेमोरी की देखो ये लो टू हाई चल रहा है फिर मेन मेमोरी की फिर कैशे की और रजिस्टर की सबसे फास्ट पर 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 बिट 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 तो बेटा पर बिट का मतलब है जैसे मान लीजिए आप बोलोगे सर मेरी चार जी बी की रैम इतने हजार रुपए की आई अब मैं बोलूंगा सर इतने में तो मेरी बाइट की हार्ड डिस्क आ गई पड़ोसी क्या बोलेगा आपका इतने में तो मेरे को वन टेरा या टू टेरा की हार्ड डिस्क भी आ गई है तो पर बिट का मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि भाई सेकेंडरी में पर बिट की कॉस्ट कम होती है मेन मेमोरी में थोड़ी सी ज्यादा कैश में उससे ज्यादा और रजिस्टर में उससे ज्यादा तो सर एक चीज ये बताइए कैश और मैन मेमोरी दोनों मैन मेमोरी तो बोलते थे आप तो बेटा एक तो कैश मेमोरी एक मैन मेमोरी सुनना बच्चों इसको आप एस रैम इम्प्लीमेंटेशन के जैसे पॉइंट ऑफ कर सकते हो इसको आप डी रैम जिसे बोलते हैं आप डी डी आर रैम सर ऐसा क्यों क्योंकि इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप होता है क्या होता है फ्लिप फ्लॉप और इधर होता है कैपेसिटर अब कैपेसिटर होगा तो वो चार्ज डिस्चार्ज सब होगा तो इधर अपन को रिफ्रेशिंग की जरूरत है इधर अपन को रिफ्रेशिंग सर्किट की जरूरत है और फ्लिप फ्लॉप है इसमें इतना डिस्चार्ज विस्चार्ज का नाटक नहीं है तो ये मेरा एस रैम और डी रैम की बात है एस रैम को अपन क्या कैश इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं डी रैम अपना मेन मेमोरी जो आप रैम बोलते हो ये चीज है इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं सीखना है इस पर से थ्योरेटिकल ऐसी चीजें नहीं आती है तो अब अपन सीखना स्टार्ट करते हैं अपना पूरा मेमोरी का हैरान की तो, टोटल मैंने आपको बता दिया चार में अब सुनिए सबसे पहली बात कि सर हमें मेमोरी में आज तक डाउट है हमें प्लीज़ पेन कॉपी रख दीजिएगा और बातें मत करिएगा प्लीज़ सुनिएगा सब हमें मेमोरी में आज तक डाउट है सर आपने पढ़ा रहे हो मेमोरी है ना हमारे रेस्पेक्टेड द लीजेंड है ना खलील सर ने मेमोरी पढ़ाई हमें समझ में नहीं आ रहा हमारी मेमोरी खत्म हो गई कौन सी मेमोरी पढ़े और कौन सी मेमोरी कहाँ है हमारे साथ वो हालत हो रखी है हम किस गली जा रहे हैं हमें खुद को नहीं पता सर कौन सी मेमोरी पढ़ रहे हैं और कौन सी मेमोरी कहां यूज आती है कौन सी मेमोरी का क्या सिग्निफिशेंस है क्या काम होता है कैसे होता है हमें नहीं पता सर हम क्या बताएं आपको तो पेन कॉपी रख दीजिएगा एक एक चीज बेसिक से सिखाऊंगा ध्यान से सुनिए पेन कॉपी रख दीजिए बात करना बंद कर दीजिए सब बच्चे तो सुनो मेरे छोटे भाई और बहनों सुनिएगा सबसे पहले अपने पास क्या होती है कैश मेमोरी होती है क्या होती है बेटा कैश मेमोरी या इससे भी पहले अपने पास क्या होता है सीपीयू होता है भैया क्या होता है CPU. हर बच्चा सुनना और सीपीयू के अंदर ही जो चिप्स होती है मदरबोर्ड होता है वहां पर रजिस्टर्स भी लगे हुए होते हैं तो सीपीयू जनरेटेड रिक्वेस्ट सबसे पहले कहा जाएगी रजिस्टर कहा जाएगी रजिस्टर रजिस्टर बिकॉज इंटरनल है इसलिए उसको अपन नहीं करते वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर वो वाली बात है कंसिडर नहीं करते तो सबसे पहले अपन कहा जाते हैं कैशे में कहा जाते हैं बेटा कैशे में तो सीपीयू जनरेटेड रिक्वेस्ट फर्स्ट रेफर टू द दैशे फर्स्ट रेफर प्लीज सुनिएगा सब बच्चा फर्स्ट रेफर टू द कैशे इफ द रेफरेंस रेफरेंस का मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इफ द रेफरेंस फाउंड इन द कैशे दैट इज नोन एज कैशे हिट दैट इज नोन एज कैशे हिट देखो इसको कैशे बोल दो कैश बोल दो आप अंग्रेज इंग्लैंड प्रोनाशिएशन यूज कर लो अमेरिकन यूज कर लो मैं कई बार कैश बोलता हूँ कई बार कैशे बोलता हूँ मत उड़ाना बेला उड़ाओगे तो मेरे को तो दिखेगा भी नहीं वर्चुअल है अपन है अगर डेटा कैश में मिल जाता है देन इट इज नॉन एज कैश हिट ओके okay. अगर डेटा कैश में नहीं मिलता है तो कहां जाएंगे तो हम जाएंगे सर मैन मेमोरी में तो हम जाएंगे सर विजय सर मैन मेमोरी में कहां जाएंगे मैन मेमोरी कहा जाएंगे मैन मेमोरी में मैन मेमोरी दैट इज रैम वाली बात कर रहे हैं अगर मेरे को डेटा मैन मेमोरी में मिल जाता है दैट इज नोन एज मैन मेमोरी हिट दैट इज नोन एज मैन मेमोरी हिट सर मैन मेमोरी हिट और अगर डेटा मैन मेमोरी में नहीं मिलता है देखो ये तो कैश मिस हुआ ना ये तो कैश मिस हुआ अगर मेरे को डेटा मैन मेमोरी में नहीं मिलता है अगर मेरे को डेटा मैन मेमोरी में नहीं मिलता है तो मैं जाऊँगा सेकेंडरी मेमोरी में तो मैं जाऊँगा सेकेंडरी मेमोरी में, में कब अगर मेरे को डेटा मैन मेमोरी में नहीं मिलता है जिसको मैं क्या बोल दूंगा मैन मेमोरी मिस अरे हिट और मिस का मतलब क्या है वीरेंद्र सेवा क्रिकेट खेल रहा है This is called hit. Uh, अगर आपको रेफरेंस जिस भी रेस्पेक्टिव मेमरी की बात कर रहा हूं मैन मेमरी में नहीं मिला, मिला सहमत बोल देना सर क्रैश कोर्स में क्रिकेट खेल रहा हूं अगर मैन मेमरी में नहीं मिला अगर मैन मेमरी में नहीं मिला दैट इज नॉन एज मैन मेमरी मिस देखो बच्चा मेरे को भी क्रिकेट का शौक है कभी कभी जाता है मेरा भी बचपन मैन मेमोरी मिस जिसको अपन क्या बोलते हैं पेज फॉल्ट टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं पेज फॉल्ट और अगर मैन मेमोरी में hit, मिल जाता है दैट इज कॉल्ड मैन मेमोरी हिट या पेज हिट बोलते हैं समझ में आ रही है बच्चों यहाँ तक समझ में आ रही है यहाँ तक समझ में आ रही है यस रोहित यहाँ तक समझ में, में, में आ रही है फिर क्या करते हैं हम फिर वो डेटा मैन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से मैन मेमोरी में लाते हैं मैन मेमोरी से कैश में लाएंगे कैश से सी में लाएंगे ये मेरा पूरा प्रोसेस चलता है ये पूरा मेरा प्रोसेस चलता है यानी सर आप हमें यह सिखाना चाहते हो आप हमें यह सिखाना चाहते हो कि अपने पास सबसे पहले कैश होगी कैश में रजिस्टर्स भी होते हैं बिकॉज वो इंटरनल होते हैं तो अपन इनको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं है ना ये सिखाना चाहते हो उसके बाद आपने बोला इधर जाएंगे अपन मैन मेमरी में प्लीज़ पेन कॉपी रख दीजिएगा मैन मेमरी में जाएंगे उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी रही होगी तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी कहाँ जाएगी सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी कैश में जाएगी मानता हूं कि यहाँ नहीं मिला तो फिर मैन मेमोरी में जाएगी और अगर मैन मेमोरी में भी नहीं मिला तो मेरी सेकेंडरी मेमोरी में जाएगी और सेकेंडरी मेमोरी मेरी क्या होती है लास्ट लेवल होती है उसके बाद तो टर्सरी आती है जो अपन अलग से यूज करते हैं लेकिन सेकेंडरी तक अपना काम हो जाएगा समझ में आया बात अब सुने अब <coughs> सुने सेकेंडरी लेवल मेमोरी लास्ट लेवल मेमोरी है जिसमें हिट रेशो हमेशा वन होगा हिट रेशो का मतलब मिलेगा ही मिलेगा है ना तो फिर अपन सेकेंडरी मेमोरी से कहा आ जाएंगे मैन मेमोरी में मैन में मेमोरी से कैश में और कैश से सीपीयू में कि अपन कहा से लेंगे सीपीयू को अब सुनो यहां जो प्लीज 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 यस 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 तपन यस यस अब देखे अरे माय मिस्टेक मैं भी भावनाओं में बैठ जाता हूँ सीपीयू भावना को समझो बोल सही रहा हूँ कल भी मैंने यही किया था बोल सही रहा था वो आपका एक क्वेश्चन था मैं चैट पढ़ता पढ़ता बोल सही रहा था उसको सुनिएगा वीडियो को क्वेश्चन नंबर थर्ड था, था ना वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वो सिंबल वाला बोला सही ऑप्शन बी लगा दिया सी की जगह बोला एकदम सही है मैंने उसमें और वो वो, वो भी इसलिए लगा दिया क्योंकि कई बच्चों ने ए बी सी को नहीं देखा मैचिंग ए बी सी से हो रही थी और मैं पहले सही करके आया था बच्चे कन्फ्यूज हो गया मैं भी बच्चों के साथ बोलता हुआ बी लगा गया कई बार बेटा देखो ये हमें याद तोते के जैसे थोड़ा स्क्रिप्टेड होता है यानी अगर अपन कोई एक्टर थोड़ी है अपन तो इधर पढ़ते पढ़ते कई बार सीरी मिस्टेक आपसे भी होती होगी वही चीज है इसलिए तो कई बार बातों बातों में पीछे वाले में तो कैसे लिखा था उधर और इधर सी लिखा था अब इधर देखो अगर मेरे को डेटा मैन मेमोरी यहाँ अपना जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो किस फॉर्म में होता है वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ होता है मेरा ब्लॉक्स की फॉर्म में किस फॉर्म में ब्लॉक्स की फॉर्म में और यहाँ जो होता है मेरा पेज की फॉर्म में होता है किस फॉर्म में पेजेस की फॉर्म में होता है किस फॉर्म में बेटा फिजिकल की फॉर्म में होता है तो मेरे छोटे भाई और बहनों आपने ये जो पढ़ा है आपने ये जो पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ा था वो आपने ये वाला पोर्शन पढ़ा था वो आपने ये वाला पोर्शन पढ़ा था क्या करते थे लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी में लॉजिकल मेमोरी को कल मेरे को लगा भी था वो क्वेश्चन के लिए मैं यार ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं फिर मैं देखा एबीसी की सीक्वेंसिंग बच्चों ने सही पकड़ी होगी और तुमने गलत पकड़ी थी और मेरे को भी गलत लिखवा दिया उसमें सीखी जगह बी करवा दिया बाद में फिर कोई बात नहीं माफ किया इधर देखो ये जो अपन सीखे हैं ये जो अपन सीखे हैं मेरे छोटे भाई और बहनों ये जो मैं आपको बताया हूँ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा कि सर हम कौन सी गली में जा रहे हैं क्या कर रहे हैं ये आपका कहाँ होता है ये आपका कहाँ होता है बेटा ये अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ के आए थे ये अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ के आए थे देखो फील करो पूरा टॉपिक को फील करो आपको पूरा समझ में आएगा ये अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ के आए थे कि सेकेंडरी मेमोरी को मैन मेमोरी में, में, में यानी लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी में मैप कराना डेट इज कॉल्ड मैपिंग क्लियर है क्लियर है? है समझ में आ गया क्लियर है बात है सही बोला आपने, है ना क्या लॉजिकल मेमोरी को यानी वर्चुअल एड्रेस को अपन फिजिकल एड्रेस में मैपिंग कराते मेरा मैन मेमोरी से ये अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में सीख के आ चुके अपन मैन मेमोरी से कैसे में लाएंगे दैट इज मैनेज बाई सी ओ ए कैसे सीपी में जाएगा दैट इज मैनेज बाई हार्डवेयर ऑल्सो तो अपन ये अपन ओ में खत्म करके आ चुके हैं अब मेरा काम है आपको डेटा मैन में मेमरी से कैसे कैसे से सी में ले जाके दिमाग की बत्ती जला देना ये मेरा काम है बाकी हमारे जो रेस्पेक्टेड सर दिलीजेंट अलील सर ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है आगे पहुँचाने का काम मेरा है ठीक है बात समझ में आ रही है एकदम फील आ रहा है कि सर हमार को कभी भी कंप्यूटर कम, में डाउट ही था सर कभी वर्ड बोलता था कभी कोई बाइट बोलता कभी कोई ब्लॉक बोल देता था हम तो कंफ्यूज ही रहते थे सर पेजिंग अलग मैपिंग अलग पता नहीं क्या क्या, क्या नाटक है तो देखो बेटा ये अपना कॉन्सेप्ट था जो पेजिंग का था ये जो आपका कॉन्सेप्ट था बेटा क्रिस्टल क्लियर है एक चीज अगर है तो लिख दीजिए और कल वाले का भी सही कर लेना श्वेता आप सही कह रहे हो कल वाले का भी आंसर सही कर लेना हालांकि जो वीडियो मेरा सुनेगा वो मैंने वीडियो में एकदम बोला सही है ऑप्शन पे उस पर आप सी लिखा था उसके बाद बी वाले को चेक करके उसको सी कर दीजिएगा आप है ना बोला हुआ एकदम सही है और आप लोगों को वो सिक्वेंसिंग ए बी सी का थोड़ा गलत ले रहे थे तो देखिएगा बच्चों तो ये पार्ट अपन क्या पढ़ लेते थे ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ लेते थे यहां तक दैट इज कॉल्ड पेजिंग दैट इज कॉल्ड पेजिंग माइ डियर पेजिंग पेजिंग और यहां अपन ये पढ़ते हैं सीओ ए में दैट इज कॉल्ड मैपिंग क्या होती है बाद में बताऊंगा टेंशन ही मत लेना बिल्कुल टेंशन मत लेना ये होती है मैपिंग और फिर यहाँ से अपन ले जाएंगे सीपीयू में यहां तक फील आया? अरे फील फील आया 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 सभी बच्चों को फील आया? क्या कहना चाहता है कवि कवि आपका कवि बहुत स्मार्ट आदमी है कवि क्या कहना चाहता है मैं नहीं हूँ वो कवि कोई दूसरा ही है क्या कवि यह कहना चाहता है कवि है रेफरेंस बुक है कवि आपको ये कहना चाहता है सीपी यू जनरेटेड रिक्वेस्ट सबसे पहले कैसे में जाएगी अगर डेटा कैसे में मिला अगर डेटा कैसे में मिला तो वो कैसे से ही डेटा सीपीयू को दे दिया जाएगा और वो चीज़ क्या कहलाएगी कैश हिट अगर डेटा कैसे में नहीं मिला दैट इज नॉन एज कैसे मिस देन वी गो फॉर मैन मेमोरी अगर मैन मेमोरी में मिला तो मैन मेमोरी हिट देन मैन मेमोरी से सीपीयू में इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और कैसे से सीपीयू में मैन मेमोरी से कैसे में मैन मेमोरी सॉरी मैन मेमोरी से कैसे में इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स कैसे से सीपीयू में इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स माय डियर और अगर मेरे को डेटा मैन मेमोरी में भी नहीं मिला दैट इज नोन एज पेज फॉल्ट देन वी गो टू द सेकेंडरी मेमोरी एंड अगर सेकेंड second, और सेकेंडरी मेमोरी में तो मिलेगा ही मिलेगा जहां मेरा हिट रेशो क्या है ऑलवेज वन अरे हिट रेशो क्या होता है अभी बताता हूँ बेटा तो फिर मैं सेकेंडरी मेमोरी से मैन मेमोरी में इन दी फॉर्म ऑफ पेजेस सेकेंडरी मेमोरी को अपन कई बार लॉजिकल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी भी बोल देते हैं

बात समझ में आई सभी को यस या नो यस या नो टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट कि सीपीयू देखो बच्चों डायग्राम से देखो थ्योरी नहीं लिखा रहा आप ये डायग्राम को फील करें आपको पूरा समझ में आ जाएगा अब सुने लास्ट लेवल में हिट रेशो वन क्यों होता है क्योंकि वहां नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा यार लास्ट लेवल ही तो यही है ठीक है सर एक चीज़ और बता दो हिट रेशो क्या होता है हिट रेशो क्या होता है हिट रेशो क्या होता है सर पहली बात तो हिट बता दो क्या है हिट क्या होता है सर वही हिट जो अपन क्रिकेट में खेलते हैं कि अगर मेरा बॉल बल्ले पे लग गया बैट पे लग गया दैट इज हिट अब आउट होगा क्या होगा बात की बात है लेकिन अगर मेरा रेफरेंस मिल जाता है फाउंड इन रेस्पेक्टिव मेमोरी रेफरेंस रेफरेंस का मतलब जो भी आप एड्रेस पास कर रहे हो उसको मैं अभी ब्रॉडली रेफरेंस बोल रहा हूं फाउंड इन Respective memory. Respective का मतलब अगर मैं कैसे कर रहा हूं, तो कैसे हिट अगर मैं memory use कर रहा हूं, तो हिट अगर मैं कर 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 रहा 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 तो 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 है ना? और अगर नहीं मिलता then? और hit ratio का मतलब क्या होता है सत्तर परसेंट या एटी परसेंट कितना सर एटी परसेंट इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि आपके आपके टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस में से आपको 80 बार उस रेस्पेक्टिव मेमोरी में मिला है यानी एटी हंड बाई हंड्रेड यानी हिट रेशो हो गया 0.8, पॉइंट एट यानी 80 टाइम्स आउट ऑफ हंड्रेड यू फाइंड डेट रेफरेंस इन दैट रेस्पेक्टिव मेमोरी, दैट इज द मीनिंग ऑफ हिट रेशो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है एस्टक्सो थैंक यू श्वेता गॉड ब्लेस यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है देखो ये चीज़ बहुत इजी वे में समझ में आनी चाहिए मैं आपको बताऊँ मैं कहाँ पढ़ा रहा था आई एम नॉट रिमेम्बर द नेम बट आउट ऑफ राजस्थान ही था है ना शायद उड़ीसा था या आसाम था गुवाहाटी है ना क्योंकि भाई मैं खुद चलता फिरता इतना भाग चुका हूँ चलता फिरता जी पी मुझे अपना स्टेट बोले मैं आपको बताऊँगा उसके लोकेशन है ना अभी मत बोले अभी पढ़ेंगे लेकिन अपन है ना तो काफी मेजर सिटीज ऑफ द इंडिया हैव टेकन क्लासेस तो इसलिए याद है कोई भी बोलता मैं यहाँ से बोला अच्छा यहाँ गए थे तो सुनिएगा वहाँ बच्चा बोलता सर सी ओ पढ़ लिया ओ एस पढ़ लिया पर मुझे ये नहीं पता रहता कि सी ओ का काम कहाँ से स्टार्ट होता है और ओ एस का काम कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या चीज पेजिंग है क्या मैपिंग है वहाँ भी एक लाइन यूज पढ़ते हैं अपन कि द मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस और एक में भी पढ़ा देते हो आप मैपिंग टेक्निक और तो फिर पे, पेजिंग क्या है फिर मैपिंग टेक्निक क्या है सर तो बच्चों ये कंसेप्ट में क्रिस्टल क्लियरिटी रहना जरूरी है पता रहना चाहिए हम किस गली जा रहे हैं समझ रहे हो मेरी बात तो सीखिए सबसे पहली चीज सेकेंडरी मेमोरी या लॉजिकल मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी या लॉजिकल मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी या लॉजिकल मेमोरी से आपके पेजेस को लाना आपके पेजेस को लाना दैट इज कॉल्ड पेजिंग दैट इज कॉल्ड पेजिंग बेटा बिहार में तो मोतिहारी दरभंगा छपरा अच्छा कई जगह अभी समय नहीं है बेटा अभी मेरे पास भी है ना आपके टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत काम है ना अभी समय नहीं है मिलेंगे जरूर रैंक लाइए फिर पक्का मिलेंगे है ना आई विल गिव द पार्टी डोंट वरी ओके यस पटना में भी लिए कंकड़बाग डोंट वरी अब इधर देखें सेकेंडरी मेमोरी या लॉजिकल मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी से अपन पेजेज में लाना ये अपन पढ़ते हैं पेजिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं अपना सीओ का काम है यहां तक अपन लेके आ चुके थे जिसके लिए अपन ने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यस यस गोमती नगर लखनऊ अब पढ़ लीजिए बेटा अभी अपन लखनऊ कानपुर टेकन ठीक है अभी पढ़ते हैं अपन अब सुनिएगा मैन मेमरी से मैन मेमरी से <coughs> और सुने मैं रेली लेने नहीं गया था कोलकाता गोरेहाट सोल्ट लेक है ना ढाकुरिया ब्रिज ना मैं रैली करने नहीं गया था भाई मैं पढ़ाने गया था तो आसपास घूमने नहीं गया था जो सारे याद भी रहेंगे अच्छी बात है सत्यम वेरी गुड अब देखिए बच्चों गॉड ब्लेस सुनिएगा मेमोरी से मेमोरी से में लाने का काम क्या कहलाता है मैपिंग तीन टाइप की होती है वो मैं नाम ही नहीं ले रहा अभी फिर कैसे से सीपी में वर्ड्स की फॉर्म में आएगा इन चीजों में क्रिस्टल क्लैरिटी है या नहीं है जल्दी बताइए इन चीजों में क्रिस्टल क्लैरिटी आज के बाद तो कभी कंफ्यूज नहीं हो कि हम किस गली जा रहे हैं समझ में आ रहा है बच्चों टेल मी प्लीज टेल मी प्लीज ईच एंड एवरी वन me, tell me, tell me. यहाँ तक क्रिस्टल क्लैरिटी है एक बार लिख दीजिए बॉक्स में एक बार लिख दीजिए बच्चों की डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो देखो मैंने लास्ट लेवल तक लेके गया मानता हूँ कि इधर नहीं है माना इधर नहीं है माना इधर नहीं है तो लाया मैं भैया लाया यहाँ तक क्लैरिटी है अगला देखे अब मैं बात करता हूँ मेमरी एक्सिस की क्या मेमरी को आप एक्सिस कैसे कर सकते अब मेमरी आपको बता दिया मैंने क्या होती है टी से फिर कैसे में गए कैसे से मैन मेमरी मैन मेमरी से सेकेंडरी मेमरी और मैन मेम कैसे में भी लेवल होते हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री जनरली टू और थ्री लेवल्स की यूज करते हैं जनरली टू और थ्री लेवल्स की अपन मेमोरी यस पुतिन है ना जनरली टू या थ्री लेवल्स की अपन मेमोरी कैसे यूज़ करते हैं लेकिन अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सैमटेनियस एक्सेस और हेरारिकल एक्सेस यदि कोई सी भी मेमोरी हो चाहे मैन मेमोरी हो प्राइमरी मेमोरी हो यानी आपकी कैश हो मैन मेमोरी हो एलवन मेमोरी हो एल टू लेवल टू हो लेवल थ्री हो लेवल फोर हो अरे लेवल एन हो लेवल एन मेमोरी हो आप उसको किस तरीके से एक्सेस तो बेटा आप उसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो एक तो साइमल्टेनियस दूसरा हेरिकल

ये मेरी लेवल वन मेमोरी है ये मेरी लेवल टू मेमोरी है ये मेरी लेवल थ्री है और बला 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 मेरी N है, थीक है? थीक ये मेरी लेवल एन मेमोरी है ठीक है सीख ना बच्चों मेरा सीपीयू है ये मेरी लेवल वन ये मेरी लेवल टू ये मेरी लेवल लेवल एन अब ये चाहे एक लेवल हो चाहे दो लेवल हो चाहे एन लेवल, लेवल हो वहां तक अपन सीखते हैं एक्सेस में क्या होता है सीपीयू इज कम्युनिकेटिंग ऑल लेवल ऑफ मेमरीज डायरेक्टली बट 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 एक्सिस इन सीक्वेंस देखो इसका हिट टाइम है टी वन इसका टाइम है टी टू इसका हिट है छोटे भाई और बहनों मैं आपको पहले बता चुका हूँ एच एन क्या होता है लास्ट लेवल में लास्ट लेवल में लास्ट लेवल में लास्ट लेवल में हिट रेशो वन होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो देखो सुनिएगा पहला सैमेंटेनियस एक्सिस हर बच्चा बात सुनिएगा प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से <coughs> रोहित सुनिएगा दो टाइप के एक्सिस बताए मैंने सर कोई सी भी मेमोरी हो कोई सी भी हो लेवल वन हो कैश हो मेन मेमोरी हो क्या हो ब्ला ब्ला इसमें भी लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री कोई सी भी हो कितने टाइप के एक्सिस होते हैं सर टोटल दो टाइप के होते हैं एक तो आपका सैमेंटेनियस एक्सिस दूसरा हेरिकल से नाम से पता पड़ रहा पैरेलल सर्च करेंगे

आप वो लेवल जितने देता है लेवल वन देता है टू देता है थ्री देता है वहां तक अपन स्टॉप कर देंगे लेकिन अपन एन लेवल के लिए निकाल रहे हैं तो इधर टी एवरेज कितना हो जाएगा लेवल वन में मिलने का समय अगर लेवल वन में नहीं मिला लेवल टू में मिलने का समय अगर लेवल वन में भी नहीं मिला लेवल टू में भी नहीं मिला लेवल थ्री में मिलने का समय प्लस ब्ला 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 ना तो लेवल वन ना लेवल टू अरे सर क्या बात करते हो लेवल एन तक भी नहीं मिला एन माइनस वन तक एच तो एन टी एन टी एवरेज क्या होता सर एवरेज मेमोरी एक्सिस टाइम या वन वर्ड को फैच करने रीड या राइट के लिए वो टाइम कितना लगेगा अपना इसमें में, में माय डियर वो आपका ये टी एवरेज इतना लगेगा में अब आपको जितने लेवल दे देगा दे आपको जितने लेवल दे देगा दे आपको जितने लेवल दे देगा वो अपन आगे बढ़ाते जाएंगे पहले दूसरा हेरारिकल भी सीखना साथ साथ सीखेंगे हेरारिकल भी सीखना हेरारिकल में क्या होता है ध्यान से देखिए मेरे छोटे भाई और बहनों ये मेरा सीपीयू है देखो मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलूंगा सीखते रहना आप चैट बॉक्स चाली रखो अगर समझ में आ जाए तो क्रिस्टल क्लियर लगाते करो यार। ये L2 है, ये है, बला लेवल एन ठीक है इसका हिटरेसो एच वन टाइम टी वन इसका हिटरेसो एस टू टाइम टी टू इसका हिटरेसो एस थ्री हिटरेसो का मतलब इसमें डेटा मिलने का जो है रेफरेंस बता रहा हूँ बेटा बता रहा हूँ सब तक बताऊँ अभी रुक जा पिक्चर बाकी मेरे दोस्त हिटरेसो एच एन टाइम टी एन और एच एन मेरा हमेशा क्या रहेगा लास्ट लेवल में वन रहेगा तो इसमें टी एवरेज कितना आ जाएगा मेरे छोटे भाई और बहनों देखो या तो लेवल वन में मिला अच्छी बात है लेवल वन में नहीं मिला तो लेवल टू में तो फिर अपन क्या करेंगे, करेंगे जैसे आपके कॉलेज में पहले डायरेक्टर सर, सर है फिर अकेडमिक है, फिर है, फिर फैकल्टी मेंबर। वो सारे भी रेस्पेक्टेड ही ऊपर वाले भी ध्यान रखना है ना, ना? हाँ नहीं नहीं, नहीं 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 अभी रुक जा बेटा रुक जा रवि जस्ट वेट जस्ट वेट 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 आई एम टेलिंग डोंट वरी रखो आपके बे� सारे डाउट बिना पूछे मिल जाएंगे आपको

फिर T2 से T1 में लाएंगे और CPU को अरे सर अगर N लेवल तक नहीं मिलता तो क्या करेंगे n माइनस वन तक n माइनस वन तक नहीं मिलता तो क्या करेंगे सर? तो अपन लेवल N से पहले लेवल N से n माइनस वन में लाएंगे इसी प्रकार T3, T2, T1 से लाएंगे सुनते रहना मेरी शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये इसका हो गया आपका किसका हैरारी एक्सिस का हेरारिकल एक्सिस का अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है वो भी सोल्व करेंगे पहली चीज ध्यान रखना हेरारिकल एक्सिस में हरारिकल एक्सिस में अपन क्या यूज़ करते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस सर ये क्या होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एल ओ आर सर ये क्या होता है सर ये बड़ा कन्फ्यूज करता है हमें वो सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा मैं कि आपका डेटा सुनिएगा बच्चों आपका डेटा अभी नॉन टेक्निकल में सिखाते हो फनी लैंग्वेज में आपका डेटा दुबई क्यों ना हो दुबई सिंगापुर मलेशिया हांगकॉन्ग मैं कहाँ से लूँगा कैसे से कैश वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ लोकलिटी ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है भी समझाऊंगा प्रैक्टिकली घबराओ मत लेकिन पहले एक बच्चे का क्वेश्चन है सर प्रैक्टिकल फील्ड में कौन सी यूज करें हेरारिकल या सैमेंटेसली तो देखो पहले एक और बार समझते हैं सैमेंटेनियस में क्या होता है सबसे पहले अपन ऑल लेवल ऑफ मेमरीज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीपीयू तो अगर यहां से मिल गया तो यहीं से दे दिया गया अगर यहां नहीं मिला रवि यहां नहीं मिला तो इसका मिस रेशो देख लिया अपन ने कितनी बार नहीं मिला उतनी बार फिर एस टू टी टू लिया अगर इसमें भी नहीं मिला इसमें भी नहीं मिला देन इसका देखिए अपन ने इस तरीके से अपन जाते हैं लेकिन इसमें नहीं इसमें डायरेक्टली अगर यहां नहीं मिला अगर यहां नहीं मिला देखो इसमें टी टू प्लस ट्रीवन क्यों नहीं किया सर वाई यू आर नॉट एडिंग टी टू प्लस ट्रीवन हियर एंड इन हेरिकल यू आर एडिंग सर वाई यू आर नॉट एडिंग हियर बिकॉज इफ द रेफरेंस इफ द रिक्वेस्ट फाउंड इन लेवल टू देन वॉट हैपन लेवल वन में नहीं मिली लेवल टू में मिली देन वॉट वी डू डायरेक्टली विल सेंड दी डेटा फ्रॉम लेवल टू टू दैट्स वाई वी आर टेकिंग ओनली टी टू का एक्सेस टाइम क्लियर पहली चीज दूसरा पॉइंट अगर यहाँ नहीं मिली लेवल वन में भी नहीं मिली लेवल वन में भी नहीं मिली लेवल टू में भी नहीं मिली तो लेवल थ्री से डायरेक्टली डेटा कॉपी टू सीपीयू लेकिन रखना है, दीन, दीन, जर, देन में, है ना? तो अगर लेवल वन में नहीं मिला तो पहले लेवल टू से लेवल वन देन सीपी टू प्लस अब सर क्वेश्चन ये आता है क्वेश्चन ये आता है क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ये बताओ कि हमें हेरारिकल यूज करना है ये तो हो गई ज्ञान की बात हमें हेरारिकल यूज करना है या सैमेंटेनियस यूज करना है पहली बात तो देख लेना बच्चों में कई बार हो जाता है हेरिकल यूज करना है एक बच्चे ने पूछा सर हमें हेरिकल यूज करना है या सैमेंटेनियस यूज करना है अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है कैसे बोल देता है अच्छा प्रैक्टिकली कौन सी यूज करते हैं अपन हैरारिकल प्रैक्टिकली कौन सी यूज करते हैं हेरारिकल की डेटा चाहे दुबई हो अपन कैसे लेंगे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करते हैं प्रैक्टिकली लेकिन इतना अपन को इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाना है हमें तो सर क्वेश्चन में बताओ कैसे यूज करना है अगर क्वेश्चन में देखो तीन बातें होती है ये तीन बातें होती है अगर क्वेश्चन में आपको अगर क्वेश्चन में आपको या तो लेवल्स दे रखे हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री ऐसे लेवल्स की फॉर्म में दे रखें या फिर आपको हेरारिकल की वर्ड यूज कर रखा है hierarchical keyword use कर रखा है 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 ये वो के लिए इन कई बार ऐसे बोल देता है कई बार ऐसे बोल देता है ना तो ले कैसे बोलता है ना और कुछ बोलता है गेट वाला बड़ा बदतमीजी कर लेता है कई बार बदतमीजी नहीं करता हम बदतमीजी समझते कई बार ऐसे बोल जाता है कि इसमें मिलने का समय प्लस इसमें नहीं मिलने का समय कई बार ऐसे भी मिलता है सर तो टी एवरेज कैसे निकालेंगे मान लीजिए मेरे पास एक मेमोरी है कोई भी एक मेमोरी तो पहली बात एच उसमें मिलने का समय है ना हिट टाइम या मिलने का समय फाउंड इन डेट मेमोरी और अगर नहीं मिला दैट इज मिस रेशो और नहीं मिलने का समय रिगार्डिंग पॉइंट नहीं मिलने का समय क्लियर है बच्चों तो ऐसे कभी कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे याद करना है या क्या करना है बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कंसेप्ट को सिंपल करके पड़े कॉम्प्लेक्स तो आयोटा होता है यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर एवरी वन लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चे और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए करो बेटा करो बहुत ही अच्छी बात जल्दी कीजिए क्वेश्चन जल्दी कीजिए फिर गेट के भी कराता हूँ जल्दी कीजिए और अभी अपन बहुत चीज़ें सीखेंगे इसमें बहुत प्यारी प्यारी जल्दी पढ़े और जल्दी आंसर दे बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा मज़ा आ रहा बेटा कैसे मैम रवि ऑल क्लियर सर थैंक यू सर थैंक यू बेटा गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस एंड एक और बच्चे ने पूछा था किसने चैट बॉक्स अब तक क्लियर है दस अब तक मैंने रिप्लाई भी कर दिया वेरी गुड आंसर दीजिए बेटा क्या आएगा देखो क्या बोल रहा है एवरेज एक्सेस टाइम निकालो कैसे का एक्सेस टाइम कितना है टीसी दे रखा है आपको कैश एक्सेस टाइम को मैं टीसी बोलता हूँ है ना अच्छा एक चीज़ और सुने एक चीज़ और सुने मान लीजिए अपने पास ऐसा ही खेला है बस सीपीयू है कैश है और मैन मेमोरी है ठीक है और इसका टाइम बोल रहा हूं टीसी इसका टाइम बोल रहा हूं टीएम टाइम इन मैन मेमोरी, टाइम इन कैश है और हिट रेस एच हिट रेस एच तो टी एवरेज कितना हो जाएगा बेटा एच इन टू टी सी एच मैन मेमोरी से कैसे, कैसे से CPU में लाया कैसे सीपीयू में यूज कर रहा हूं समझ में आ गया बच्चों इसको कई बार अपन ई एम ए टी भी बोलते हैं इफेक्टिव पढ़ा होगा, ठीक है अब आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए इसको जल्दी बताइए आंसर क्या है ईच एंड एवरी वन मी फास्ट 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 आ रहा सभी बच्चों का अरे टी एवरेज कैलकुलेट करना है हरारी का लोड दे रखा है तो हिट रेशो कैसे में मिलने का समय कैसे में नहीं मिलने का समय यहाँ तक बात समझ में आ गई यहाँ तक बात समझ में आ गई अरे हाँ तो बोल दो या नो, तो देखो एच कितना है जीरो पॉइंट नाइन कैसे कितना है बेटा कैसे एक्सिस टाइम वन नैनो सेकेंड वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन डेट इज द मिस रेट हंड्रेड प्लस वन तो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन प्लस जीरो पॉइंट वन इंटू वन हंड्रेड वन आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन प्लस टेन पॉइंट वन इलेवन नैनो सेकेंड यहाँ तक बात समझ में आ गई है यहाँ तक बात समझ में आ गई है अब देखो कई बुक कुछ एक बुक में किसी कई बुकों में इस फॉर्मूले को भी तोड़ के दे रखा है इस फॉर्मूले को भी तोड़ के दे रखा है बच्चों इस फॉर्मूले को भी तोड़ के दे रखा है घबराने की जरूरत नहीं है क्या एच इन टू टी सी वन माइनस एच इंटू टी एम प्लस टी सी ठीक है इसको आप लिखो एच टी सी वन माइनस एच तो इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको वन माइनस एच को कर दीजिए टी एम टी एम एच माइनस एच टी सी और प्लस वन माइनस एच इसको ले लीजिए अब आप, आप टीएम को इस तरीके से भी आप कर सकते हो लेकिन आपको इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है आपको सिंपल सा तरीका पता है मैं फिर कहता हूं आपको सिंपल सा तरीका पता है कि भाई इसमें मिलने का समय कई जगह ऐसे भी लिखा होगा कैसे प्लस वन माइनस है सीधे टी एम है ना कुछ ही नहीं है मैथमेटिकली इसको तोड़ लो एच टी सी ये हो गया वन टी सी आ जाएगा एच टी सी आ जाएगा समझ में आ रही है बात मैं फिर कर देता हूँ काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मेरे को कई बच्चों ने रिप्लाई भी किया था सर कई जगह हमने बुक में ये फॉर्मूला पढ़ा अरे कौन सा फॉर्मूला कहा है फॉर्मूला एच प्लस इस वन से सबको मल्टीप्लाई कर दो क्या टी समझ में आ रहा है बच्चों टी सी इससे एस से भी कर दो एच टी इधर देखो बच्चों एच टी हो गया माइनस एस से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस एस से किसको इससे टी से टी एम एच माइनस एच टी सी प्लस इससे कर चुके अब इससे कर दो टी एम प्लस टी सी तो देखो बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा समझ तो में आ गई बच्चा तो इस तरीके से आपको याद नहीं करना है फिर मैं कह रहा हूँ कई जगह आपको इस तरीके से भी देगा आप सिम्प्लेक्स करके पढ़ो ज़्यादा फॉर्मूले की बेसिस पे मत जाइएगा कई बार वैसे भी होता है कुछ ही नहीं है इसका एक्सपेंशन ही है कि इस माइनस एच को मल्टीप्लाई करोगे एस टी सी से तो एस टी एम एस टी सी एस टी सी से एस टी सी कैंसिल हो जाएंगे तो टी एम प्लस इस तरीके से आप कर सकते क्लियर है।, है लेकिन ऐसे मत जाना आप सिंपल करो है में भी नहीं है तो बेटा वही आएगा ना वन माइनस एच क्या किया कुछ ही नहीं इससे तो कर लिया इसको तो छोड़ दो टीसी से कर दो ओनली टीसी से कर दो किससे कर दो वन माइनस एच को मल्टीप्लाई टीसी से कर दो एच टीसी इसको रहने दो वन माइनस एच टीएम रहने दो वन माइनस एच को टीसी से मल्टीप्लाई कर दो टीसी माइनस एच टी सी यह कैंसिल हो गया लो तो क्या आ जाएगा टीसी प्लस वन माइनस एच टीएम यानी कैश में मिलने का समय कैश में मिलने का समय प्लस कैश में नहीं मिला तो मेन मेमोरी में मिलने का समय इस तरीके से भी कर सकते और परसेंटेज ही तो हो रहा है यार ये देखो ना परसेंट टाइम वन लग रहा है बाकी टेन परसेंट टाइम वन भी लग रहा है और सो भी लग रहा है समझ में आ रही है बात यहां से भी तो सीख सकते हो अरे नाइनटी परसेंट टाइम वन लग रहा है बाकी वन परसेंट टाइम सो भी लग रहा है और वन भी लग रहा है तो इसको ऐसे बोल सकता हूं ना नाइनटी परसेंट टाइम वन लगा वन परसेंट टाइम वन लगा और वन परसेंट टाइम हंड्रेड लगा तो इसको मैं सीधे क्या बोल सकता हूँ टीसी बोल सकता हूं ना हंड्रेड टाइम तो टीसी बाकी कितनी बार वन माइनस एच टी एम ये लो ये लो इससे भी आ गया अरे इस न्यूमेरिकल से ही आ गया काहे लोड लेने का टेंशन नहीं लेने का क्रिस्टल क्लियर बच्चा ईच एंड एवरीवन क्रिस्टल क्लियर समझ में आया चमका तो बच्चों लगा दीजिए हैशटैग तो बच्चों इस चीज में आप कभी कंफ्यूज ना हो कि ये फॉर्मूला याद करें या ना करें आप नहीं करोगे तो ज्यादा बढ़िया है रीजन बताऊं अगर साइमेंटेनियस दे दिया तो फिर आप इसको रट के चले जाओगे तो आपको वह, वहां गलती हो जाएगी ये ओनली सर आपके लिए एटॉमिक बम <laughs> <भी> नहीं एटॉमिक थैंक यू थैंक यू बच्चों गॉड ब्लेस थैंक यू आप सुनिए यहां तक समझ में आ गया अगला कीजिए अगला कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों अच्छा एक और चीज बताइए एक चीज बताइए राम को एक काम करने में दस घंटे लगते हैं सुनिएगा एवरीवन चोल बेना दादा आज ये कीवर्ड यूज नहीं किया मैंने इतनी देर हर क्लास में होता अपना ये नहीं चलेगा सुनना थोड़ा दिमाग लगाना राम को एक काम करने में दस घंटे लगते हैं कितने लगते हैं टेन आवर्स शाम को एक काम करने में उसी काम करने में पाँच घंटे लगते हैं कितने फाइव आवर्स कितने फाइव आवर्स ठीक है समझना फाइव आवर्स नहीं बम से उड़ा नहीं रहा बम दे रहा है ठीक है तपन सुनिएगा राम को एक काम करने में टेन आवर्स लगते हैं शाम को उसी काम को करने में फ़ाइव आवर्स लगते हैं तो किसकी परफॉर्मेंस फास्ट है इसकी परफॉर्मेंस फास्ट है राम विल टेक एंड शाम विल टेक फाइव आवर्स देन किसकी परफॉर्मेंस फास्ट है इसकी परफॉर्मेंस फास्ट है बेटा अपन पढ़ाई करें शाम की परफॉर्मेंस फास्ट है शाम की परफॉर्मेंस फास्ट है अरे हाँ या ना म की परफॉर्मेंस बेस्ट है तो अपन एक चीज सीखे क्या सीखे कि जो परफॉर्मेंस है ना सर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एग्जीक्यूशन टाइम के अगर समय ज्यादा लगेगा परफॉर्मेंस कम समय कम परफॉर्मेंस ज्यादा यही चीज आपने यही चीज आपने उसमें भी पड़ी थी राउंड रोबिन में कि अगर 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 टाइम क्वांटम कम है तो कंटेक्ट स्विच ज्यादा होते थे लेकिन रेस्पॉन्स फास्ट मिलता समझ में आ गया बेटा अब आप इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से मेन्टेन एक्सेस से जल्दी बताइए बताइए बच्चों जल्दी कीजिए बच्चों मज़ा आ रहा है अभी रुको बहुत सारी चीज़ें बाकी है एक एक चीज़ सिखाऊंगा जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए बताइए प्लीज़ फास्ट एवरी फास्ट 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 डू इट फास्ट यस फुल मजा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों वेरी गुड टेल मी फास्ट 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 यस बच्चों बताइए मैं आई स्टार्ट ठीक बच्चों टू लेवल मेमोरी है अच्छी बात है लेवल वन मेमोरी इज फाइव टाइम फास्टर देन लेवल टू यानी परफॉर्मेंस जो है दैट इज स्पीड ऑफ फैक्टर परफॉर्मेंस ऑफ लेवल वन डिवाइडेड बाई लेवल टू दैट इज फाइव टाइम फास्टर और आपको ऑलरेडी आई टोल्ड जो परफॉर्मेंस है पी फॉर परफॉर्मेंस इज इनवर्सली टू द एग्जीक्यूशन टाइम ओके मान लीजिए लेवल वन का टाइम कितना है टी वन और लेवल टू का टाइम है टी टू क्लियर एवरीबडी तो सुनिएगा बच्चों तो आप यूं लिख सकते हो पांच इक्वल टू फाइव इक्वल टू वन अपॉन टी वन टी टू टी टू टी टू फाइव टी वन ये तो पहली इक्वेशन आ गई मेरी एंड इट्स एक्सिस टाइम लेवल वन का एक्सिस टाइम एवरेज से दस कम है लेवल वन का टाइम एवरेज से दस कम है सर यानी टी वन का टाइम है जो टी एवरेज से दस कम है सर तो यानी टी एवरेज कितना हो जाएगा सर टी एवरेज हो जाएगा टी वन में दस का एडिशन कर दो सर आप बात समझ में आ गई सर आपको अब आपको क्या दे रखा है वन दे रखा है लेवल वन का एक्सिस टाइम यानी आपको टी वन दे रखा है सर क्या दे रखा है टी वन टी वन कितना है बीस नैनो सेकेंड तो बच्चों टी टू आ जाएगा फाइव ऑफ टी वन फाइव ऑफ टी वन यानी 100 नैनो सेकंड टी आ गया और टी एवरेज आ जाएगा बेटा मेरा टी वन प्लस टेन यानी 20 प्लस दस टी एवरेज आ गया मेरा 30 नैनो सेकंड क्लियर तो व्हाट वी आस्किंग साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस बेटा तो टी एवरेज क्या हो जाएगा साइमल्टेनियस में एच इन टू टी वन वन माइनस एच टी टू क्लियर एवरी वन क्लियर तो ये कितना है थर्टी ये एच इंटू टी वन ट्वेंटी एच इंटू इन टी टू कितना हंड्रेड so कितना आ गया बीस एच प्लस हंड्रेड माइनस हंड्रेड एच इक्वल टू थर्टी तो कितना आ गया 70 इक्वल टू एटी एच एच इक्वल टू सेवनटी बाई एटी सेवन बाई एट कितना आ जाएगा ये जीरो पॉइंट एट उसके बाद कितना 0.8687 व्हाटएवर यहाँ तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को ईच एंड एवरीवन क्रिस्टल क्लियर टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट माय डियर क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चे लिख दीजिए चैट बॉक्स में प्लीज 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 यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर अब सुने नेक्स्ट क्या कह रहा है दो लेवल है लेवल 1 एंड लेवल 2 लेवल 1 का एक्सेस टाइम है 20 लेवल 2 का एक्सेस टाइम यानी टी1 कितना है आपका 20 नैनो सेकंड t2 आपका है 150 नैनो सेकंड और t एवरेज आपका है 30 नैनो सेकंड हाउ मेनी हाउ मच 30 नैनो सेकंड तो हिट रेशो बताओ पहला तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हिट रेशो बताओ और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं हिट रेशो को 100% कर देता हूं तो व्हाट इज द व्हाट इज द t एवरेज कैसे निकाला इसमें देखो बेटा t एवरेज मैंने कैसे निकाला आपको पता है साइमटेनियस है साइमटेनियस में मैंने आपको सिखाया था ना h1 t1 एच वन टी वन इधर देखो सर एच वन टी वन एच वन टी वन एच वन टी वन सर एच वन टी वन वन माइनस एच वन मैं समझ गया आप जो पूछना चाहते हो जाना पहुंचा रवि वहां पहुंचे कवि और जाना पहुंचा कवि वहां पहुंचे अनुभवी कि सर आपने टी एवरेज निकालने की हिम्मत कैसे कर दी आपने ये फॉर्मूला बताया था ना इधर तो एच टू था ना इधर तो एच टू था ना सर तो इधर एच टू कहाँ से लाओगे आप कहाँ से लाओगे सर बताइए ना आप इसमें एच टू कहाँ से लाओगे सर इधर एच टू कहाँ से लाओगे आप तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था एक और बात बोली थी सत्य हमारे समझना समझ गया आप ये क्यों पूछ रहे हो आपको एक और बात बोली थी लास्ट लेवल ऑफ मेमोरी में हिट रेशो हमेशा वन होता है लास्ट लेवल ऑफ मेमोरी में हिट रेशो हमेशा वन होता है इसलिए अपन जितने भी लेवल है वन दो लेवल है तीन लेवल है चार लेवल है उसमें लास्ट वाले में हिट रेशो वन होता है दूसरा पॉइंट टी एवरेज इसमें तीस कैसे आया क्वेश्चन पढ़ो कभी क्या कह रहा है लेवल वन पांच गुना फास्टर है लेवल टू से और इट्स इट्स बोले तो लेवल वन का एक्सिस टाइम दस नैनो सेकेंड कम है टी एवरेज से तो टी वन का एक्सिस टाइम एवरेज से दस कम है तो टी एवरेज कितना हो जाएगा टी वन प्लस टेन और टी वन आपको ट्वेंटी दे रखा है बेटा तो अपन ने टी टू निकाल लिया हंड्रेड और टी एवरेज निकाल लिया थर्टी क्रिस्टल क्लियर सत्य मार्या कैसे हुआ समझ में आ गया बेटा अगला करो अगला करो टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, तेल मी. किस्टल क्लियर है लिख दीजिए चैट बॉक्स में एक्नोलेज कर दीजिए प्लीज एक्नॉलेज कर दीजिए हर बच्चा मजा आ रहा बच्चों और बच्चों जो मैपिंग पढ़ाऊंगा ना पढ़ाऊंगा नहीं फील कराऊंगा बस आप पावर सप्लाई नहीं दोगे पावर सप्लाई नहीं दोगे बाकी सारा कंसेप्ट बिल्कुल चिंता नहीं करना बिल्कुल मत मन में आ रहा है वेरी गुड श्रुति गॉड ब्लेस यू बेटा गॉड ब्लेस यू Tell me, मी tell me. इधर देखे बच्चों क्या कह रहा है कवि? टाइम टेन एसिस यूज करना है अच्छी बात है सर और मज़े वाली बात है क्या हो जाएगा एच इंटू टी वन वन माइनस एच टी टू टी एवरेज तीस है एच निकालना है टी वन ट्वेंटी है वन माइनस एच वन फिफ्टी है ट्वेंटी एच प्लस वन फिफ्टी वन फिफ्टी हमेशा ऐसे ही हो जाता है। इधर देखे मेरे छोटे भाई और बहनों h इंटू टी वन वन माइनस एच इंटू वन फिफ्टी क्लियर ट्वेंटी एच प्लस माइनस वन फिफ्टी एच तो कितना आ गया ये एक सौ बीस इक्वल टू वन थर्टी एच एच इक्वल टू आ जाएगा वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन थर्टी ट्वेल्व बाई थर्टीन दट इज इजो पॉइंट नाइन टू समिंग समथिंग यानी 92% आ रहा होगा ऐसा आ रहा है हां बोले यस या नो 12/13 आ रहा है या नहीं आ रहा यस या नो माय डियर अगला क्वेश्चन सुने क्या कहना चाहता है कवि कवि कह रहा है कवि कह रहा है कि अगर मैंने हिट रेशियो 100% कर दिया हिट रेशियो 100% कर दिया देन l1 एंड l2 के टाइम बताइए एल वन एंड एल टू के टाइम बताइए तो कर दो आप पहले हंड्रेड परसेंट कर दो सर आप टेंशन मत लो आप कर डालो जो आपको करना है वो कर दो सर आप हंड्रेड परसेंट कर दो तो क्या होगा टी एवरेज हंड्रेड परसेंट का मतलब वन वन इंटू टी वन कितना है टी वन आपका ट्वेंटी है वन माइनस वन जीरो इंटू वन फिफ्टी ये तो कैंसिल हो जाएगा टी एवरेज आ जाएगा सर ओनली ट्वेंटी टी एवरेज ट्वेंटी आ जाएगा लेकिन टी वन और T2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा T1 और T2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माय डियर समझ में आया कॉन्सेप्ट T1 और T2 पे क्यों नहीं पड़ेगा सर अरे मैंने बोला यार भाई समझना कि जयपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर है अब आप चाहे एक जना जाओ चाहे चार जने जाओ चाहे चालीस जने जाओ अगर उसी पास से उसी गाड़ी से जा रहे हो तो वही पड़ेगा ना या एक और एग्जाम्पल लो छत पे दस कपड़े एक घंटे में सूखते हैं ठीक है छत पे टेन क्लॉथ है ना एक घंटे में सूखते हैं अगर मैं बोलूँ बीस कपड़े हैं तो क्या दो घंटे में सूखेंगे क्या आर यू गेटिंग पॉइंट नंबर ऑफ क्लोथ नेवर डिपेंड ऑन द सन रेज क्लियर एवरी वन क्लियर अरे तो बच्चों टी एवरेज पे फर्क पड़ेगा सर टी एवरेज पे क्यों पड़ेगा अरे तो मैंने करके दिखा दिया बच्चों करके दिखाया टी एवरेज पे क्यों पड़ेगा क्योंकि इधर ओनली या हिट रेश हो हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तो इधर वाले का तो वैल्यू कितना हो जाएगा इधर वाले का वैल्यू जीरो हो जाएगा और टी एवरेज आ जाएगा जो लेवल वन का टाइम था दैट एटलीस्ट ट्वेंटी थर्टी की जगह लेकिन एल वन एल टू कभी भी चेंज नहीं होगा मेरी बात समझ में आपन घोष वन फिफ्टी नहीं होगा एल वन ट्वेंटी रहेगा एल टू वन फिफ्टी रहेगा टी एवरेज टी एवरेज हिट रेशो 100 परसेंट करने पे ओनली टी एवरेज रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी 20 आ गया अर्लियर इट वाज 30 बेटा क्रिस्टल क्लियर एवरी वन क्रिस्टल क्लियर एवरी वन टेलमी 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 फास्ट समझ में आया बच्चों अगला क्वेश्चन करो अगर मैंने पुराने वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में प्लीज ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में इफ आई इंक्रीज दी हिट रेशो टी एवरेज बाई टेन परसेंट देन हिट रेशो में क्या चेंज होगा हिट रेशो में क्या चेंज होगा सर अगर मैंने टी एवरेज दस परसेंट बढ़ा दिया है मैं ये नहीं पूछ रहा बढ़ेगा या कम होगा क्या चेंजेज होगा बताइए जल्दी कैल मी फास्ट 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 बच्चों फास्ट फास्ट पहले मैं कितना था ट्वेंटी वन फिफ्टी टी वन आपका ट्वेंटी था टी टू आपका वन फिफ्टी था अच्छी बात है सर और टी एवरेज अर्लियर टी एवरेज टी एवरेज ओल्ड थर्टी था बट टी न्यू कितना है T न्यू कितना है थर्टी प्लस टेन परसेंट ऑफ थर्टी टी न्यू है आपका थर्टी थ्री मेरी बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को थर्टी थ्री तो आप टी एवरेज निकाल लीजिए सेवन इसी एक्सिस है एच इंटू टी वन वन माइनस एच इंटू टी टू थर्टी थ्री एच निकालना है ट्वेंटी वन माइनस एच वन फिफ्टी ट्वेंटी एच प्लस वन फिफ्टी माइनस वन फिफ्टी एच इक्वल टू थर्टी थ्री ये कितना आ जाएगा एक सौ बीस एच और ये कितना आ जाएगा एक सौ वन वन सेवन एच आ जाएगा मेरा वन वन सेवन डिवाइडेड बाई वन टू जी यही आ रहा बेटा यही आ रहा है नहीं बेटा थोड़ा गलत कर रहे हो आप प्लीज़ चेंज चेक कीजिए कितना आ रहा है इसका वैल्यू कितना आ रहा है बेटा वो बताइए आप। इसका वैल्यू कितना आ रहा है वो बताइए जल्दी बताइए जीरो पॉइंट नाइन वेरी गुड जब मैं छोटा बच्चा था यानी नाइन्टी परसेंट आ रहा है नाइन्टी परसेंट आ रहा है जब मैं छोटा बच्चा था तो कितना आ रहा था कितना आ रहा था नाइन्टी टू परसेंट नाइन्टी टू परसेंट अब जब मैं बड़ा हो गया तो कितना आ रहा है एच ओल्ड कितना था नाइन्टी टू पॉइंट थ्री थ्री परसेंट एच न्यू कितना है ये ओल्ड था नाइन्टी परसेंट तो क्या हुआ टू पॉइंट थ्री थ्री परसेंट डिक्रीज हो गया बेटा और मेरे छोटे भाई और बहनों आप आपसे पूछ रहा कितना परसेंट अगर आपसे बोलता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो, हो, हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है सुनिएगा बच्चों इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है हाँ या वन थर्टी आएगा ना बेटा थर्टी सॉरी क्योंकि बीस और डेढ़ सौ वन थर्टी ठीक है अब आपसे पूछता कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो आपको इतनी इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत दोबारा सुनिएगा कान खोल के क्यों इधर देखो पहले कितना था तीस ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है वी आर गेटिंग वी आर गेटिंग मोर डेटा फ्रॉम टी टू इंस्टेड ऑफ टी वन यानी का मतलब है मेरा हिट रेशो डाउन हो रहा होगा अरे देखो ना बच्चों अगर आपने हिट रेशो बेटा श्रुति गलत कर दिया आपने दिया, अगर आपने हिट रेसो हंड्रेड परसेंट कर दिया अगर आपने हिट रेशो हंड्रेड परसेंट कर दिया अगर आपने हिट रेशो हंड्रेड परसेंट कर दिया तो आपका कितना आ गया टी एवरेज कम हो रहा है ना जैसे जैसे हिट रेशो बढ़ेगा टी एवरेज कम हो जाएगा जैसे जैसे हिट रेशो बढ़ेगा इससे कवि यह कहना चाह रहा है जैसे जैसे हिट रेशो बढ़ेगा टी एवरेज कम हो जाएगा यह भी शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझ में आया सर क्यों अरे प्रूफ है आपके पास हिट रेशो बढ़ा दे आपने हंड्रेड परसेंट हिट रेशो कर दिया तो आपको डेटा कहाँ मिल जाएगा लेवल वन से मिल जाएगा आपको लेवल टू थ्री फोर वाइव में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने हिट रेशो कम कर दिया यानी यहाँ मैंने नाइन्टी की जगह यहाँ नाइन्टी की नाइन्टी टू की जगह और कम कर दिया तो मेरे को कम टाइम इधर मिलेगा मेरे को और ज़्यादा टाइम इधर जाना पड़ेगा और ऑब्वियस बात है इसका समय ज़्यादा है इसका समय ज़्यादा है तो टी एवरेज बढ़ेगा अरे हाँ या ना क्रिस्टल क्लियर है तो चला दीजिए चैट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर या हार्ड यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है कि हिट रेशो अपन इससे अगर शक्तिमान की एक और कंसेप्ट सीख गए हिट रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी एवरेज क्लियर एवरीबॉडी ईच एंड एवरीवन क्रिस्टल क्लियर अगला क्वेश्चन ये गेट में आया था क्या कह रहा है अगर कैसे मिस है तो पचास लगेगा भैया और अगर कैसे हिट है तो पाँच लगेगा एटी परसेंट हिट रेशो है जल्दी बता दीजिए इसका आंसर हर बच्चा जल्दी बता दीजिए ईच एंड एवरी वन डू इट फास्ट अभी बच्चे लिख दिया करो चैट बॉक्स में एवरी वन अगला देखें क्या बोल रहा है टी एवरेज निकालना भैया इफेक्टिव मेमोरी एक्सिस टाइम मैंने आपको बोला था अगर हिट हो रहा है तो ये लो और नहीं मिल रहा तो टोटल टाइम कितना लग रहा है वो बता दो मिस का टाइम मिस वाला टाइम बता दो कितना लग रहा है कितना सिंपल क्वेश्चन है ना ये तो इसमें एल वन एल टू का नाटक है ना और कुछ है एट्टी परसेंट टाइम तो कितना लग रहा है पाँच कितना लग रहा है पाँच ना हाँ और ट्वेंटी परसेंट टाइम आपको पचास लग रहा है ये कितना आ जाएगा चार प्लस दस कितना बच्चों फोर्टीन नैनो सेकेंड कितना फोर्टीन नैनो सेकेंड क्लियर है बच्चों क्लियर है सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है अगला कीजिए क्लियर है एक बार यहां तक बताइए क्लियर बच्चों क्लियर है सभी को तो ये इस पे कैसे पे छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं अपन ने अब सुनो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है दो तीन चीजें होती है एक तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्यों यूज करते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पहली चीज क्या सिखाने जा रहा हूं एल ओ आर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर लोकल का मतलब क्या होता है यार लोकल का मतलब लोकल का मतलब यही मैं भी बचपन में जब छोटा बच्चा था लोकल का मतलब था, कि जैसे local, जिस पर टैग नहीं लगा हुआ वो लोकल है नहीं बेटा लोकल जैसे सच्ची, अगर वी आर प्लेंगे लोकल प्लेयर मेरे को बड़ा इगोआट होता था बड़ा दुख होता था कि सचिन को लोकल प्लेयर बोलते थे जब कॉमेंटेटर जब मैं छोटा बच्चा था मेरे को समझ में नहीं आता था लोकल का मतलब क्या होता है मजाक कर रहा हूँ को आता था लेकिन आप कंसेप्ट सीखे लोकल का मतलब क्या है सचिन बिलोंग्स टू द महाराष्ट्र बम्बई दैट्स वाई इन बम्बई वनखेड़े सचिन इज ए लोकल प्लेयर रोहित शर्मा इज ऑल्सो फ्रॉम बंबई में भी तो इट इज़ ऑल्सो लोकल तो लोकल का मतलब ये नहीं है ब्रांडेड और लोकल वो वोकल फॉर लोकल वाली बात नहीं कर रहा मैं इधर वो अलग कॉन्सेप्ट है इधर लोकल का मतलब जैसे सचिन बम्बई में जब वानखेड़े में खेल रहा था तो इज ऐजे लोकल प्लेयर फॉर दैट स्टेडियम तो लोकल का मतलब क्या है आपको समझ में आया लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है समझना बच्चों प्लीज ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट को सीखिएगा बहुत प्यारा कंसेप्ट है बहुत मजा आएगा आपको ध्यान से सुनना क्या होता है बेटा आपके पास मैन में मेमरी होती है मैन में मेमरी आपको पता है भैया थोड़ी सी तो दूर है ही थोड़ा टाइम लगेगा सीपीयू में रजिस्टर फास्ट है फिर ऐसे यानी कैसे फास्ट है उसके बाद मैन मेमोरी है लेकिन मैन मेमोरी से अपन बार बार डेटा लेने जाएंगे बार बार डेटा लेने जाएंगे बार बार डेटा लेने जाएंगे तो इट विल कंज्यूम मोर एंड मोर टाइम ऑब्वियसली बात है अगर मोर 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 टाइम लगेगा तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी तो व्हाट वी आर डूइंग व्हाट एवर द फ्रिक्वेंटली रेफर डेटा इफ दिस एड्रेस कोई एक एक्स एड्रेस है उसका कोई डेटा अपना बार बार यूज आ रहा है अपन उसको रेफर कर रहे हैं तो उसको अपन क्या करेंगे कैश में स्टोर करा लेंगे है ना तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है अपन परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए जो कैश है ना लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है

उसका फायदा क्या है सर पहले बात तो ये बताओ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का फायदा क्या है अननेसेसरी आपको मेन मेमोरी में या मेन मेमोरी में नहीं मिला तो सेकेंडरी मेमोरी में बार बार जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कहाँ लोकल लोकल बोले तो बम्बई बम्बई में श्री सचिन तेंदुलकर वन खेडे स्टेडियम कैसे से ही डेटा आपको मिल जाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो जो कैसे होता है ना वो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ़ रेफरेंस पर काम करता है तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ एक्सिस दी हायर लेवल ऑफ मेमरी डेटा फ्रॉम लेवल वन मेमरी इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इसका मतलब यह है मान लीजिए कोई भी एक्स डेटा है किसी भी कोई भी डेटा है किसी भी एक्स एड्रेस पे तो उसको मैं क्या करूंगा कैसे में स्टोर करा लूंगा उससे फायदा क्या होगा उससे फायदा क्या होगा इस ब्लॉक को मैंने कैसे में स्टोर करा लिया नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये तो इसके आसपास की चीज या यह यही डेटा बार बार काम में आ रहा हो तो मेरे को बार बार मैन मेमरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चोल में ना दादा नहीं चलेगा मैन मेमरी में बार बार जाना नहीं चलेगा, चलेगा. अपन यहीं से एक्सेस कर लेंगे अब ये जो होता है वो दो टाइप का होता है एक तो होता है टेम्परल एक होता हैल और स्पेटियल का मतलब क्या होता है That is और इस का मतलब इसके पड़ोसी इसके आगे वाला या पीछे वाला उस वाले को यूज कर रहे हो कहा कैसे के इस वाले डब्बे में इस वाले लोकेशन पे मान लीजिए कोई भी इस वाले लोकेशन

लाइक एल आर यू पर पड़ी थी है ना तो या यू कैन से सेम डेटा विच इज एक्सिस अगेन एंड अगेन देन डेट टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन टेम्परल एल ओ आर समझ में आ गया बेटा लिख दीजिए चैट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर दूसरा होता है स्पेटियल स्पेटियल का मतलब वो वर्ड नहीं उसका पड़ोसी राज्य एडजेसेंट वर्ड बट सेम एड्रेस पे दैट इज कॉल्ड स्पेटियल जैसे मान लीजिए आपका मेन मेमोरी है चालीस एम बी का या पचास एम बी का कितना पचास एम का मान रहा हूँ मा... मानने में कहाँ जाता है दिक्कत कैसे है आपका दस एम का कितना दस एम का तो क्या होगा यहाँ टेन टेन एम बी के टेन टेन एम बी के टेन टेन एम बी के फाइव टाइम्स लोड होंगे कैसे में तो पहले ये वाला एड्रेस का डेटा फिर इसके पड़ोसी का फिर इसके पड़ोसी का फिर इसके पड़ोसी का फिर इसके पड़ोसी का समझ में आ गया सभी बच्चों को टेम्परल स्पेटियल थियोटिकल क्वेश्चन बनता है कि कैसे किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करता है समझ में आ गया है तो सुने कैशे के टाइप भी सीखते हैं ये विलियम स्टॉलिंग्स में भी गिवन है तीन टाइप की कैसे होती है तो यूनिफाइड एक स्प्लिट एक मल्टी लेवल यूनिफाइड का मतलब क्या होता है बोथ कौन बोथ कौन बोथ आप और मैं या मैं और लैपटॉप या कंप्यूटर मैं और मेरा यूट्यूब है नो बेटा बोथ मतलब या तो इंस्ट्रक्शन या डेटा या बेटा इंस्ट्रक्शन या डेटा बोथ प्रेजेंट इन सेम कैश बोथ प्रेजेंट इन सेम कैश लेकिन स्प्लिट कैसे में क्या होता है लॉजिकली दैट कैसे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट आई कैश और डी कैश आई कैश बोले तो इंस्ट्रक्शन कैश और डी कैश बोले तो डेटा कैसे डेटा कैसे डेटा कैसे एक होता अपना है अपना मल्टी लेवल कैसे मल्टी लेवल कैसे में क्या होता है रजिस्टर्स हुआ सबसे पहले अपने पास एलवन कैसे होगी जिसको अपन इनर कैसे भी बोलते हैं वो अंदर ही है उस और फास्ट है अगर उधर नहीं मिला तो फिर L2 कैसे होगी और अगर L2 में भी नहीं मिला तो मैन मेमोरी सर इसको लगाने के फ़ायदे क्या है इसको लगाने के फायदे ये है कि आपको मैन मेमोरी में बहुत कम टाइम जाना पड़ रहा है और सेकेंडरी में तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम जाना पड़ रहा है क्योंकि एलवन में मिल गया एलवन वेरी फास्ट है एलवन में नहीं मिला तो एल में मिल गया उस वो भी फास्ट है पर थोड़ी बहुत एलवन के कंपेरिजन में स्लो है है ना तो देखो स्पीड ऑफ एलवन इज़ वेरी फास्ट ये देखो छुप गया है इधर नलायक लेकिन L2 का साइज थोड़ा सा बड़ा है यहां तक सबको समझ में आ गया है यहां तक सबको समझ में आ गया है और इसमें भी मल्टी लेवल कैसे में भी दो प्रिंसिपल काम करते हैं एक तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक एक्सक्लूजन समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन का मतलब है जो डेटा L2 में है जो डेटा एल टू में है वो L1 में तो रहेगा ही रहेगा यानी मान लीजिए यहां चार एम बी डेटा है इधर आपका दस मान लीजिए सात एम बी डेटा है तो टोटल डेटा कितना कहलाएगा इधर टोटल डेटा कितना कहलाएगा बेटा सात एम बी ही कहलाएगा क्योंकि जो डेटा प्रेजेंट इन कैश कैसे मस्ट बी प्रेजेंट इन एल टू बट इधर क्या होगा एक्सक्लूजन आपको समझ में आता है एक्सक्लूजिव कोई सेल चलती है बोलता है एक्सक्लूजिव इसी पे मिलेगा तो यहाँ टोटल डेटा कितना है यहाँ डिफर रहेगा डेटा L1 और L2 में डेटा डिफर रहेगा तो टोटल डेटा इधर कितना कहलाएगा चार प्लस सात ग्यारह एम भी कहलाएगा मेरे छोटे भाई और बहनों मेरी ये बातें समझ में आ गई है आ या ना अब देखो अपने ये जो टॉपिक है ना कैश एम ये पांच टॉपिक है कैश मेमोरी में उसे कैसे कैसे अपन यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे हैं ये मेन पांच टॉपिक है पहला है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कैसे और मैन मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना इन दोनों के लिए कॉम्पिटेबल बनाना इन दोनों के लिए कॉम्पिटेबल उसके बाद है मैपिंग टेक्निक कैसे लाओगे वो सारी चीजें इसमें आपकी तीन टेक्निक होती है एक तो डायरेक्ट मैपिंग हर साल ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक डायरेक्ट दैट एसोसिएटिव एंड फुल्ली एसोसिएटिव फुल्ली एसोसिएटिव डियर ये तीन मैपिंग होती है फिर रिप्लेसमेंट एलगोरिदम पढ़ेंगे फिर अपडेशन टेक्निक राइट थ्रू एंड राइट बैक राइट थ्रू एंड राइट बैक ये आपकी अपडेशन टेक्निक है ये अपन पूरा पढ़ेंगे आज नहीं पढ़ा रहा घबराओ मत एक फिर मल्टी लेवल कैसे पढ़ेंगे यहाँ तक सभी बच्चों को अगर क्रिस्टल क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए ये नहीं पढ़ा रहा अभी देखो खूब बड़ी है बेटा ये खूब बड़ी है खूब बड़ी है घबराओ मत को पूरा फील करेंगे अपन इसको पूरा फील करेंगे आज नहीं पढ़ा रहा हूं बट आप यहां तक यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है एनी डाउट प्लीज आस्क अदरवाइज बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिए दिल बना के और बच्चों फिर कह रहा हूं एटलीस्ट फर्स्ट वीडियो पे सब अपने अपने एक्सपीरियंस लिख के आइएगा सीओ पढ़ने एक्सपीरियंस कमेंट नहीं बोल रहा कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल रहा एक्सपीरियंस लिखना जो आप और मैं इधर सीख रहे हैं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं ओके सो थैंक यू एवरी थैंक यू थैंक यू कोई डाउट नहीं है ओके सर अभी दो घंटे और पढ़ा लो नहीं बेटा और भी है अभी क्लास मेरा दूसरा भी है कुछ और भी काम है मैं तो यही हूँ अभी भी डोंट वरी रहे आप अपन इसको करेंगे कल अपना शाम को भी लेंगे बेटा रोहित इधर नहीं लिखना है रोहित रोहित कमेंट सेक्शन में लिखना पहले वीडियो के ठीक है आप सुने ओके वंस अगेन थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस कल अपन इसके आगे से स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज फिर पेरों के आए थे बारह बजे तक के लिए लेकिन बेटा मेरे को और दूसरा भी अर्जेंट काम है आज इसीलिए नहीं तो साढ़े ग्यारह तो हो ही गए आधा घंटा ही बचा कोई दिक्कत नहीं है ये आधे घंटे में टॉपिक नहीं होगा मैं इसलिए नहीं करा रहा कि मेरे को काम है देखो कल कंट्रोल यूनिट इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं क्योंकि टॉपिक के साथ इंसाफी नहीं हो पाई टॉपिक के साथ इंसाफ ही नहीं हो पाएगी कंट्रोल नीट सोचो आज अपन को एक डेढ़ घंटा लगा कल अपन आधे घंटे में खींचते तो उसमें तो रेल बना देते फिर आप बोलते सर रेल आएगा आएगा बेटे पेज रिप्लेसमेंट एलगोर भी सिखाऊंगा बेटा रिप्लेसमेंट टेक्निक में ठीक है तो रोहित इधर नहीं चैट सेक्शन में नहीं कमेंट सेक्शन में फर्स्ट वीडियो ठीक है तो बच्चों अपन मिलते हैं कल सेम टाइम और कल अपन शाम को भी क्लास रख लेंगे उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन सुबह दे दूंगा कल होगी या परसों होगी कल ही होगी वैसे मोस्टली ओके सो थैंक यू गॉड ब्लेस यू मेहनत करते रहिए शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए थैंक यू माई डियर स्टूडेंट जय हिंद थैंक यू